यही मैं बता रहा था कि जैसे मैं क्या करूँगा, टॉपर्स की कॉपियाँ को एनालाइज करूँगा, तो वहाँ से उसको सीखने को मिलेगा सर। जितनी ज़्यादा टॉपर्स की कॉपियाँ देख सको तो वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो 2-3 दिन है अपने पास, तो उसमें मैं करवा दूँगा। ठीक है, योजना का मैंने बताया दिया था कि कैसे उसका यूटिलाइजेशन करना है। एक काम तो तुम लोगों को वो करना है, दूसरा जो दृष्टि वाली बुक है उसका यूटिलाइजेशन तुम लोगों को सीख। इसके अलावा ऐसे में कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत है नहीं। ठीक है, हाँ वो एक काम मैंने बोला था, वही मुझे पता है कि तुम लोग किए नहीं होंगे, कि नोबल पुरस्कार वाला वो काम कर लेना। पता होना चाहिए, देखो पद्मश्री, वो बहुत अच्छी अच्छी केस स्टडीज मिल जाती है वहाँ से। ठीक है, जिस मान लो कि पद्मश्री अवार्ड किसी को मिल रहे हैं, ठीक है, नोबल पुरस्कार मिल रहा है, तो उसके बारे में पढ़ो क्यों मिला है। पीटी में भी हेल्प मिलेगी, सही बता रहा हूँ, उधर पीटी में भी हेल्प मिल जाएगी। एक दो क्वेश्चन आते हैं, साइंस वाले तो खास तौर से उधर से आते हैं। इकोनॉमी में अगर कोई नया रिसर्च करके आया है, कोई टर्मोलॉजी आया है, कोई कॉन्सेप्ट आया है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। तो एक तो वो काम कर लेना, योजना वाला मैंने मैगजीन बताया, तो वो काम, और दृष्टि वाली बुक हो गई, टॉपर्स की कॉपी। इसके अलावा कुछ ऐसे में काम करना है नहीं। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान से समझ लो। ठीक है, और तो कुछ काम, कोर्स वाला मैंने भेज दिया, तो उसमें से काम करो। ठीक है, वैशाली कहाँ गायब थे इतने दिनों से? तबीयत तबीयत ठीक हुआ तुम्हारा? दवाई के सहारे जीवन चलाओगे क्या? अब मेडिटेशन कर दो ना सर, योगा भी स्टार्ट करो। वो इतना कि स्ट्रेस की वजह से ही प्रॉब्लम स्टार्ट हुई थी, ये सब बता डॉक्टर से बात हुई थी तो वे भी कह रहे थे। अच्छा, कहते स्ट्रेस नहीं लेना है तो उस कहा किस चीज का स्ट्रेस, किस चीज का स्ट्रेस लेने लगे? पढ़ाई वढ़ाई का स्ट्रेस ले रहे हो क्या? सर, जॉब करो सर, दुनिया भरी की टेंशन है रहती हैंगी। अरे टेंशन लेने का नहीं, उल्टा देने का। बस जो दे आपको टेंशन दे रहा उसको दे दो, अपनी टेंशन ही। जैसे लाइफ में कछु आदमी ऐसे मिल जा जाएंगे के जान बूझ के कर, और कितने ही डांटो कितने ही डपटो भी नहीं सुधरा थेंगे। हालांकि अब तो हम मुंह को जवाब दे थेंगे, लेकिन ठीक है। अब बढ़िया बढ़िया बढ़िया, चलो कोई नहीं। ठीक है, तो अपन शुरू करते हैं ऐसे में, रवि से आके ऐसे बात करेंगे। रवि से आके जितने भी ऐसे हैं उतना करी थी सर पढ़ने की, लेकिन पता नहीं कैसे पढ़ने की कोशिश, तो मैं कमर दर्द होने लगा था, कोई मतलब ज्यादा बैठ नहीं पाते हैं। कोई बात नहीं, अगर हेलो हेलो, हाँ बोलो। वो एक आज भी लिख के भेजे, आओ देखेंगे पहले रवि से आकर देख लेते हैं। अपनी तरफ से वो ऑफ कर लो सब लोग। ठीक है, ध्यान से समझना मैं क्या चीज़ समझाना चाहूँगा, क्या करना है काम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉपर्स की कॉपियाँ देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। तो ये कैसे एनालाइज करना है, यही नहीं वो जो दृष्टि वाली बुक है उसको भी कैसे एनालाइज करना है, क्या है। ठीक है ठीक है, अब ध्यान से समझना ये चीज़। अब देखो पहला जो काम है, और ये देखो जीएस में भी यही काम करना चाहिए, मैं फिर बार बार बता रहा हूँ, टॉपर्स की कॉपी देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो प्रतिमान होते हैं कि भाई ऐसे लोग सेलेक्ट होते हैं। मैं फिर बता रहा हूँ, आप मेरी कॉपी चेक किए पे उस पर भरोसा करो ना करो, परंतु टॉपर्स की कॉपी आपको इनसाइट एक ओवरव्यू प्रदान करती है। ठीक है, अब देखो ध्यान से देखना, सबसे पहला क्या काम करना, किसी भी टॉपर्स की कॉपी उठाओ, और मेरा मानना कि देखो टॉपर्स की कॉपी पढ़नी चाहिए, और मैं फिर बार बार बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, जीएस में ले लो चाहे ऑप्शनल में ले लो या एसए के लिए ले लो, बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या करना कि जैसे मान लो कि ये एसए की थीम है, अब देखो मैंने उस दिन बोला था ना, देखो ऐसे कोमा में लगा के ऐसे अंडरलाइन करना होता, तो इसने ऐसे किया। ठीक है, पहली बात ये हो गई। ठीक, तो आपको क्या करना है, जब भी आप किसी टॉपर्स की कॉपी उठाओगे ना, ठीक है, तो करना क्या है, ये हेडिंग जो है अपना जो एक रफ पेज लेना उसमें लिख लेना। ठीक है, अपना रख लिख लेना, फिर लिखना नहीं है तुम लोगों को ऐसे, ठीक है, उतना ज़्यादा मतलब वो तो अलग से लिखते जाओ, यूपीएससी वाले टॉपिक पे लिखते रहना,
मेरा मानना कि अदर टॉपिक पे लिखने से अच्छा ज़्यादा अच्छा है कि यूपीएससी के ही पेपर को जब बार बार सोल्व करो आप, चाहे मैं जीएस का सब्जेक्ट है ऑप्शनल का हो चाहे कुछ भी हो, ठीक है, आंसर राइटिंग करना तो उसी पे करो, ठीक है। अब जैसे मान लो कि ये थीम उठा लिया, इसमें तुम्हें काम क्या करना है कि एक रफ पेज, खाली पेज लेना, उस पर ये थीम लिख देना आराम से, ठीक है, जो ब्रेन स्टॉर्मिंग करोगे यूपीएससी में वैसे ही सेम करना। तो क्या करना है कि टॉपिक हेडिंग लिख दिए, ठीक है, उसके बाद तुम लोगों को क्या करना है, ये मत पढ़ो पहले किसी भी टॉपर का, ऐसे नहीं जाके पढ़ने लगे तो तुम लोग सीख नहीं पाओगे, मैं फिर बार बता रहा हूँ। और मैं फिर गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि तुम लोग है ना, अब जैसे मैं बोल रहा हूँ कि भाई पहले नहीं पढ़ना, पर तुम लोग पढ़ोगे, मैं फिर बता रहा हूँ। यही तो है कि देखो बोलते ना कि जब तक आप मेरी बातों को अनुसरण पूर्ण रूप से नहीं करोगे तो भाई चीज़ें कहाँ कैसे आएगी। मैंने बोला था नोबेल पुरस्कार वाला काम कर लो, वो भी नहीं किया होगा, कोर्स वाला भी अभी रेडी नहीं हुआ होगा तुम लोगों का, तो अभी लापरवाही है, क्या ही बोलूँ, ठीक है। पर मैं फिर बता रहा हूँ इसमें लापरवाही मत करना, मैं बार बार फिर बता रहा हूँ। तो इसमें क्या करना है, जैसे मान लो कि टॉपर्स का ऐसे है, ठीक है, तो ये मान लो कि अपना एक खाली पेज लेना, उसमें लिखना। अब उसके बाद ब्रेन स्टॉर्मिंग सोचो, जैसे मान लो मैं आज मैं बता रहा हूँ कैसे काम करना। जैसे सक्षम लोगों के लिए डिजाइन की गई दुनिया में विकलांग, आप सोचो कि अब मतलब पहले मत पढ़ो इसने क्या लिखा है क्या है, वो नहीं, आप ये सोचो आप खुद जब ये ऐसे लिखते तो क्या पॉइंट सोचते हैं। तो सबसे पहली बात तो अपन क्या होता है, ब्रेन स्टॉर्मिंग ही सोचते हैं, ठीक है। तो ब्रेन स्टॉर्मिंग का मैंने तरीका बताया था आप लोगों को, एक तरीका होता है कि सबसे बेस्ट तरीका कि GS1 से ले लो आप और GS4 तक पहुंच जाओ आप, पॉइंट सोचने का तरीका। तो पहले तो जैसे एक क्या है ना कि ये एक बार में पढ़ के समझ में नहीं आ रही है, तो थोड़ा डिफिकल्ट टॉपिक है, तो क्या करेंगे अपन, मैंने क्या बोला था उस दिन, टुकड़ों में डिवाइड कर लो। तो टुकड़ों में डिवाइड करोगे इसको पहले सक्षम लोगों, सक्षम लोग कौन होते हैं ध्यान से समझना। अब इसकी एक परिभाषा हो जाएगी सक्षम लोगों, अपन किसको लेके चलेंगे सक्षम लोग, ठीक है, ध्यान से समझना। सक्षम लोग अपन जैसे मान लो कि आर्थिक रूप से मान सकते हैं, ठीक है, या सक्षम लोग अपन शारीरिक रूप, देखो मैं वही फिर बता रहा हूँ, ये छोटी छोटी चीज़ें पकड़नी, अब यहीं पे बहुत सारी चीज़ों में तोड़ लेंगे अपन। एक शारीरिक रूप पे सक्षम हो सकता है कि भाई मान लो कि उसका हाथ पैर सब कुछ अच्छा हो, विकलांग नहीं है वो, सक्षम लोग ये हो गया। दूसरा सक्षम लोग क्या हो गया, आर्थिक रूप से हो गया कि आर्थिक रूप से सक्षम है तभी मान लो कि जो भी उसको जरूरत हो खरीद पा रहा, गरीब है तो सक्षम नहीं है ना, ठीक है। राजनीतिक रूप से राजनीतिक अधिकारों का अच्छे से प्रयोग कर रहा है, पॉलिटिकल पावर है ये है। सामाजिक रूप से उसके पास कितने अधिकार है, SC ST के पास बहुत सारे अधिकार नहीं होते हैं, महिलाओं के पास नहीं होते हैं, ठीक है। वैज्ञानिक रूप से कितना वो है, ठीक है, मान लो कि साइंस में जो नए नए मान लो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया, उसको कितना यूज कर पा रहा नहीं कर पा रहा, समझे हो ना। तो यहाँ पे अपन ने क्या किया भाई, देखो बहुत सारे ऐसे के टॉपिक ऐसे होंगे जो डायरेक्टली तुम लोग रीड करोगे समझ में आ जाएगा कि चलो ठीक है ये पूछना चाह रहा। जैसे गांधी वाला उस दिन अपन जो पहला 2013 का जो टॉपिक था कि जो दूसरों में बदलाव आप देखना चाहते हो पहले आप स्वयं में बदलाव लाइए, वो पढ़ते ही पता लग गया, उसमें इतना जरूरत नहीं पड़ा। परंतु जैसे अपन ने उस दिन जो देखा था कि निष्काम जो बोधि जिज्ञासा होती है यथार्थ सभ्यता को जीवन रस है, तो वो टॉपिक थोड़ा हार्ड पड़ता है, वो समझ में नहीं आता, तो उसने अपने क्या किया था उसको पार्ट्स में तोड़ के ऐसे किए थे, ठीक है। तो वैसे अपन ने यहाँ पे पार्ट्स में तोड़ के करें क्योंकि डायरेक्ट समझ में नहीं आ रहा। तो सक्षम लोग का तो समझ में आ गया, बट डेफिनेशन सक्षम लोग तो बहुत सारी तरीके से हो सकते हैं। अब आगे के जो पार्ट है वो अपने को हेल्प करेगा कि अपने को किस तरीके लेके जाना है। अब देखो आगे पढ़ो, सक्षम लोगों के लिए डिजाइन की गई दुनिया में विकलांग, सोचो कि ध्यान से समझना, इसका मतलब ये है कि जो आज की जो दुनिया बनी हुई है वो सक्षम लोगों के लिए बनी है। अरे बात तो सही है ना, जैसे फेलियर के लिए तो देखो सोसाइटी में कोई सम्मान नहीं दिया जाता, ठीक है। तो सोचो सक्षम लोगों के डिजाइन की गई दुनिया में विकलांग का क्या हाल होगा, सोचो सब। इस वजह से याद करो कि वो जो विकलांगों के लिए दिव्यांग वाला जो एक्ट आया था उसमें एक अभियान चलाया गया था, सुगम्य भारत अभियान, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, यहाँ लिख लो सुगम्य भारत अभियान, ये पॉइंट सोचने आपको, मैं फिर बता रहा हूँ सुगम्य भारत अभियान, ठीक है। अब सोचो उससे पहले क्या हो रहा था, उससे पहले सोचो आज भी देखो ना बसों में विकलांग लोग जैसे मान लो जिनके पैर नहीं होते वो कैसे चढ़ पाते हैं, बहुत मुश्किल होती है, ठीक है। पहले ऑफिस में जाने के लिए नहीं होता था, आजकल तो चलो बनने लग गया, सुगम्य भारत अभियान जब से चला 2017 से चला है, ठीक है। अब मेरा मानना है जैसे BJP गवर्नमेंट का ये बहुत अच्छा काम रहा इन लोगों के लिए काम करना, ऐसे नहीं पहले भी गवर्नमेंट कर रही थी पर थोड़ा मोदी ने पर्सनली लेवल पर जाके इन्वॉल्व होकर काम किया, वो बहुत अच्छी बात है, मानना चाहिए इस लेवल पर कि किया है काम, है इस चीज़ के लिए मैं एग्री हूँ, ठीक है। कुछ चीज़ें हैं थोड़ा सेंसिटिव बनाना लोगों के लिए, ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो अपने को पता लग गया कि इस ऐसे का थीम ये है कि सक्षम लोगों के लिए डिजाइन की गई दुनिया में विकलांग।
अब मैं फिर मैं बता रहा हूँ, ये विकलांग यहाँ पे प्रतीकात्मक है, आप विकलांग को वही सेंस। अगर देखो मैं फिर बता रहा हूँ, देखो जिनके कम नंबर आते हैं ये मान लो कि आप सोच नहीं पा रहे हो, तो सोचोगे तो विकलांग को अब एक शारीरिक रूप पे लेके चले जाओगे। पर मैंने देखो सोचो सक्षम लोगों को मैंने किस किस लेवल पे लिया है, शारीरिक लेवल पे लिया है, वैज्ञानिक लेवल पे लिया है, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, बहुत सारे और एंगल बनेंगे। तो जब आपको विकलांग भी लेना है तो वो ऐसे ही लेना है, आर्थिक रूप से विकलांग भी तो लोग होते हैं, सामाजिक रूप से तो विकलांग होते हैं लोग, राजनीतिक रूप से रूप तो विकलांग होते हैं। तो समझ में आए, तो देखो ब्रॉडर थीम जो है ऐसे की तभी बनेंगे, तभी एक अच्छा ऐसे विश्लेषणात्मक ऐसे तभी लिखा जाता है। अगर आप सोचो कि ऐसा ही लिख दो कि बस सक्षम लोगों के लिए डिजाइन की गई दुनिया में विकलांग, बस वो हाँ कि ये सारी चीज़ें उसी के लिए बनी हुई है, तो वो एक पक्ष से हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आ गया कि पहली बात तो अपने को सक्षम लोगों के लिए, भाई सक्षम लोग क्या होते हैं, ठीक है, अब भाई उनके लिए दुनिया बनेगी तो किस तरीके की बनेगी। ठीक है, अब ध्यान से देखना, जैसे महिलाओं के साथ रेप होता है, ठीक है, डोमेस्टिक वायलेंस होता है, हकीकत बात मैं बता रहा हूँ ना, डोमेस्टिक वायलेंस का खास तौर से उस एक्ट का जो है यूज, जो जिनके साथ होता भी नहीं है, ज़बरदस्ती झूठ मार्ट में लोगों को फंसाती है, वो महिला यूज करती है, पर जिन महिलाओं के साथ रियल में हो रहा है, रियलिटी में वो महिला यूज ही नहीं कर पाती, क्योंकि राजनीतिक रूप से क्या है, वो विकलांग है। समझ में आया ना, तो मतलब इस ऐसे के थीम ऐसे है, तो विकलांग को वो वहाँ पर ये मत समझ लेना उन्हें दिव्यांग लोग ही है। दिव्यांग मतलब जो हो सकता है जो राजनीतिक रूप से अवेयर ना हो वो दिव्यांग, दिव्यांग का मतलब क्या है, जिसके मतलब क्षमता नहीं है, मतलब उसकी कैपेसिटी उस लाइक नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान से समझो, और मुझे तुम लोग बताओ, देखो मैं चाहता हूँ, देखो मैं तो सोच पा रहा हूँ, पर मैं चाहता हूँ तुम लोग क्या सोच पा रहे हो, मुझे बताओ और इसमें क्या क्या पॉइंट आएंगे, क्या अपन लिखेंगे, क्या सोचेंगे, बताओ मुझे एक ही सब लोग, अब इधर अपन बुलेट पॉइंट कैच कर रहे हैं, बताओ। हाँ अमित बोला, तुम्हारे ये हमेशा माइक में क्या दिक्कत आता है, तुम्हारा नेटवर्क इशू रहता है, क्या रहता है, बोलो अब बताओ, सोचो, मैं ऐसा करता हूँ थीम को ऐसा थोड़ा बहुत, हाँ अब बताओ, थीम भी दिख रहा है, अब बताओ क्या क्या पॉइंट लिखेंगे अपन, क्या करेंगे कैसे। चलो सबसे पहले बात तो, हाँ पहले ब्रेन स्टोमिंग कर लेते हैं, फिर बाद में देखेंगे भाई इंट्रोडक्शन कैसे करेंगे, कंक्लूजन, अब अभी इसका पढ़ना नहीं है, फिर अपन इसका पढ़ेंगे, फिर अपन ही सोचेंगे अपना कितना सही सोच रहे थे कितना गलत, समझ में आया। तो ये कंपैरिजन स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है और यही करनी चाहिए, ये चीज़ याद रखना, ये बहुत जरूरी है। टॉपर्स की कॉपी कैसे नहीं पढ़ के यहाँ पढ़ लिया निपटला लिया, वो कोई मतलब ही नहीं है फिर टॉपर्स की कॉपी का एनालाइज करने का। ठीक है, तो बताओ आप मुझे, सक्षम लोगों के लिए डिजाइन की गई दुनिया में विकलांग, बताइए आप। अरे बताओ भाई, मैं फिर मैं बता रहा हूँ, तुम लोग अगर अपनी तरफ से नहीं बोलोगे तो मेरा क्या, मैं तभी बता के ख़त्म कर दूंगा, तो मैं ही सीख रहा हूँ ना, तुम लोग नहीं सीख पाओगे। क्या हुआ, इंटरनेट से जोड़ सकते हैं, इंटरनेट से कैसे, लोगों के लिए, हाँ बताइए कैसे, सक्षम लोगों के लिए डिजाइन की गई दुनिया, बताओ इंटरनेट बताओ, की दुनिया, आप मुझे मोल्ड में फिर बताओ, तुम लोग फोल्ड करना बताओ मुझे, फोल्ड कैसे, एग्जांपल से शुरू कर सकते हैं, किससे, अरुणिमा सिन्हा के एग्जांपल से, क्या है आप बताओ, अरुणिमा सिन्हा क्या है, कैसा है, क्या है वो बताओ ना आप, सक्षम लोगों के लिए डिजाइन की गई दुनिया में विकलांग, बताइए आप बताओ ना, क्या क्या थी वो, अरुणिमा सिन्हा जिनके पैर नहीं है उनको लगे हुए उस, मतलब जिनके पास पैर नहीं है और उनको क्या बोलते हैं, अभी टर्म एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, बताओ बताओ बताओ, अरुणिमा सिन्हा एक पर्वतारोही जिनके पैर नहीं है, जिन्होंने पैर ना होते हुए भी माउंटेन फतह किया है, केटू में है शायद, कंचनजंगा में, माउंटेन कंचनजंगा में केटू फतह किया है, उनके पास पैर नहीं है, उनके नकली पैर लगे हुए हैं, तो इसको जोड़ते हुए इसमें बताया जा सकता है कि सक्षम लोगों के लिए डिजाइन की गई दुनिया में विकलांग, मतलब कैसे, वही तो बता रहा हूँ, मोल्ड करोगे, बात ये है, बहुत इम्पोर्टेंट बात तो यही है यहाँ पे कि आप उसको कैसे फोल्ड करोगे। विकलांगों को अक्सर समझा जाता है कि वो शरीर से विकलांग है और साथ ही साथ दिमाग से भी ये विकलांग हो सकते हैं, ऐसा समझा जाता है। तो ये जिनकी अभी आपने अरुणिमा सिन्हा की जो आप स्टोरी बताई ना नर्मदा ने, तो वो उनके एक्सीडेंट में पैर कट गया था,
तो वो जब पैर कट गया था तो वो जो बिछेंद्री पाल थी ना, जो माउंट माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी थी, उनके पास वो गई और उनसे मिली और बोली कि मुझे माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई करनी है। तो उन्होंने उनसे कहा कि तुमने तो आधी माउंटेन एवरेस्ट की चढ़ाई तो आज ही कर ली, अब बस आधी दूरी तुमको चलकर तय करनी है। और उसके बाद उन्होंने, ये अरुणिमा सिन्हा ने सर वो कंचनजंगा को फतेह किया था सर, ये मानूंगा। अरे बात में तुम लोग समझ नहीं रहे, मैं ये बता रहा हूँ कि आप इस ऐसे की जो थीम से उसे कैसे कोरिलेट करोगे। बात ही देखो तुम, मैं देखो हाँ एग्जांपल यही आएगा, सब कुछ आएगा, पर फोल्ड करना, मैं कल भी तो तुम लोगों जब कॉपियाँ चेक कर रहा था मैं यही तो बता रहा था, तुम लोग फोल्ड करना नहीं जान रहे हो। फोल्ड कैसे करोगे इसके, ताकि अपने जो टॉपिक है उससे भाई वो एकदम उसी कोरिलेशन में जाए। बात तो यही है सबसे बड़ी बात यहाँ पे, बताओ। मैं इनिशिएट करूं फिर से? हाँ करो करो, और कोई दूसरा एग्जांपल लो, इसको करो, बताओ। ये कहानी है एक महान पर्वतारोही की, जिनके पर्वतारोही अरुणिमा सिन्हा के, जिनके एक एक्सीडेंट में पैर गवा देने के बाद भी उन्होंने अपनी हिम्मत से कंचनजंगा फतह किया और कंचनजंगा फतह किया और उनको नकली पैर लगे हुए थे। उनके हौसले को देखकर कहा जा सकता है कि हमारी आज की जो जो हमारे आज की दुनिया में जो सक्षम लोग हैं या सक्षम लोगों के लिए जो दुनिया बनाई गई है, वहां पे विकलांगों या विशेष क्या बोलते हैं उनको, विशेष, मोदी जी अक्सर बोलते हैं उनके बारे में विशेष, अरे दिव्यांग लोग, विषय या दिव्यांग जन लोगों के हौसले की उड़ान को देखा जा सकता है। अक्सर न्यूज़पेपर में या तो समाचार पत्रों में मोदी जी विशेष आवश्यकता वाले व्यक्तियों की बात करते हैं। इसके साथ ही अगर हम ओलंपिक्स में भी देख सकते हैं कि जो पैरा एथलीट है उनका प्रदर्शन अच्छा रहता है, वहां से जोड़ते हुए फिर इसको आगे ले जा सकते हैं। ठीक है, और कोई बताओ। जैसे मैं इसमें अपनी तरफ से भी एक दे रहा हूँ, स्टीफन हॉकिंग का मैंने बोला था, सोचो वो बंदा उसको पैरालाइज पूरा बॉडी, ध्यान से समझना। मतलब साइंस जैसा वर्ड, मतलब कि सब ऐसी बात है, एक तो पहली बात साइंस जैसा सब्जेक्ट है सक्षम लोगों के लिए बना है भाई, समझ बात, बुद्धि चाहिए उसमें, ये चाहिए, आई क्यू चाहिए, पूरा ये चाहिए सब कुछ, ठीक है। परंतु जो सक्षम लोगों के लिए बनने था दुनिया पर, तो उसने भाई उस सेक्टर में जाके अपना जो है, सोचो इतना इतना बड़ा वैज्ञानिक बनना, तो ये तो पता लगा ना सक्षम लोगों के लिए डिजाइन की गई दुनिया में विकलांग लोग भी बहुत आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये भी चीज़ है, ठीक है। और बताओ, ठीक है, दो एग्जांपल हो गए, और बताओ बताओ। देखो मैं फिर बता रहा हूँ, तुम लोग अगर नहीं सोचोगे ना, मैं फिर बता रहा हूँ, ऐसे में है ना पेन भी नहीं हिलेगा, सोचना समझो, और यूपीएससी की तैयारी में फिर बता रहा हूँ। जैसे आज मैं बता रहा था ना कि देखो ना, जैसे मैं आज गया था दृष्टि मेंटरशिप, तो मैं देखो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि तुम लोग मतलब ये चीज़ समझो कि जैसे मैं कल शायद आज हाँ वो हिंदी के कोर्स भी पढ़ रहा था, तो उसमें ऐसा था कि देखो अगर इस दुनिया में अगर कुछ करना है ना, तो अपने थॉट प्रोसीजर खुद को, मतलब अपना थॉट प्रोसीजर खुद के डिसीजन बनाओ, खुद के थॉट प्रोसीजर शुरू करो। जो समाज में चली आ रही है प्रथा, वो ऐसा पागलपन नहीं होना चाहिए। तो जब मैं गया तो मेरे से क्वेश्चन पूछा, मेरे से पूछा कि भाई LGBT जो अभी मैरिज का जो मामला चल रहा है उसमें क्या सोचते हो? मैं बोला कि नहीं, मैं एग्री हूँ मैं कि इनको मिलना चाहिए राइट। बोला क्यों? ये तो सामाजिक नैतिकता के खिलाफ है ये। मैं बोला कि यार सामाजिक नैतिकता हर चीज़ सही होती है। उस मतलब वो ये मेरे से सुनना चाह रहा था कि भाई नहीं मिलना चाहिए। वो बोला, बहुत सारे मुझे काउंटर किया कि ये कैपिटलिज्म है, ये वेस्टर्न दुनिया की वो है, ये है वो है। तो मैं वही बता, जैसे मैं फिर मैं भाई अपने विचारों में अडिग हूँ भाई, सीधी सी बात है, मुझे जो लगता है Article 21 भी है, राइट टू प्राइवेसी भी है, सब ऐसी बात, उनको क्यों नहीं मिलना चाहिए। मैंने CGI को कोड किया कि भाई CGI का खुद का स्टेटमेंट, खुद बोला कि मैं खुद इसके समर्थन में हूँ, भाई इनको मिलना चाहिए भाई, जैसे सीधी सी बात है, नेचुरल राइट है ना। तो बहुत सारी चीज़ें मैं फिर मैं वही मैं बता रहा हूँ कि जब तक आप लोग अपने पॉइंट ऑफ व्यू सामने रखना नहीं सीखोगे, तो फिर मैं बता रहा हूँ आपका दिमाग नहीं चलेगा। दुनिया तो फिर वहाँ आपको वही सोचने के लिए मजबूर करेगी जो दुनिया चाहती है, ये चीज़ याद रखना हमेशा। तो फिर आप कभी IAS, मैं फिर बता रहा हूँ, IAS बनने का मतलब ये है आप अपने विचारों को, जैसे होते ना कि जमीन जब अनुपजाऊ हो जाती है तो भाई उसमें कोई फसल नहीं उगती है, तुम लोगों की स्थिति वैसी ही है। मैं फिर बार बार बता रहा हूँ, जब तक भाई अपने आप को उकेरोगे नहीं, अपने विचारों को भाई, गलत सलत सही कुछ भी बोलो, जमीन जब वो बंजर भूमि रहती है ना, तो भाई उसमें हो सकता है कि जैसे बहुत सारी आपने मूवियाँ देखी होगी,
उसमें ऐसा था कि लोग मेहनत कर रहे हैं सबसे। हाँ मैं देखो कुछ मूवियाँ मैं रिकमेंड करूँगा, मैं बोल रहा हूँ देखा करो, तुम लोग देखते रहो, मैं बहुत सारी मूवियाँ बता चुका हूँ। अरे देखो देखो बात, तुम लोगों को ऐसा लग रहा है कि यार मेरा पढ़ाई नहीं हो रहा, अगर आप आज भी ये सोचते हो कि किताबों से पढ़ के आपकी पढ़ाई होती है, तो मैं फिर बता रहा हूँ यूपीएससी की तैयारी नहीं है, फिर कोई और एग्ज़ाम की तैयारी करो भाई। अंडरस्टैंडिंग जो है वो बढ़नी चाहिए, वो मूवी देख के भी ही आप यूपीएससी की एग्ज़ाम, मैं फिर बता रहा हूँ यूपीएससी की एग्ज़ाम है ही ऐसा जनरल नॉलेज वाला एग्ज़ाम है, जनरल अवेयरनेस वाला एग्ज़ाम है। तो उसमें मूवी देखना मदर इंडिया, बहुत पुरानी मूवी है, और मैं बता रहा हूँ ना कि बहुत शानदार मूवी देखी है। हुई। अरे मैं फिर बता रहा हूँ देखी हुई है तुम लोग। अरे भाई मैं जिस सेंस से तुम्हें दिखवाना चाह रहा हूँ उस सेंस में देखो, तुम लोग पहले एक इंटरेस्ट, मतलब आप समझो पहले आप मूवी देख रहे थे तो आप एक अपने इंटरटेनमेंट के उसके लिए देख रहे थे, मनोरंजन के लिए। अब जब आप कोई देखोगे मूवी, जैसे मैं जो दृष्टि उसमें डालना चाह रहा हूँ उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तुम लोगों का जो है पॉइंट ऑफ व्यू, चलो ठीक है तो नम्रता तुमने देखी तो बताओ मुझे उसमें क्या ऐसा है जो मैं तुम्हें बताने के लिए प्रयास कर रहा हूँ, उस मूवी में ऐसा क्या है? जमींदारी व्यवस्था पे है कि कैसे वो ये जो क्या कहते हैं जमींदार वाला सिस्टम था, और कैसे किसान कुछ चक्र में फंसता है जमींदारी का, सब कुछ बड़ा मतलब बर्बाद कर लेता है। पर उसमें बाढ़ का सिस्टम भी है, बाढ़ मतलब बाढ़ आता है तो कैसे पूरी फसलें बर्बाद हो जाती है, नुकसान होता है। और त्याग है उसमें सर, बहुत सारी चीजें सब कुछ खत्म होने के बाद भी इंसान किस तरीके से मतलब ठीक है। मैं उसमें एक एग्जांपल जो भी बताना चाह रहा था उसका, मैं ये एग्जांपल बता रहा, याद करो उस मूवी में अगर आप लोगों ने देखा है तो उस मूवी में ऐसा होता है कि आखिरी में उनके पास जब लगान बहुत ज़्यादा बढ़ते जाता है, मतलब कि ब्याज है वो बहुत ज़्यादा बढ़ते रहता है, तो उनको ऐसा लगता है कि जब उसके बच्चे बड़े हो जाते हैं तो भाई जो बंजर ज़मीन है उसको अब, पहले तो बहुत मुश्किल होता है उसमें पत्थर ही पत्थर होते हैं उस ज़मीन में, तो याद करो उसका बेल वेल भी ख़त्म हो जाता है। तो मेरा कहना मतलब है कि देखो आप लोगों का ठीक है, आपका पहले क्या बैकग्राउंड रहा है क्या है बात वो नहीं मायने रखता, बात ये है कि अगर आप लोग आज मेहनत करना चाहते हो तो भाई ऐसे में फिर बता रहा हूँ यूपीएससी की तैयारी है ही ऐसी भाई, जब तक आप अपने आप को उकेरोगे नहीं वो बंजर भूमि में भाई, जब तक हल नहीं चलाओगे ना तब तक कैसे फसल हो जाएगी उसमें, जब तक आप सोचोगे नहीं आप अपने विचार रखोगे नहीं यहाँ पे, तो मैं फिर बता रहा हूँ यूपीएससी तैयारी कोई मतलब ही नहीं। तो अभी मैं फिर बता रहा हूँ सोचो, चाहे गलत सोच रहे हो सही सोच रहे हो कोई बात नहीं है, बताओ जी याद सर, एक आईएएस ऑफिसर बने थे ना लास्ट टाइम रिजल्ट आया था तब, हाँ वो एक 2022 वाला, उनका हो सकता है यहाँ पे? तो मैं बात हो सकता, बात ये नहीं है, बात तो बहुत सारी चीजें हो सकती है, बात है कि आप इसको कैसे मोल्ड करोगे। जैसे मैं सबसे बता रहा हूँ इसमें एग्जांपल डालो हीरा सिंगल का, अरे भाई डिसेबिलिटी डिसेबिलिटी होती है इंटरव्यू में गई थी तो उसको निकाल दिए थे, बोले तुम क्या करोगे तुम कैसे एडमिशन संभालोगे, और उसका ऐसा था मैं आईएससी लूंगी ऐसा था उसका ना, तो उसका ऐसा बोला गया कि तुम क्या करोगे तुम्हारे पैर वैर नहीं है, वो थोड़ा उस टाइप से है ना, थोड़ा उसका जो नीचे वाला पार्ट है वो बिल्कुल ऐसे है, तो उसको ऐसे करके दर निकार कर दिया, एक तो तुम लड़की हो एडमिशन जिला कलेक्टर संभालना, मतलब सोचो। तो ये है अब ये उल्टा मैं बताऊँ हीरा सिंगल की तो इस जो ऐसे की थीम है उसे एकदम उल्टा फिट बैठेगी, क्योंकि जो एग्जामिनेशन वही तो भाई, उसको अलाउ ही नहीं था आईएएस के लिए, उसको हीरा सिंगल की देन है कि उसके बाद में लोग जो अपाहिज लोग आईएएस बन सकते हैं, नहीं तो पहले नहीं था अलाउ। अरे कोई एक एक बोलो एक एक बोलो, मैं कितनी बात उन लोगों को बताया हूँ एटिकेट सिखाया हूँ, ये जब कोई बोल रहा है चुप रहा है। उसने दरवाजे खटखटाए थे उस टाइम को, उसका सिलेक्शन हो गया तो उसको अलाउ नहीं किया था, उसने दोबारा भी एग्जाम दिया था, दोबारा भी हाँ। तो वही मैं बताना चाह रहा हूँ कि हीरा सिंगल का इस ऐसे के साथ एकदम फिट एग्जांपल जाएगा, कैसे बस सक्षम लोगों के लिए बना था आईएएस आईएएस, तो दिव्यांग सोचो वो एकदम बाहर कर दिया गया था, परंतु हीरा सिंगल ने उस चीज को गलत साबित किया, बहुत अच्छी ब्यूरोक्रेट है अभी दिल्ली में ही है वो, बहुत अच्छी ब्यूरोक्रेट है। तो
तो मेरा कहने मतलब बहुत कोई चीज समझे। हाँ वही तो, मतलब सक्षम लोग होने का मतलब ये नहीं होता कि जो शारीरिक रूप से जो अपंग है वो सक्षम नहीं बन सकता। तो जैसे मैंने स्टीफन हॉकिंग का एग्जांपल दिया है, इरा सिंह पहले भी थी लोगों के लिए, डिसेबल लोगों के लिए था, बस उनकी डिसेबिलिटी जो उस क्राइटेरिया को फॉलो नहीं कर रही थी, तो वो लड़के केस फिर वो अपनी डिसेबिलिटी को भी उस क्राइटेरिया में इंक्लूड कराई थी, बस ये था। ठीक है और बताओ, और एग्जांपल मैं फिर बता रहा हूँ, मैं अगर मैं बताते रहूंगा तुम लोग क्या, मैं बात क्या चल रही थी, तुम लोग कहाँ पहुंच जाते हो, बताओ और बताओ एग्जांपल। सुधा चंद्रन जो एक एक्ट्रेस है, मतलब सफल एक्ट्रेस है और नृत्य की भी, तो उन्होंने वैशाली वैशाली लर्न एटिकेट, अगर कोई बोल रहा हो तो चुप रहो करो, समझे, मतलब फिर इधर किसी को समझ में नहीं आता ना, समझे थोड़ा बात। ठीक है तो वो यार आ गया था मुझे, ठीक ठीक आप अपने बाद में रखो जब आप बोलो नर्मदा। हां सुधा चंद्रन का है, मतलब एक महान नायिका भी है और सफल एक्ट्रेस है, मतलब सफल नायिका है और साथ में नर्तकी भी थी। एक मूवी में मतलब शूटिंग के दौरान उनका पैर टूटा हुआ था, उनको नकली पैर लगे हुए थे, तो पैर टूट जाने के बाद भी उन्होंने एक पैर से डांस करके उन्होंने अपने नाटक को पूरा किया था, मतलब अपने डांस को पूरा किया था। ठीक ट्राई करो कि ऐसा पॉपुलर नेम यूज करो सब लोग जानते हो, शायद मैं भी पहली बार सुना हूँ इस नाम को। और सुधा चंद्रन बहुत फेमस है, सुधा चंद्रन। ठीक है ठीक हो सकता, चलो ठीक और बताओ। तो ऐसे ही थीम, मैं फिर बता रहा हूँ जब भी पॉइंट में नई पॉइंट विचार नहीं आए तो पढ़ो फिर ऐसे ही थीम को, सक्षम लोगों के लिए डिजाइन की दुनिया में विकला। तुम लोग है ना नहीं समझ पा रहे हो ऐसे ऐसे की थीम को, मैं फिर बार बताऊँ जब भी मैंने क्या बोला था, मैंने क्या रूल सिखाया, जब भी अगर थोड़ा बहुत इधर उधर भटको तो ऐसे की थीम पढ़ो बार, फिर से माइंड जाएगा उधर। भाई सक्षम लोगों के लिए डिजाइन की गई दुनिया में विकलांग, तो सब ऐसी बात है, बहुत सारी जैसे मान लो रोड बनी, मान लो मैंने बताया था ना जैसे ऑफिस में पहले क्या था, सीढ़ियाँ बनी होती थी भाई, विकलांग व्यक्ति वहाँ पर चढ़ने में दिक्कत होती थी, आजकल सुगम्य भारत अभियान के द्वारा बनाया गया, मैंने पहले सोचे लोगों के बारे में सोचता नहीं था। ठीक है हाँ, ब्रेन लिपि का किसने आविष्कार किया था, ये भी तो सोचो ना, सोचो कि पढ़ाई थी नहीं, जो मान लो कि अंधेरे मतलब जो अंधे लोग थे उनके लिए पढ़ाई थी नहीं, बहरे लोग थे उनके लिए पढ़ाई नहीं थी, तो ये जो नए नए सिस्टम आया मशीनी वाला ब्रेन लिपि वाला, तो भाई सभा से सोचो ना सक्षम लोगों के लिए डिजाइन की दुनिया में विकलांग, सोचो क्या हालात होते। अब धीरे 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 हाँ उसी के नाम पर पढ़ा गया है। ठीक है और एक आईएएस ऑफिसर भी है जो नेत्रहीन है, सूरज तिवारी है जो अभी पिछले साल जिनका हाथ कटा था, वो सूरज तिवारी बने थे उनके, तो हाँ कांजल पाटिल करके हैं। अरे मैं फिर बता रहा हूँ, अरे मैं फिर मैं बता रहा हूँ, तुम लोग देखो यही मैं बता रहा हूँ, तुम लोग एक ही दिशा में भागते जा रहे हो, आपके इससे पता लग रहा है कि आपकी विचारधारा जो एक टाइप की है, अरे भाई मल्टी डायमेंशनल सोचना है, मैं फिर बार बार बता रहा हूँ जब भी, अरे आप लोग है ना वो होते हैं भावनाओं में बहुत जल्दी भेजाते हो, अरे भाई पढ़ो इसको, सक्षम लोगों के लिए डिजाइन की दुनिया में विकलांग, तो सक्षम लोगों के लिए सोचो ना कैसी कैसी जो है भाई आर्थिक सामाजिक राजनीति, ये कौन सोचेगा, तुम लोग तो एक ही तरफ जाते जा रहे हो, और सोचो ना। मैंने जैसे एजुकेशन का ले लिया भाई, ब्रेन लिपि का इनके विकास किया, इन्हें तो पहले सोचो बोलो इनके लिए एजुकेशन ही नहीं थी, ठीक है आज मान लो कि मोबाइल सब बन रहे हैं तो इनके लिए तो कहाँ बन रहे हैं, सोचो मोबाइल कहाँ यूज कर पाते हैं लोग, पर वैसा क्या टेक्नोलॉजी है जो जिसपे कोई आविष्कार कर रहा हो, तो ऐसी कोई बताओ आप बात, मतलब समझो ना ये चीज़, जैसे मान लो कि कोई व्यक्ति अंधा है तो वो कैसे मोबाइल यूज करेगा, वो सभ्य लोगों के लिए तो बन गई है वो चीज़, पर विकलांग लोगों के लिए कहाँ यूजेबल है, अब यही तो चीज़ है। मोबाइल में तो ऐसे बने ना जो अंधे लोग चला सकते हैं, बना है ऐसे, कौन बना है क्या है बताओ। अरे एक मूवी में देखा था मैंने, किसी में अंधाधुन में क्या किसी मूवी में है, वो पूरा कन्वर्सेशन मोबाइल के थ्रू हो जाता था, मूवी का नाम नहीं याद आ रहा पर देखा मैंने। और तुम लोग नहीं, मैं फिर मैं बता रहा था, मल्टी डायमेंशनल सोचो, सेक्टर वाइज लिखने में आएगा, हां लिखने में आ जाएगा डायमेंशन अभी, अच्छा सोचने में नहीं आ रहा था, लिखने में कैसे आ जाएगा भाई, और बिना सोचे ऐसे कैसे लिख लोगे,
सोच रहे। और लोग क्या सो रहे हैं क्या तुम लोग? देखो फिर मैं बार बता रहा हूँ मेरा क्या, मैं तो करके निकल जाऊंगा, पर जीवन में ऐसे नहीं सीख पाओगे। अगर आज मैं फिर बता रहा हूँ, अपने विचारों को रोको, पहली बात तो विचार सोचो और विचारों को फिर बाहर निकालो। ये मत सोचो कि हमारा गलत जाएगा, ये है क्या जीवन में कभी शंका भाव रहा ना जीवन में तो कभी आगे नहीं बढ़ोगे। मैंने 3-4 पहले भी टॉपिक करवा दिए ब्रेनस्टॉर्मिंग में, फिर बता रहा हूँ इस पर करो। अरे ऐसे ही टॉपर्स की कॉपियाँ यूज करनी है। अगर मैं फिर बता रहा हूँ, मैं जो तरीका बता रहा हूँ, अगर इस तरीके से काम नहीं किया तो कोई मतलब नहीं पे टॉपर्स की कॉपियाँ। जो कल तुम लोग बोल रहे थे ना कौन सा उसका भाई धर्मेंद्र जाखड़ का बुक अच्छी है, अरे वो अच्छी होगी तो अपनी बुक है वो भाई। तुम्हारे लिए जब अच्छी होगी, जब तुम उसको अपने जीव मतलब जो अपने भाई एग्जाम के रूप में उसको अप्लाई कर पाओगे। वैसे ये टॉपर्स की कॉपियाँ, यही टॉपर्स की कॉपियाँ को पढ़ पढ़ के लोग यूटिलाइज करके लोग टॉपर बन जा रहे हैं, परंतु एक सामान्य विद्यार्थी जो फेल हो रहा है, मान लो ऐसे में 60-70 नंबर 80 नंबर नंबर आ रहा है, वो भी ये पढ़ रहा है, परंतु बात होती है यूटिलाइजेशन की, आपकी चीज़ का कैसे उपयोग कर रहे हो। टॉपर्स की कॉपी में फिर बता रहा हूँ, जीएस में अगर फ़ायदा उठाना तो ऐसे उठाना, वहाँ पे वाला क्वेश्चन दिखा खुद से लिखो पहले, फिर कंपटीशन करो। बुजुर्गों के लिए, हाँ बुजुर्गों के लिए बताओ, बुजुर्गों के लिए जो गैजेट हम लोग इस्तेमाल करते हैं, कार गाड़ी बाइक मोबाइल या फिर रेडियो जैसी चीजें, रेडियो की आवाज भी उनको स्पष्ट सुनाई नहीं देती, क्योंकि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ना सर, वो सुनने की क्षमता कम होती जाती है सर। ठीक है, तो बुजुर्गों के लिए एक यूनिवर्सल क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट लाना चाहिए, जैसे कि जो मोबाइल मैं चला रहा हूँ वो बुजुर्ग भी चला ले, तो ये हो सकता है कुछ। ठीक है, बात है कि ऐसे से कैसे कोरिलेट करोगे आप। देखो मैं उस दिन क्योंकि बात है तुम लोगों को, वही तो दिक्कत आ रही है, सबसे बड़ी बात तो यही है। इसमें मुझे कारण बताना है सर कि ऐसा कारण क्या हो रहा है, इसके सुझाव क्या हो सकते हैं। हाँ वो बताओ। ठीक है, और सोचो, और सोचो और बताओ। बहुत सारे डायमेंशन है बहुत, मैं फिर बता रहा हूँ, अगर जब तक सोच नहीं, देखो ऐसे बिना सोचे लिख ही नहीं पाओगे, ये चीज याद रख लेना, बिना सोचे ऐसे लिखा ही नहीं जा सकता। हाँ बताओ ना आप लोग, इसको शुरू करते हैं फिर से। 21वीं सदी जिसे आधुनिकता का दौर कहा जाता है, अक्सर यहाँ पे ऐसी तमाम सुविधाएं उपलब्ध है जो सक्षम लोग बड़े थोड़े थोड़े अटकेगा। हाँ हाँ बताओ बताओ, तो कोई दिक्कत नहीं, जो सक्षम लोग बहुत अच्छे से उपयोग करते हैं, पर हम एक ऐसे समाज का हिस्सा है जहाँ पर लगभग सभी तरह के लोग उपस्थित है या उपलब्ध है, जहाँ पर सक्षम लोग भी हैं, जहाँ एक और सक्षम लोग भी हैं तो वहाँ दूसरी और ऐसे लोग भी हैं जो अंग भंग है या जिनके शरीर में किसी न किसी तरह की कोई परेशानियां हैं। तो हम ये सब चीजें की कोशिश करते हैं कि सक्षम लोगों के लिए डिजाइन की गई इस दुनिया में ऐसे व्यक्ति जो स्वाभाविक रूप से विकलांग है या जिन्हें किसी तरह विशेष आवश्यकता वाले व्यक्ति है या जिन्हें किसी भी तरह की शारीरिक कमियां हैं, उनके लिए हम इस समाज को कैसे, मतलब इस सक्षम लोगों के लिए बनाई डिजाइन की गई दुनिया में ऐसे व्यक्ति जो विकलांग या विशेष आवश्यकता वाले व्यक्ति हैं, उनके लिए क्या समस्याएं होती हैं और उन समस्याओं का सामना करके वो कैसे आगे निकलते हैं, ये इंट्रो हो गया। अच्छा नहीं ठीक है, ठीक है, और लोग बताओ। ठीक है चलो, आप इंट्रोडक्शन कैसे शुरू करोगे इसमें? ये इंट्रो ही था। नहीं ठीक है, तुम्हारा हो गया, और कोई लोग कैसे शुरू करोगे, स्टोरी शुरू के करो, तुम तो नॉर्मल गए हो, तुमने इंट्रोडक्शन वो सही तरीका नहीं है, जो आपने इंट्रोडक्शन लिखा वो सही नहीं है। वो सबसे एक एवरेज तरीका माना जाता है, वो सही नहीं है। ठीक है देखो, तो मेरा मानना है कि देखो, अब मैं नहीं बताऊँगा यहाँ पे, देखो तुम लोग खुद से मेहनत नहीं करोगे फिर ऐसे एक दिक्कत होगी। मैं जिस तरीके से सोच पा रहा सुचवा रहा हूँ फिर भी सोच नहीं रहे हो, मैं लिख दिया हूँ आर्थिक वैज्ञानिक रूप से सोचो उस तरीके से। ठीक है अब इसका देखते हैं ऐसे इसने कैसे लिखा है, अब तुम लोगों को थोड़ा समझ में आएगा। अब देखो थोड़ा बहुत काम किए ना, अब देखो इसे समझ में आएगा, इसे फायदा मिलेगा। ठीक है अब ध्यान से देखना इसको, इसे सर,
सर कल कल अगर जो आप ऐसे ऐसे देने वाले होंगे ना सर, ऐसे की कॉपी जो होगी कल, वो ऐसे का अभी आप बता देना ताकि मैं खुद से सर्च करके कुछ कुछ लिख कर ला सकूं, थोड़ी आसानी हो जाएगी सर। एग्जाम में ऐसा, एग्जाम में ऐसा होता है? उससे टॉपिक चूज करके उस पे काम करिए। सोचो ना आप, ये एग्जाम में होता है क्या ऐसे टॉपिक? आपको एग्जाम पेपर थो तो पेपर लीक कराने की बात कर रहा पेपर लीक कराने की बात कर वो हम देखे क्या बोलते हैं 12th फेल। 12th फेल देखो मैं फिर बता रहा हूँ, बात मूवी की नहीं है, बात तो उसमें जो संघर्ष किया है बंदे ने वो इम्पोर्टेंट है। वो चीज़ अपने जुझारूपन तुम्हारे अंदर नहीं आएगा ना, जीवन में कभी सफल नहीं होगा। जो लोग बहुत जल्दी हार के, जैसे आज मैं गया मेंटरशिप तो मेरा को डिमोडलाइज भी किया गया। देखो किया जाता है, अब देखो आज की दुनिया में नॉर्मली बात है कि हर कोई, मेरे को तो ऐसे बोला कि तू यूपीएससी तैयारी क्यों कर रहा है तो ऐसे लोग भी मिलते हैं। अरे नहीं, वहाँ मेंटरशिप में गया था, मेंटरशिप दृष्टि वाले मेंटरशिप प्रोग्राम में हूँ ना मैं, तो ऐसा आप बोले नहीं कि एक बार नोटिस मिला है फिर से नोटिस कटवाने थे आप लोगों। अरे ऐसे रहता है, तो मेरा मानना है कि देखो समझो, तो जीवन में आपको लोग ऐसे रहेंगे जो, मेरे को बहुत सारे लोगों ने बोला है, मुझे चैलेंज किया कि तो जीवन में आईएएस नहीं बन पाएगा। ठीक है, अब देखो क्या ही करोगे भाई, नहीं बनाओ जब तक तुम भाई, पर यही है कि यही जुझारूपन होना चाहिए कि भाई उनको मुझे गलत साबित करना, ये हकीकत बात है। मेरे बहुत सारे लोगों ने बोला कि तो जीवन में कुछ कर नहीं पाएगा, ये है वो है। ठीक है, तो मैं वही बता रहा हूँ कि जुझारूपन रहना चाहिए भैया। उनको बोलिएगा एक जवाब दीजिएगा कि 99.99% मेरी मेहनत है, 0.01% जिस दिन लक आ गया ना उस दिन तुमको बताएंगे। अरे कोई नहीं, तो मैं बता रहा हूँ कि देखो यही चीज़ याद रखना, तो उस मूवी से यही सीखने को मिलता है कि मतलब आदमी को अपनी परिस्थितियों से हार नहीं माननी चाहिए, सबसे बड़ी बात उस मूवी में। देखो फिर बताता हूँ, लोग इंटरटेनमेंट की तरह मूवियाँ देखते हो तो कोई मतलब नहीं है भाई। यूपीएससी के स्टूडेंट हमेशा अवेयर रहता है और वो हर चीज़ ऑब्जर्व करता है जो वो मूवी सिखाना चाह रही है, ये चीज़ याद रखना। अब बहुत सारे लोग तो 12th फेल इसीलिए 12th फेल देख के ये सोचते हैं कि हम गर्लफ्रेंड बनाएंगे तब आईएएस बनेंगे। अरे भाई वो मूवी ये नहीं है, मैं फिर बार बार बता रहा हूँ, उस मूवी का जो मकसद है जुझारूपन है, लड़ना, परिस्थितियों से हार नहीं मानना, वो उसका सीख है उस मूवी का। पर वही ये लोग तो सोचते हैं कि उसकी गर्लफ्रेंड उसको मिली इसलिए आईएएस बन गया, मुझे भी गर्लफ्रेंड पटानी पड़ेगी फिर मैं आईएएस बनूंगा। तो ये है, चलो ठीक है, अब इसका पढ़ते हैं। मेरा एक्सपीरियंस तो आपसे भी ज़्यादा बुरा है सर, मेरा एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा बुरा है। बुरा ही रहेगा अगर चीज़ें बदलेगी नहीं तो, भाई ज़्यादा अच्छा है कि उन लोगों पे ध्यान ना दिया जाए, उल्टा अपने मेहनत किया जाए, ज़्यादा अच्छा वो। लोग देखो मेरे कुछ बोलते हैं तो मैं ज़्यादा ध्यान नहीं देता, ठीक है यार निकलो जो भी है अपना पढ़ाई करो, अगर तुम उसी के बारे में दिन रात सोचते रहोगे तो सब ऐसी बात है, फिर तो पक्का है कि वो जो बोल रहा वही बात सही होगी। तो ये चीज़ हमेशा याद सर रहा। मुझे एक बोलो इसके इंट्रो के लिए कहानी, मतलब मेरे को लग रहा है कि सेट हो सकती है यहाँ पे। बताओ। सक्षम लोगों के लिए डिजाइन की गई दुनिया में विकलांग, मैं इसको रिलेट कर पा रही हूँ उससे, वो लोमड़ी और सारस वाली कहानी होती है ना। हाँ बताओ कैसे। वो जो दावत पे उसे बुलाता है। सबसे पहले लोमड़ी बुलाती है, मुझे थोड़ी थोड़ी याद आ रही है, आप बस डांटिएगा मत। अरे यार तुम लोग यार मेरे हो रही है कि नहीं हो रही है। ठीक है, वो पहले सारस जाता है लोमड़ी के घर पे, तो लोमड़ी ज्यादा चालाक बनती है, उसको खाना नहीं दे, मतलब खाना है ना वो थाली में परोस के देती है। फिर सारस अपने घर पे दावत देता है उसको, लोमड़ी को, तो वो सुराही में खाना देता है उसको। तो मेरे को, मैं यहाँ पे ऐसे रिलेट कर पा रही हूँ कि जो जिस चीज के लिए सक्षम है उस चीज में दूसरों को जबरदस्ती ढालना विकलांगता ही है, दूसरों की जो नहीं ढल पा रहा उसके लिए। ठीक है, ये बातें सही है। ठीक है, डाल सकते हो? हाँ हाँ ठीक है, कोई डाला जा सकता, कोई दिक्कत नहीं। चलो ठीक है, अब इसका पढ़ते हैं अपन। ठीक है, और सब आप ध्यान से, ठीक है, आप लोग जो सोच के रखे वो भी लिख के रखो, फिर अपन देखेंगे ये बंदे ने जैसे लिखा है कैसे आगे बढ़ा है, क्या है, वो सारी चीजें अपन ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, ध्यान से। सर एक चीज और मैंने ना रात को किनकी पढ़ी थी, नाम शायद उनकी 102वीं रैंक थी शायद, ऐसे करके थी उनकी कॉपी पड़ी थी, एक और कॉपी पड़ी थी, नाम मुझे दोनों का ध्यान नहीं आ रहा है किसकी थी। उनमें क्या किया था, उन्होंने
रामायण वाले पोर्शन से स्टार्ट किया है, घुमा फिरा कर वो वही ले गए हैं। ठीक है, दोनों ही मतलब दोनों ऐसे में चार ऐसे पढ़े थे मैंने, चारों में वही था। हाँ बहुत सारे लोग सेम रहेगा, वो रहता है, पर मेरे मानना है कि थोड़ा उसके नंबर इतना अच्छा भी नहीं मिला होगा। उसके ऐसे के नंबर कितने थे? कॉपी चेक नहीं हुई थी। नहीं नहीं, अरे वो मत बताओ, ओरिजिनल यूपीएससी में कितना मिला था उसको? पता नहीं, ये पता होना चाहिए। बिना ऐसे भी मत पढ़ो भाई, मतलब देखो मैं फिर बार बता रहा हूँ, हो सकता है कि आप जिनके कम मार्क्स आ रहे हो आप उसी को आइडियल बना लो, तो ये सही चीज़ नहीं होगी ना। मतलब पढ़ो, सबका टॉपर का कॉपी है, मैं उसके लिए मना नहीं कर रहा हूँ, पर तो ऐसा नहीं आप उसके पैटर्न को फॉलो करना लग जाओ। अगर उसको अच्छे नंबर नहीं मिल रहे तो भाई बचना चाहिए। मेरे दिमाग में यही आया था, मैंने दो चीजें लिखी हुई है रामायण को लेके, कि अगर कहीं पे मुझे ऐसे लिखने का मौका मिलेगा तो फिर मैं लिखना चाहिए। ऐसा नहीं है रामायण जिसे मैं बता, मेहुल ने है ना, जब 2022 वाले में जो मेंस लिख रहा था ना, तो वो क्या था, लापरवाही कुछ गलतियाँ की थी, तो तैयारी नहीं हुई थी उसका, तो एथिक्स का पेपर में ऐसे वो, क्योंकि हम जब स्कूल में, वो भी तो मेरे स्कूल में रहता तभी तो हम एक दूसरे को जानते हैं, तो हम आश्रम में रहते थे, तो भगवद गीता रामायण ये सब पढ़ी हुई है हमारी, तो उसने क्या किया था, एथिक्स के पेपर में वही सब कुछ लिख के आया था, उसको 100 नंबर मिल गए थे, उन्होंने यही बताया था जब सेशन हुआ था। हाँ तो वही चीज़ मैं बता रहा हूँ, जब फिर मोनिका का जब मैं देखा नंबर, मोनिका बहुत कम नंबर आए, मोनिका ने बहुत मेहनत किया सारी चीज़ें थी, और उसके कंपेरिजन में मेहुल ने कुछ ही मेहनत नहीं की थी, फिर भी 100 नंबर आ गए। तो कभी कभी ये स्ट्रेटेजी भी काम कर जाती है, जैसे आपके पास जो बेसिक नॉलेज है, जो आपने मान लो धर्मशास्त्र जहाँ से पढ़ा है, बस आप ये कि बस कैसे को रिलेट कर पाते हो। देखो मैं फिर बार बार बता रहा हूँ, वो को रिलेशन समझो, कि आप ट्यूशन की जो डिमांड के अकॉर्डिंग जो आपको कोई ऐसे रामायण का एग्जाम्पल याद आ गया, कुरान का एग्जाम्पल को याद आ गया, तो आप वहाँ पुट आउट कर सकते हो, तो आपका ये टैलेंट है, यही तो टैलेंट है। मैं फिर बता रहा हूँ, इस यूपीएससी की जर्नी में वही लोग सक्सेस होते हैं जो चीज़ों को, मतलब जैसे मैं बता रहा हूँ, मैंने जैसे मैं ऐसे लिखने जाता था, रात को कोई मूवी देखा तो मैं उस मूवी को जाके यूज कर पा रहा हूँ, तो ये टैलेंट है, मत समझो ये चीज़, ये आर्ट है। मान लो मैंने बहुत बार मैंने ऐसे में ऐसी चीज़ें भी यूज की है, जैसे मान लो मैं एक बार ऐसा होता कि मैं स्कूल लेवल पे उस टाइम मैं ऐसे में मतलब स्कूल लेवल पे मैंने टॉप किया था, फिर मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे लिखने गया था, तो उसमें मैंने जब जा रहा था तो रास्ते में मैंने कुछ चीज़ नोटिस किया, तो मैंने उसी को ऐसे में यूज़ कर लिया। अगर इस लेवल पे अगर आप चले जाओगे ना, तो फिर ऐसे में दिक्कत नहीं आएगी। ऐसे नहीं सोचो कंटेंट कहाँ से आएगा, कंटेंट की कहीं ज़रूरत नहीं होती है, कंटेंट आपके इर्द गिर्द घूम रहा है। ऑब्जर्वेशन, बहुत सारी मूवी देखो, उसको कुछ चीज़ें लगी आपको, देख के डाल दिया, तो ये सारी चीज़ें ऑब्जर्वेशन की बात है। इसीलिए यूपीएससी बोला ही जाता है ऑब्जर्वेशन का एग्ज़ाम है। जैसे अभी अपन रवि से आके इस कॉपी को ऑब्जर्व तो कर रहे कि कैसा लिखा है, क्या है इसे, क्या चीज़ें अच्छी है, क्या बुरी है, तो ये ऑब्जर्वेशन वाली तो बात है ना। ठीक है ठीक है, तो आप देखते हैं अपन। ठीक है, अब इसने शुरू किया है एक बार। अब देखो पहली बात, देखो उस दिन मैंने कल देखे थे, एक तो भाई इन दोनों के बीच में गैप होना चाहिए। ठीक है, तो देखो इसने ये चीज़ फॉलो की है, ध्यान से समझ रहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ये वर्ड जो है कट रहा है। ठीक, दूसरी बात इनके बीच में गैप होना चाहिए, तो ये भी अच्छा खासा है। तो ऑटोमेटिक देखो राइटिंग अच्छी हो ना, घबराने नहीं, परंतु ये चीज़ ज़रूर याद रखना। और ये चीज़ तो अपने हाथों में किया जा सकता, राइटिंग नहीं सुधारी जा सकती, वो मेरा भी मानना है कि एक टाइम के बाद नहीं सुधरती है। ठीक है, थोड़ा बहुत अपन ये चीज़ें किया जा सकता है, तो यही चीज़ करना है। जिसकी राइटिंग ख़राब है, मेरे खुद की भी राइटिंग ख़राब है, तो घबराना नहीं है, बस ये चीज़ याद रखना, एक तो इसमें गैप होना चाहिए, एक इसमें गैप होना चाहिए, बस, और कोई दिक्कत नहीं है, कॉपी चेक होगी आराम से। ठीक है, अब देखो, एक बार एक व्यक्ति समुंदर यात्रा के दौरान भटक कर एक ऐसे टापू, अब देखो इसने छोटी मोटी गलती की, मैं फिर बता रहा हूँ, होता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, टापू पर पहुँच जाता है जो केवल अंधे लोगों का देश है। ठीक है, ध्यान समझ रहे, मतलब कहीं ना कहीं एक स्टोरी से शुरू कर रहा है ये बंदा। ठीक है, वहाँ पहुँच कर वह उन सभी को दृष्टि या देखने की क्षमता के बारे में बताता है। सोचा अंधे लोगों को बता रहा है कि भाई ऐसा है, ऐसा है दुनिया है। सोचो वो सारे लोग अंधे हैं, सोचो तो उन्होंने उनकी दुनिया में तो अंधेरा अंधेरा, जब ये व्यक्ति वहाँ पहुँचा उनको बता रहा है इस तरीके की चीज़। ठीक है, आँख रूपी ज्ञानेंद्री के अभाव में स्वाभाविक रूप से वे व्यक्ति के कथनों व तर्कों को न समझकर उसे एलियन या शत्रु मान लेते हैं। भाई सभा सी बात है भाई, उन लोगों की दुनिया कैसी है, अंधेरे जैसी है ना। अब कोई व्यक्ति बता रहा है कि दुनिया इतनी सुंदर है, ये है वो है वो है, तो भाई उनको तो लगेगा कि फालतू में झूठ मार की तारीफ कर रहा है, क्योंकि उनकी दुनिया में तो अंधेरा ही है ना, सारे लोग अंधे हैं, तो उनकी दुनिया तो वैसी ही है सब कुछ। परंतु जो भी व्यक्ति बता रहा है तो उसकी दुनिया में तो है ना, उसकी आँख है, परंतु उनके लिए तो नहीं है ना। ठीक, तो सभी बात उसको कहते हैं एलियन मानेंगे, भाई पता नहीं कौन से लोक से आ गया। ठीक है, अंततः जब उसे पकड़कर वहाँ के अदालत में भी पेश किया जाता है, तो वहाँ के न्यायाधीश भी उसकी बातें न समझ देखो ध्यान से देखो, अब यहाँ पे इसका सेंटेंस फॉर्मेशन गड़बड़ाया है,
नहीं समझ कर या कुछ ऐसे लिखना चाहिए था ना समझ, अभी तो कोई आधा अधूरा स्टेटमेंट बन रहा है। देखो गलती होती, मैं फिर उधर टॉपर और गलतियाँ तो देखो यही होता है, छोटी छोटी गलतियाँ सुधार करनी है ठीक है। बातें न समझ कर उसे खतरा मानकर मुत्तेजन की सुझाव सुना देते, मतलब कहीं ना कहीं सेंटेंस यहाँ फॉर्मेशन गड़बड़ाया है ठीक है। न समझ उसे खतरा मानकर मुत्तेजन की सजा सुना देते हैं ठीक है। व्यक्ति की भिन्न आवाज़ सुनी नहीं जाती है और वह मारा जाता है, मतलब उस व्यक्ति की आवाज़ सुनी, मतलब ध्यान से समझना कि वो व्यक्ति अंधा तो था नहीं, परंतु वो लोग सारे जो लोग थे वहाँ के अंधे थे ठीक है। तो भाई उनके लिए जो दुनिया बनी थी वैसी थी, परंतु वो वहाँ गया वो बता रहा था तो उनके विश्वास नहीं किया, उसको मार दिया गया ठीक है। अब देखो यहाँ पे देखना इसका कोरिलेशन देखना, यहाँ पे पैराग्राफ खत्म हुआ, अब देखो इस अंधो, अब ये ऑटोमेटिक ऐड हो गया। तो ये आर्ट सीखनी है तुम लोगों के, आर्ट में क्या होता है कि यहाँ ये गायब हो जाता है, यहाँ पे अलग चीज़ शुरू कर देते हो। अरे भाई उस पीछे वाले पैराग्राफ से कोरिलेट करो ठीक है। इस अंधो के देश की कहानी को सार्वदेशिक व सार्वकालिक संदर्भ में देखें तो समझा समझ आता है कि सामान्य दुनिया में भिन्न भिन्न अलग असामान्य या विकलांग व्यक्ति की बातों उसका महत्व है, उसके दृष्टिकोण को समझने का प्रयास नहीं किया गया। अतः यहाँ समझना होगा कि विकलांग का क्या अर्थ है, सक्षम लोगों के लिए डिजाइन की गई दुनिया में उनकी स्थिति क्या है और इस दुनिया में उनका जीवन कैसा है, और स्त्री के लिए समतामूलक और समावेशी दुनिया का निर्माण किस प्रकार संभव हो। सभी के लिए, स्त्री नहीं है, सभी के लिए सब समतामूलक और समावेशी दुनिया का विनिर्माण किस प्रकार संभव। अब देखो इंट्रोडक्शन एकदम पूरा थीम क्लियर कर दिया, ये जो थीम है क्लियर हो जानी चाहिए इंट्रोडक्शन में। फिर मैं बार बार बता रहा हूँ, अगर आप लोगों की इंट्रोडक्शन में थीम ही क्लियर नहीं कर पाए एग्जामिनर को, तो मैं फिर बता रहा हूँ ना, दिक्कत होगी, फिर आपका आंसर आगे अच्छा नहीं जाएगा, क्योंकि आप लोग भी, क्योंकि सबाई सी बात है जब आप एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, मतलब आपने टॉपिक को समझा ही नहीं। अभी इस बंदे ने बता दिया और आखिर में क्वेश्चन राइज कर दिया कि मैं इस, अब देखो ध्यान समझना, इसने यहाँ पे दो तीन क्वेश्चन राइज करके ये बता दिया कि मैं आगे इन्हीं के बारे में बताने वाला हूँ, तो ऑटोमेटिक जुड़ गया और ऑटोमेटिक एग्जामिनर के मन में ये आ गया कि भाई ये बंदा क्या बताने वाला है। यहीं पे देखो इसने यहीं शुरू कर दिया, अतः यह समझना होगा। अब ये बता रहा है कि आगे मैं ये समझाऊंगा कि विकलांग का क्या अर्थ है, तो पहले तो ये बताएगा सक्षम लोगों के लिए डिजाइन की गई दुनिया में उनकी क्या स्थिति है, उनकी क्या कंडीशन है, इस दुनिया में उनका जीवन कैसा है, ये एक चीज़ ये बताएगा, और सभी के लिए समतामूलक और समावेशी दुनिया का निर्माण किस प्रकार संभव, और आखिरी में सॉल्यूशन भी देगा, प्रॉब्लम भी गिनाएगा, सब कुछ है, प्रेजेंट कंडीशन बताएगा इनकी, ऑटोमेटिक मेन बॉडी का जो मटेरियल तैयार हो गया। तो ये आर्ट समझो, मैं फिर बार बार बता रहा हूँ ये आर्ट है। कैसे बंदा इंट्रोडक्शन पहले इमेज को क्लियर कर रहा है, फिर आगे का पार्ट भी बता रहा है, कोरिलेशन समझो कि आगे मैं क्या करने वाला हूँ वो भी बता दिया इसने ठीक है। इसीलिए वेरी गुड लिखा है वो, समझो क्यों लिखा है बात, देखो ये लिखा है भाई वो मतलब नहीं, ये सोचो क्यों लिखा है। तो अपने को सीखना है कि आखिर में भाई ये चीज़ कैसे अच्छी है, इंट्रोडक्शन कैसे अच्छा है इसका ठीक है। अब देखो ध्यान से समझना, अब आते हैं अब इसका ये मेन बॉडी, अब यहाँ से मेन बॉडी पार्ट स्टार्ट हो जाता है ठीक। आगे देखो, सर्वप्रथम यदि विकलांग शब्द के अर्थ पर विचार, देखो मैंने बोला था ना यहाँ पे सबसे पहले अर्थ बताएगा ये ठीक है। सर्वप्रथम अब देखो ये चीज़ याद रखो, मैंने उस दिन ऐसे कहा जब सिलेबस अपन पढ़ रहे थे, मैंने क्या बोला था सिस्टमेटिक होना चाहिए। अब देखो सिस्टमेटिक एकदम, और कंटिन्यूटी होनी चाहिए, देखो कंटिन्यूटी है, फ्लो होना चाहिए, फ्लो है, दिख रहा है एकदम, तो ये है भाई अच्छा, ऐसे समझ रहे हो ना। तो भाई इस लेवल पर पूछना है, मैं तुम लोगों आप एक एक नंबर आधा माइनस नंबर देता हूँ, क्यों देता हूँ वो समझो, तुम लोग कहाँ पे हो और कहाँ तक पहुँचना है वो बहुत बड़ी जर्नी है, ये चीज़ समझो ठीक है। तो मैं फिर बता रहा हूँ, तभी आएगा, बार बार ऐसे लिखोगे, गलतियाँ हो जाए घबराओ मत, लिखो। देखो जैसे आज तुम लोगों ने नहीं लिखा, मैं बोला तो लिख के चेक करवा लो ठीक। आगे देखो, सर्वप्रथम यदि विकलांग शब्द के अर्थ पर विचार करें तो हमारा तात्पर्य केवल शारीरिक आयाम से नहीं होगा, बल्कि अन्य आयामों पर देखो मैंने बोला था सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। अब आप लोग ओनली बस शारीरिक ही लेके जा रहे थे, ऐसा नहीं होता है ठीक है, वो चीज़ें आगे देखेंगे। जन्मजात विकृति भी होती है, आनुवांशिक कारक या दुर्घटना के परिणामस्वरूप शरीर के अंग खो देने से उत्पन्न असमर्थता शारीरिक विकलांगता है, मैंने बोला था वहाँ पे शारीरिक, सामाजिक, राजनीतिक। इसी रूपी मानसिक विकृति जैसे पागलपन को भी इसमें शामिल किया जा सकता है ठीक है। अन्य स्तर में देखें तो समाज में जो सबों वंचित है, आशय पर है, दबाए गए हैं, सामाजिक रूप से विकलांग, देखो मैंने बोला था ना सामाजिक रूप से विकलांग। आर्थिक स्तर वंचित, गरीब, आर्थिक रूप से, मैंने बोला था इसके बारे में, तो मैं फिर बता रहा हूँ। अब देखो मैंने वहाँ सोचा, अब देखो मैंने जो सोचा था वो मेरी चीज़ सही जा रही है, अब मुझे कॉन्फिडेंस आ गया। तो ये टॉपर की कॉपी से देखना, अब देखो इसका मतलब है कि जैसे मैंने उस टाइम सोचा था कि सक्षम व्यक्ति ये सारी चीज़ें, अब मेरे उस कॉन्फिडेंस आ गया कि मैं सही दिशा में जा रहा हूँ, तो ऑटोमेटिक कॉन्फिडेंस आता है कि अपन सही तैयारी चल रही है अपनी।
तो मेरा इसीलिए बता रहा हूँ, टॉपर्स की कॉपी को एनालाइज इसीलिए करना चाहिए कि भाई देखो रवि से यार जिस लेवल पे सोच रहा था और जिस लेवल पे सिलेक्ट हुआ बंदा, और मैं भी आज उस लेवल पे सोच पा रहा हूँ, तो मतलब मेरे भी सिलेक्शन ज़्यादा दूरी नहीं है। इसीलिए मैं क्यों बोल रहा हूँ कि टॉपर्स की कॉपी को एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो आपके लिए एक प्रतिमान का काम करेगी कि आप कितने गहरे खड्डे में हो और कहाँ पे खड़े हो। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं फिर बार बार बता रहा हूँ, और मैं फिर बता रहा हूँ ऐसे पढ़ के निकल जाओगे कुछ भी मतलब नहीं है, जब तक आप खुद नहीं सोचोगे मैं इस ऐसे में क्या लिखता क्या नहीं, फिर सोचोगे टॉपर्स क्या सोच रहा था क्या मैं उसके, जिस दिन आप टॉपर्स के लेवल के बराबर पहुँच जाओगे UPSC उस दिन आपके लिए इंतज़ार कर रही है, मैं फिर बार बता रहा हूँ, इसे याद रखना ठीक है। अब देखो मैंने ये सारी चीज़ें पॉइंट बता दिया था आपको, तो ये चीज़ समझो कि मैं एटलीस्ट उस लेवल का सोच पा रहा हूँ ठीक है। मैं फिर बता रहा हूँ, अब हो सकता है कि मैं अलग तरीके से लिखता इसे ऐसे को, वो अलग अलग जाएगा, परंतु सोचने का लेवल है कि हम थीम को अच्छे से आइडेंटिफाई कर पाए, सबसे बड़ी चीज़ यही थी पहली बात ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, अन्य स्तरों पर संपूर्ण पर्यावरण, देखो पर्यावरण के संदर्भ में भी लिया है, पर दृष्टिपात करें तो पशु पक्षियों के जो भी बोल नहीं सकते हैं, पेड़ पौधे जो चल नहीं सकते, इन सभी को विशिष्ट परिभाषा में जगह देनी पड़ेगी। अब ये होता ब्रॉडर कॉन्सेप्ट, मल्टी डायमेंशनल अप्रोच। परिभाषा के उपरांत उन स्थितियों पर, अब देखो ये कनेक्शन देखो, ये चीज़ समझो, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। परिभाषा के उपरांत उन स्थितियों पर नज़र डालनी होगी जिनमें आज के सक्षम समाज में विकलांग व्यक्ति रह रहे हैं। शारीरिक असमता के स्तर पर देखें तो विकलांग की स्थिति परिवार से लेकर समाज बाजार हर स्तरों पर दयनीय है ठीक है। जैसे इसने बहुत ज़्यादा कर दिया है कि हर जगह जैसे ब्लैक पॉइंट देख रहे हो ना, इतना भी नहीं करना है, इंपॉर्टेंट वर्ड करना चाहिए ठीक है, ये नहीं करना चाहिए था ठीक है, नहीं इतना ज़्यादा नहीं करना होता ठीक है, कोई नहीं, परंतु मैं बता रहा हूँ ये चीज़ तुम लोगों के लिए ठीक है। हर जगह ब्लैक पेन से नहीं करना होता, जहाँ इंपॉर्टेंट कोई वर्ड हो लाइन हो तो वहाँ करना चाहिए ठीक है। अब ये नॉर्मल लाइन थी, ऐसा कुछ यहाँ करने की जरूरत नहीं थी ठीक है। विकलांग की स्थिति परिवार से लेकर समाज बाजार आदि हर स्तरों पर दयनीय है ठीक है, ये बात तो सही है। परिवार में दिव्यांग बच्चों को शिक्षा स्वास्थ्य के समान अवसर नहीं दिए जाते या उन्हें परिवार से बाहर भी कर दिया जाता है, होता है बहुत बार जो मानसिक रूप से जो रहते हैं उनको देख लो ना, समाज उसको ऐसे छोड़ देता, फिर इधर उधर भटकते रहते हैं, ये हकीकत है, मैंने मेरे गांव में बहुत देखा है ठीक है। समाज के स्तर पर अनेक विद्वानों ने भी कहा है कि विकलांगता शारीरिक ही नहीं बल्कि सामाजिक स्थिति है, समाज में इन्हें अपशकुनी माना जाता है, इनकी दिव्यांगता को पूर्व जन्मों के कर्मों का फल माना जाता है, ये बात सही है, ये सोशल रियलिटी है, एक सामाजिक तथ्य है, बोला जाता है कि इसने पाप किए होंगे पिछले जन्म में इसलिए ऐसा भोग रहा है ठीक है। इन्हें अवसरों से वंचित रखा जाता है और इनकी हंसी उड़ाई जाती है, बुलिंग ठीक है। हिंदी के प्रसिद्ध सूफी कवि मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत जैसी कालियाजी रचना की थी, फिर भी उनका एक हाँक से काना होना उनके हंसी उड़ाए जाने का कारण था, और यह दर्द उनके कविता में भी नजर आता है। अब देखो बंदा कैसे कविता को यूज कर रहा है, और इसे देखो कॉन्टेक्स्ट ऐसे लेके जाना, कॉन्टेक्स्ट ऐसे नहीं अचानक से कविता लिख दी, कॉन्टेक्स्ट लेके जाओ, संदर्भ लेके जाओ, समझ में आया कि आप कोई भी कोट्स मुहावरा कोई भी कविता यूज करें तो भाई उसको पहले एक पैराग्राफ शुरू करो उसके अकॉर्डिंग, और उस कॉन्टेक्स्ट को लेके जाओ। अब देखो इसने कॉन्टेक्स्ट लाया, और दूसरी बात है भाई ऐसे के ही कॉन्टेक्स्ट में लाया। मोहम्मद कवि का प्रेम ना तन रकत ना मासू जई रे सुना सोय अंसा सुना वो आयु आंसू ठीक है। तो मेरा कहना मतलब कि देखो ये चीज़ समझो कि कॉन्टेक्स्ट, मैं फिर बार बता रहा हूँ, देखो ये ऐसा मत सोचो कि मुझे कविता याद है नहीं है मैं तो क्या ही करता यहाँ पे, वो मत सोचो, बात कॉन्टेक्स्ट है कि भाई ये जब ये कविता इसको यूज करनी थी, वाले जो भी यूज करना था इसको कोट यूज करना था, तो उसे पहले बैकग्राउंड कैसे बना रहा है ठीक है। तो यहाँ पे चीज़ जो समझने वाली है वो बैकग्राउंड जो क्रिएट कर रहा है वो चीज़ समझो, देखो यहाँ से उसने शुरू किया था और उस बैकग्राउंड के कारण अभी हम ठीक है। अब आगे देखो कंटिन्यूटी करने के लिए नेक्स्ट पैराग्राफ में इसी प्रकार देखो, अब जिसे क्या हो कंटिन्यूटी हो गई, इसी प्रकार राष्ट्र के ये क्या है अच्छा स्त्रोक पर भेदभाव अन्य है ये ठीक है, अन्य स्तर पर भी भेदभाव विद्वान है। भारत की लगभग 2.5% जनसंख्या दिव्यांग है और अनेक स्तरों पर ये पिछड़ी हुई है, शिक्षा पर पर्याप्त ध्यान न दिए जाने का इनकी साक्षरता 55% राष्ट्रीय औसत से भी कम है, अर्थव्यवस्था में कार्यों के स्तर पर इनकी उपस्थिति नगण्य, अधिनियम के द्वारा आरक्षण की व्यवस्था होने पर भी इनके कार्य शिक्षा को महत्व नहीं दिया जाता है ठीक है। राजनीतिक स्तर पर भी भारतीय देखो इसने कह रहा है ऐसे हाईलाइट कर दिया ठीक है कि मैं अलग अब राजनीतिक स्तर पर मैं बात कर रहा हूँ, राजनीतिक स्तर पर भी भारतीय संसद में इनकी उपस्थिति न के बराबर ही है, यहाँ तक कि दृष्टिबाधित लोगों के लिए वोट के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए ब्रेल लिपि, देखो मैंने बोला था वो एग्जाम्पल आ गया,
ब्रेल लिपि आ गया, ब्रेल ईवीएम हो गया, ठीक है। ईवीएम मशीन की संकल्पना भी आज़ादी के 70 साल बाद भी पूर्णतः अपनाई नहीं जा सकी, आज भी नहीं आए। तो सोचो ये वो लोग वोट कैसे देते होंगे, जबरदस्ती इनका वोट तो ऐसे ही जाता है, समझ रहे हो ना मतलब। ठीक, मतलब सोचो कि अभी बंदा किस लेवल तक मतलब जा रहा है कि सोचो उनके वोटिंग राइट पर तक जा रहा है। तो यही है, यही आपका दृष्टिकोण कि वो पॉलिटिकल राइट से वंचित किया जा रहा है उनको, एजुकेशन से वंचित किया जा रहा है उनको, पारिवारिक के उसमें उनके योगदान है। मैं एक और चीज़ यहाँ पे अगर शायद इसने लिखा होगा, नहीं लिखा होगा तो मैं एक और चीज़ इसमें जोड़ना चाहूँगा। जैसे सोचो कि मैं बहुत बार ये चीज़ें समाज में देखता हूँ, शायद मैंने एक दिन आप लोगों से कंसिडर भी किया था इंडियन सोसाइटी वाली क्लास में, कि सोचो दिव्यांग लोग होते हैं, इनकी सोचो शादी के बारे में कोई नहीं सोचता। बहुत रेयर का, बहुत रेयर चांसेस होता है कि दिव्यांग लोगों की शादी हो पाती है, हकीकत बता रहा हूँ। 10% लोगों की शादी नहीं हो पाती। सोचो इनकी जो इच्छा है उनका कोई ध्यान ही नहीं रखता, ये हकीकत में बता रहा हूँ। कभी कोई लड़की जो कि कोई दिव्यांग लड़के शादी करना चाहिए कि नहीं, पर या कोई मतलब सेम केस भी ले सकते हो कि लड़का भी कोई दिव्यांग लड़की शादी कराएगा ना उन्हें, तो सोचो इनका स्थिति कैसा होगा। ठीक है, तो मतलब ये एंगल भी जोड़ा जाना चाहिए था इसमें। देखो देखते हैं इसने जोड़ा होगा तो जोड़ सकते हो, बहुत अच्छा एंगल होगा, क्योंकि मतलब ये होता है कि आप कितने माइन्यूट लेवल पे लोगों को जाके उनका एनालाइज कर रहे हो। यार देखो एक मतलब मेरा कहना मतलब कि भाई पॉलिटिकल इकोनॉमी राजनीति यही नहीं, भाई एक मानसिक चीज़ भी होती है। मानसिक रूप से टूटे हुए व्यक्ति होते हैं लोग, सोचो इनको प्यार नहीं मिलता, सोचो इनकी कभी गर्लफ्रेंड होगी, मतलब समझो वो चीज़ उस लेवल पर सोचो, तो मतलब कि कहीं ना कहीं वंचितता का तो अभाव है ही ना, कहीं ना कहीं तो ये अपूर्ण है ही, ठीक है, उन चीज़ों से वंचित है। ठीक है, विकलांगता के अन्य स्तरों पर बात करें तो समाज में पीड़ित सीमांत अवसरहीन लोग सामाजिक रूप से विकलांग की श्रेणी में आते हैं, जिन्हें महिला, आदिवासी, दलित, ट्रांसजेंडर आदि समुदाय भी आते हैं। महिलाओं की स्थिति पर विचार करें तो आज की दुनिया सक्षम दुनिया के रूप में पुरुषों की दुनिया है, मतलब पितृसत्तात्मकता। सारे नियम, कानून, रीतियाँ, व्यवहार पितृसत्तात्मक मानसिकता से उपजे हैं। महिलाओं को वस्तु समझना समाज में उनकी भूमि में परिवार में संतान जनने व लालन पालन तक सीमित करना, कार्यस्थल पर हिंसा और श्रम बल में निम्न भागीदारी, 23% इससे भी कम हो गया अभी रियलिटी में, इससे भी कम हो गया, ये पुराना डाटा है पर कम हो चुका है इससे। अत्यल्प राजनीतिक प्रतिनिधित्व, तो संसद में लोकसभा में केवल 14% है, अभी नहीं 16% है। ठीक है, शायद ये ऐसे बहुत पुराना है फिर इसका, क्योंकि इसका शायद पहली बार सिलेक्शन 2017 या 2018 में हो गया था, 2018 में हो गया था, हाँ तो ये तब का है, 2019 के बाद में 16% आ चुके हैं लोकसभा में, पता होना चाहिए महिलाओं को। ठीक है, तो ये पक्का बहुत पुराना ऐसे है इसका। ठीक है, आदि कुछ बन गया है जो इनकी दुर्दशा को बयान करती है। एक पंक्ति में कही तो प्रसिद्ध नारीवादी लेखिका सिमोन द बोवा, अभी गलत लिखा, बोवा है क्या है, सिमोन द बोवर है मेरे अनुसार तो, सिमोन द बोवा ही है, आएगा आए, अच्छा ये तो ऐसे लिखा है बोवा, यही है आ, 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 की वही तो, मैं भी वही तो बता रहा हूँ, हिंदी लिटरेचर का लिया है तो हिंदी लिटरेचर तो है ही नहीं, इसको ऑप्शनल हिंदी लिटरेचर ही था ना, देखो मैं फिर बता रहा हूँ पता लग जाता है, परंतु तो ऐसा बोला जाता है ना कि थोड़ा बचना चाहिए, मतलब इतना साहित्यिक भाषा में भी ऐसे नहीं लिखा जाना चाहिए कि आपका हिंदी साहित्य एकदम झलक रहा है एकदम पूरा, भाई जीएस का सब्जेक्ट है वो जीएस, ठीक है इतना ज़्यादा तो यूज नहीं किया, परंतु बता रहा हूँ। ठीक है, इन्होंने सेकेंड सेक्स माना जाता है, अरे कहाँ 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 कि भाषा में इन्हें अरे नहीं, इन्होंने सेकंड सेक्स करके एक बुक लिखी थी, उसमें इसने बोला था कि नारी पैदा नहीं होती है, नारी को समाज द्वारा बनाया जाता है, नारी पैदा नहीं होती है, स्त्री पैदा नहीं होती, स्त्री बनाई जाती है, ऐसा था इनका मतलब, सेकंड सेक्स के एक बुक लिखा था इन्होंने, उसमें ऐसा बताया था इन्होंने। ठीक है, पता होना चाहिए, बहुत प्रसिद्ध स्टेटमेंट है ये, जो फेमिनिज्म जो लड़कियाँ होती है वो इसी की बात करती है, कि इसलिए तो मैं बता रहा हूँ ना कि मैंने शायद उस टाइम बताया था आप लोगों को फेमिनिज्म में, रेडिकल फेमिनिज्म की जब बात किए थे अपन, तो उसमें ऐसा ही होता है कि वो लड़कियाँ सोचती कि भाई समाज ही चाहती है कि लड़के लंबे बाल रखे, ठीक है, वो ऐसे कपड़े पहने, बिंदी लगाए, चूड़ियाँ पहने, ठीक है, मेहंदी लगाए, ये सारी चीज़ें कौन भाई, एक स्त्री जब जन्म लेती है तो तब तो ऐसा कुछ नहीं रहता ना आवरण, परंतु ऐसा समाज द्वारा बना दिया जाता है, तो ये सब लोग जो फेमिनिज्म की जो विचारधारा है उसका देन है ना, इसी की देन है वो, ये भाई इसी ने शुरुआत किया था उस टाइम। ठीक है, जैसा कि हिंदी की प्रसिद्ध कवि सुमित्रा नंदन पंत ने कहा है, योनि नहीं है रे नारी, वह भी मानवी प्रतिष्ठित, उसे तुम स्वतंत्र करो, वह रहे न नर पर अवसित। देख लेना, देखो ये
मैं तो कभी याद ही नहीं कर पाऊँ इनको। ठीक है, मेरा तो ये बारा देखो ना, ठीक है, मतलब देखो जिसके हिंदी लिटरेचर ऑप्शनल है वो कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं, अपने ज्ञान का यूज़ करना चाहिए, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब तो मैं फिर बता रहा हूँ, जिनका हिंदी ऑप्शनल नहीं है तो घबराना मत, अपन कुछ और चीज़ लिखेंगे, काहे टेंशन लेना। ठीक है, तो इतना घबराना नहीं, ठीक है, मैं फिर बता रहा हूँ, ये फ़र्क पड़ेगा, जिनका ऑप्शनल सब्जेक्ट अलग अलग है ना तो उसको देख लेना, उसका नॉलेज दिखेगा अलग अलग। अपन जब जैसे मान लो जो सोशोलॉजी ऑप्शनल से टॉपर किया यूपीएससी, उसकी जब कॉपी देखेंगे ना तो उसका एक अलग ही आएगा, उसके ऐसे अलग लेवल पे जाएगा। ठीक है, तो सबका अलग अलग होता है इस चीज़ के टॉपिक के निबंध निलय करके। अच्छा, हाँ हाँ, अपन वही ना कि सबका अलग अलग होता है, उसे ऐसे घबराना नहीं चाहिए अदर ऑप्शनल वालों को। ठीक है, अपन और तरीके से लिखेंगे। ठीक है, अब आगे देखो, इसी प्रकार देखो मैं फिर बता रहा हूँ, ये कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे संदर्भ लाता है, फिर उसके बाद में कोट लिख रहा है, तो ये चीज़ याद रखना। ठीक है, इस तरीके से लिखा जाना चाहिए। इसी प्रकार की दशा दलितों की है, जिनके साथ अस्पृश्यता जैसे अमानवीय आचरण होता है और समान भागीदार से वंचित रखा जाता है। आदिवासी समाज में पिछड़ा हुआ जो अलग साक्षरता, अब देखो ये साक्षरता पति होनी चाहिए। अब देखो ये सब काम करना है ऐसे कि जो डायरी बनाओगे उसमें काम करना है ऐसे नहीं, खुद से एक बार नेट पर सर्च करके देखना इनकी कितना है, एससी की कितनी है साक्षरता दर है, एसटी की कितनी है, ओबीसी की कितनी है, जनरल की कितनी है, ये डाटा पता होना चाहिए। फिर वुमेन की कितनी है, मेल की कितनी है, ट्रांसजेंडर की कितनी है, फिर इनका देखो कि वर्क पार्टिसिपेशन रेट कितना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डाटा एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, कमजोर स्वास्थ्य जैसी समस्या से घिरा हुआ है ट्रांसजेंडर समुदाय भी सामाजिक पूर्वाग्रहों के चलते सड़कों पर भीख मांगने को मजबूर है। अब देखिए इसने एकदम सामाजिक तथ्य बता दिए। अब यदि आर्थिक प्रकार की विकलांगता की बात करें तो निश्चित है कि हमारा संसार गरीबों के प्रति भेदभाव युक्त है। महंगी शिक्षा, महंगे अस्पताल, भ्रष्टाचार जैसी प्रवृत्तियों के कारण आज की गरीबी झुग्गियों में रहने का अभिशप्त है और मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। थॉमस पिकेटी ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक कैपिटल में बताया है कि किस प्रकार आज के पूंजीवादी मॉडल में असमानता में वृद्धि हुई है और इसके परिणाम स्वरूप निचले स्तर के लोगों के अधिकार व अवसर छीने गए हैं। तो ये चीज़ याद रखना। अब यहाँ पे देखो ना, ये कहीं मिलेगी नहीं। अब मैं क्यों बोलता हूँ टॉपर से कॉपी देखने के लिए, अब इस बंदे ने कहीं से पढ़ा होगा, अब वहाँ से ये निष्कर्ष ला रहा है, तो भाई इसको कॉपी पेस्ट कर लो, अपनी डायरी में लिख लो, भाई थॉमस पिकेटी ने अपने प्रसिद्ध पुस्तक कैपिटल में बताया कि किस प्रकार आज के पूंजीवादी मॉडल असमानता में वृद्धि हुई और इसके परिणाम से निचले स्तर के लोगों का अधिकार अवसर छीने गए। बस ये लिख लो अपनी डायरी में। अब ये बंदा पता नहीं कोई 10 बुक पढ़ के लाया, वहाँ से ज्ञान सीख के आया, तो अपने यहाँ से ये है टॉपर के फायदा। जैसे मान लो आपको मान लो संतरे का जूस पीना है, तो भाई संतरे का जूस, पहली बात तो संतरा कहाँ से आएगा, संतरा भाई सब ऐसी बात, पेड़ तो उगाने लगोगे नहीं ना। यही चीज़ मैं बता रहा हूँ, टॉपर से कॉपी का क्या फायदा है। अब संतरे का कोई मान लो कि कोई पेड़ लगा रहा है, फिर वो तो वहाँ से तोड़ के मान लो बेच रहा है, मतलब ठीक है वो बेचा मार्केट मंडी में है, मंडी में सप्लायर के पास गया, तुम लोगों को चाहिए तो भाई एक तो खरीद के लाओ, फिर खुद से मेहनत करके बनाओ, एक तो तरीका ये हो गया। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है भाई, दुकान पे जाओ, पैसा पे करो, पी लो। तो ये वही चीज़ है टॉपर्स की कॉपी का एनालाइज करना, मतलब सीधा जाके भाई जूस पीना है, मेहनत है ही नहीं। अब ये बंदा है जो मेहनत किया होगा, ये तो अपने को भाई क्रश बता दिया ना भाई, जूस वो कष्ट होता है, मतलब समझ रहे हो ना, तो ये कष्ट बता दिया। अब अपने को समझ में आया कि अब ये जैसे मैं क्या करूँगा, मैं जब टॉपर्स की कॉपी का एनालाइज करता हूँ तो मैं यही काम करता हूँ। अब मुझे यहाँ से ये, अब ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सीखने के लिए, अब मैं इसको सोशियोलॉजी में उत्तर यूज़ कर लूँगा, आंसर में जीएस के आंसर में यूज कर लूँगा, क्योंकि ऐसा टॉपिक है ना। अब मैं इस लाइन को पूरा पूरा लिख लूँगा अपनी बुक में, तो बस हो गया, यही टॉपर्स की कॉपी का फ़ायदा उठाना है। अब जैसे मान लो ये वाला है, अब जैसे मैं तो ये याद नहीं होता तो मैं ये नहीं लिखूँगा, मैं बता रहा हूँ जिसको याद हो जाता वही लिख ले, तो ऐसे टॉपर्स की कॉपी का फायदा उठाना, फिर मैं बार बार बता रहा हूँ। ठीक है, अब आगे चलो। अभिन्नता को एक अलग या अन्य पर्यावरण से संबंधित हो सकता है। आज के मानव केंद्रित पर्यावरणवाद में अन्य मानवोत्तर प्राणियों की जो दुर्दशा हुई है वो अभूतपूर्व है, चाहे जलवायु परिवर्तन का मसला हो या जैव विविधता के स्तर पर छठे सामूहिक विलोपन। याद करो यूपीएससी पीटी का क्वेश्चन है 2018 का। ठीक है, अब देखो इस बंदे ने यूज किया है इसको। जीव जंतुओं में पेड़ पौधों का जीना आज भी व्यवस्था में दुर्भर हो गया है। प्राचीन भारत के रामचरितमानस जैसे महाकाव्यों में राम की वानर सेना, हनुमान, जटायु जैसे प्रसंगों का प्रयोग, अब देखो इसने रामायण वाला कॉन्टेक्स्ट लिया है, जैसे प्रसंगों का प्रयोग हो भारत में नवी वेदांतिक दृष्टिकोण के प्रकृति के कण कण में ईश्वरीय अनुभूति समझना सभी उदाहरणी पारिस्थितिक क्षमता को पोषित करते हैं। अब देखो ये भाई नहीं पता है ना, भाई लिख लो, मैं फिर बता रहा हूँ यहाँ से लिख लो पूरा, ये मल्टी डायमेंशनल, इसको कहीं पे भी एनवायरनमेंट के सेंस में अपन यूज किया जा सकता है कि भारत के लोग पहले से ही एनवायरनमेंट प्रेमी रहे हैं, समझ में आया। नागार्जुन जैसे कवियों ने भी अपनी अकाल और उसके बाद जैसी कविता के माध्यम से अकाल के प्रभाव से समस्त चराचर प्रकृति में शामिल किए हैं। कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास। अभी यहाँ पे कहानी कुतिया, अब इसने यहाँ यहाँ पे अंडरलाइन की, ये बहुत शानदार। अभी देखो ये अंडरलाइन करने से मेरा भी यहाँ पे ध्यान गया,
तो ये आपको ऐसी चीज़ें अंडरलाइन करनी है जो बस पढ़ते उसको एग्जाम में, अरे क्या बात लिखी है इसने, कानी कुतिया देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे सोचो ना कानी कुतिया मतलब कुतिया क्या है, दिव्यांग है सोचो। तो ये सारी चीज़ें ठीक है। जबकि इसके विपरीत प्रसिद्ध इतिहासकार युगल नोवा हरारी ने अपनी पुस्तक सेपियंस में विस्तृत व्याख्या दिया कि किस प्रकार मानव ने अपने हितों स्वार्थों हेतु अनेक बड़े रेडीधारी जीवों का विनाश कर दिया जो आज तक जारी है। ठीक है, तो अब देखो नहीं पता तो भाई लिख लो इसको। अब देखो ये भाई फिर बता रहा हूँ, अब ये चीज़ तुम्हें जानने के लिए भाई तुम पता नहीं कौन सी बुक में उस बंदे ने पढ़ा था, कहाँ से चीज ला रहा है, तो भाई अपने को इतना मेहनत नहीं करना है भाई, ये लिख लो बस चुपचाप। मैं फिर बता रहा हूँ यही टॉपर्स की कॉपी का फायदा, ये कष्ट बताता है भाई उनकी मेहनत का, इतने सालों की मेहनत का वो कष्ट बताता है कि उन लोगों ने कितनी मेहनत की है। और रवि से आकर आपकी बार बोला ही इसीलिए जाता है, 18वीं रैंक आई इसीलिए थी उसकी भाई उस बंदे ने। अब देखो ना यहाँ पे एक ही चीज़ लिख रहा है, एक एक उसकी बुक का नाम लिख रहा है कौन सी, और एथिक्स में भी इस बंदे ने यही काम किया था, इस कारण से इसके ऐसे में भी अच्छे नंबर आए, 141 के समथिंग ऐसे 144 शायद ऐसे आए थे, तो कारण ये है। तो भाई अब देखो ये बंदा तो पता नहीं कहाँ कहाँ से मेहनत करके लाया है, पर अपने को फ़ायदा उठाना है इसका, मैं फिर बार बार बता रहा हूँ, तो फ़ायदा उठाना तो इसको यहाँ से भाई लिख लो, इसको छाप लो अपने कॉपी में। ठीक, आगे जाओ। इस प्रकार देखो ये कनेक्शन तैरने का देखो इस वर्ड को यूज़ कर रहा है, अपन और कुछ भी किया जा सकता है। ठीक है ठीक है। इस प्रकार अनेक स्तरों पर विकलांग व्यक्तियों की स्थिति का आज की सक्षम दुनिया में देखा जा सकता है और महसूस किया जा सकता है कि संकीर्ण मानसिकता पूर्वाग्रह युक्त विकास। अब देखो यहाँ पे ये वर्ड अच्छे हैं तो इनको इंस्टेंट अंडरलाइन कर दे, भेदभावपूर्ण नियमों युक्त व्यवस्था में हमसे भिन्न व्यक्तियों को कैसी दुर्दशा हुई है और होती है। अंतिम प्रश्न है कि सभी प्रकार की विकलांगता को किस प्रकार प्रबंधित किया जाए। ठीक है, कैसी व्यवस्था बनाई जाए कि हमारे समाज विश्व राष्ट्र समावेशी समतावूलक न्याय के मूल्य के साथ विकसित हो। अब ये क्या बात करेगा, सॉल्यूशन की बात करेगा। अब देखो इसमें सबसे पहला स्तर पर उपचार के स्तर पर होगा, जिसमें प्रत्येक स्तर के विकलांग व्यक्तियों को हर संभव उपचार के द्वारा मुख्य जनधारा से जोड़ा जा सकेगा। हिंदी फिल्म ब्लैक, अब देखो मैं बता रहा हूँ ऐसे में, जैसे मैं भी मूवी का यूज कर लेता हूँ, तो ये अब देखो इसने मूवी का यूज किया है जो कि हेलेन केलर के जीवन पर आधारित थी, में बताया गया कि किस प्रकार उन्नत प्रशिक्षण के द्वारा दिव्यांगों को सशक्त किया जाए। अब देखो ये बॉलीवुड मूवी है, कोई जरूरी नहीं आप हॉलीवुड मूवी का टॉलीवुड मूवी का इनका भी नाम लिख सकते हो, कोई जरूरी नहीं है। आप बॉलीवुड मूवी नहीं देखते तो अब इसका मतलब चलिए कि हम देखना शुरू कर दें ये कोई जरूरी नहीं, बहुत सारी मूवियाँ बनी हुई है, आप जैसे आप ही बता रहे थे वो एग्जाम्पल सारे डाल सकते थे यहाँ पे। ठीक है, इरा सिंगल का एग्जाम्पल डाल दो, ऐसे किया जा सकता है। ठीक है, इरा सिंगल जैसे लड़ी वैसे करना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा हस्तक्षेप मानसिकता परिवर्तन के स्तर पर करना होगा, शारीरिक दिव्यांगों के स्तर पर सुधा चंदन स्टीफन हॉकिंग, देखो मैंने बोला था ना, के साथ साथ पैरालंपिक में पदक विजेता खिलाड़ियों को रोल मॉडल बनाकर पेश करना होगा ताकि दिव्यांगों में जागरूकता का सृजन हो, सक्षम व्यक्तियों में भी आधुनिक मूल्यपरक शिक्षा के माध्यम से संवेदना का पाठ पढ़ाना होगा। अब देखिए एथिकली एंगल यूज किया है यहाँ पर। तीसरा स्तर पर प्रभावी विध्यायन, ठीक है, मतलब कानून नियम निर्माण से होगा। जॉन रोल्स, याद करो एथिक्स में प्रसिद्ध पुस्तक है द थ्योरी ऑफ जस्टिस के अनुसार सभी पूर्वाग्रहों को अलग अलग कर नियम बनाने होंगे। जेएस मिल की उपयोगिता, अब देखो एथिक्स वाला है, देखो ये मैं फिर बता रहा हूँ यही है, आप कैसे जीएस वन से लेकर जीएस फोर का नॉलेज यूज कर सकते हो। अब देखो ये जो जीएस में वो एथिक्स में पढ़ते हैं, ये जो सारे जेएस मिल पढ़ते हैं अपन, ठीक है, उसका यूज कर रहा है। उपयोगिता के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को एक मानना पड़ेगा और महात्मा गांधी के अंत्योदय सिद्धांत के अनुरूप ऐसी व्यवस्था सज्जित करनी होगी जिसमें कतार के अंतिम छोर पर खड़ा व्यक्ति भी लाभान्वित हो, वह विकास में योगदान दे सके। देखो गांधी का यूज कर ही लिया, मेरा माना गांधी तो बिना ऐसी लिखा ही नहीं जाना चाहिए, मतलब गांधी यूज किया जा सकता, गांधी थोड़ा मल्टी डायमेंशनल अप्रोच थी। अंतिम हस्तक्षेप तकनीकी स्तर पर करना होगा, ऐसी एग्रोनॉमिकल डिजाइन, ठीक है, देखो जैसे ऐसे लिखा जा सकता, देखो ध्यान समझ में, ऐसे लिखा जा सकता इंग्लिश में, ऐसे करना अगर इंग्लिश वर्ड यूज करना है तो। तकनीकी विकसित करनी होगी जो हर व्यक्ति प्रयोग कर सके, प्रसिद्ध नारीवादी लेखिका कैरोलिन किराट, अब देखो ये बंदा कहाँ कहाँ से भाई, इतना मैं तो पहली बार पढ़ रहा हूँ, तो यही कारण है भाई 18वीं रैंक ऐसे नहीं आई है। ठीक है, कैरोलिन किराट पेरेज ने अपनी पुस्तक द इनविजिबल वुमन में तकनीकी महिला पूर्वग्रह को व्यक्त करते हुए बताया कि फिटनेस ट्रैकर जैसे उपकरण महिलाओं के घरेलू कार्य गणना ही नहीं करते, तो इस प्रकार की तकनीकी पक्षपात को रोके जाने की ज़रूरत है। ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी का हस्तक्षेप की जरूरत है। ठीक है, बहुत कुछ और लिखा जा सकता था पर उसने इतना ही लिखा। ठीक है, फिर आखिर में कंक्लूड कर ले, अतः निष्कर्ष तो यह कहा जा सकता है कि हमें हमारी दुनिया ऐसी बनानी होगी जो भूमिका में प्रस्तावित अंधों के देश की भांति ना होकर। अब देखो इसने अपनी स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन इससे जोड़ दिया अपनी, मैंने बताया था ना भूमिका एक तरीका ये भी होता है कि आप जो इंट्रोडक्शन शुरू किया उसी को जोड़ दो। ठीक है, अब इसने जोड़ दिया यहाँ पे,
नया होकर खुली आंखों में दृष्टि युक्त हो, जो हर प्रकार की भिन्नता समता के प्रति संवेदना युक्त हो, प्रकृति प्रत्येक जीव के प्रति बायोक्रेसी लोकतंत्र को भी भांति इसमें हर जीव के अधिकार होते हैं। सोचो ये अब ये नया वर्ड है, अब भाई इसको लिख लो, ये मैं पहली बार सुना ये वर्ड बायोक्रेसी, जिसे मतलब जीव जंतुओं के भी अधिकार होते हैं उसको बोला जाता है। मतलब समझो ये वर्ड, मैं फिर बता, यही है टॉपर्स की कॉपी का फायदा उठाना, तो ये फायदा उठा। देखो ये वर्ड अब मुझे पहली बार, मैं अब इसको अच्छे से यूज करूंगा ऐसे में, यही चीज़ें हैं, बूंद बूंद से गड़ा भरता है, ये चीज़ें बूंद बूंद सीखनी है। मैं फिर बार बता रहा हूँ कि सिद्धांत स्वरूप नियम निर्माण करें, साथ ही मानव मूल्य से युक्त समावेशी सार्वजनिक सुलभ शिक्षा को अपनाना होगा। अब देखो ये वर्ड अच्छा है तो इसको लिख लो सर्वजन। अब देखो पहले शिक्षा लिखते थे, समावेशी शिक्षा हो गई, सर्वजन सुलभ शिक्षा अभी बहुत अच्छा वर्ड है। जिसे हर व्यक्ति विकास के लिए दूसरे पर निर्भर न रहे, बल्कि इतना ही सशक्त हो, उसे इतने अवसर मिले कि वह समावेशी समाज सतत विकास लक्ष्य में योगदान दे सके। यह वैसा ही समाज व्यवस्था होगी जैसे तुलसीदास ने अपने राम राज्य की व्यक्ति। अब देखो इसने आखिर में ऐड कर दिया, अलग मुत्य नहीं कब नहीं पीरा, सब सुंदर सब उजरा। ठीक है, तो ये अपने देखा ही था। तो अब देखो मैं फिर बारह बता रहा हूँ, देखो ये है तरीका। तो कहीं ना कहीं अपने जैसे सोचा इंट्रोडक्शन जो सोचा था 2021, देखो मैं बता रहा ना थोड़ा पुराना है, मतलब 2021 का मेंस लिख रहा था तब की बात है। ठीक है, पर डाटा वो सही नहीं है शायद, मुझे जहाँ तक याद अच्छे तरीके से 16% है अभी लोकसभा में महिलाओं का परसेंटेज पार्टिसिपेशन रेट। देखो अभी मैं चेक करता हूँ, क्योंकि जहाँ तक मुझे याद अच्छे तरीके 16% है वुमेन लोकसभा। सही लिखा है, सही लिखा, 14% ही। ठीक है, तो मैं फिर बता रहा हूँ कि यही चीज़ें हैं, डाटा एकदम भाई, डाटा जब लिखो ना तो अच्छा होना चाहिए। ठीक है, 14% है। ठीक है, शायद ऐसा था, शायद 2013 वाले में 16% था, ऐसा कुछ है, पर मुझे जानता मैंने पढ़ा था, जो भी ठीक है ना। तो ये चीज़ याद रखना, तो मतलब डाटा जब लिख रहे हो थोड़ा वेरीफाई करके डाटा लिखना। तो एक है ना अपने डाटा शीट भी बना लेना जिसमें सारे डाटा होने चाहिए, कितना है इनका मतलब सेक्स रेशियो कितना है, एजुकेशन क्या है, SC ST OBC इनका सबका, ये चीज़ें याद रखना। डाटा जब भी लिखो तो थोड़ा इंश्योर होकर लिखना चाहिए। देखो अब इस बंदे ने ज़्यादा डाटा नहीं लिखा, और मेरा मानना है कि इस बंदे को आराम से इस ऐसे में मैं बता रहा हूँ ना 70 नंबर की समथिंग मिला होगा, इसको आराम से मिला होगा 70 नंबर 125 में से। ठीक है, अब देखो पेज की बात की जाए तो और पेज बढ़ाए जा सकते थे, ऐसा कुछ नहीं, पर ठीक ठाक तो लिखा ही है, फिर भी खूब पेज तो लिखा ही है। देखो मैंने बोला था ना देख लो, पर नहीं ये शायद दूसरा ऐसे है कि इसका, रुक जाओ इसमें कितने मिले इसको एक बार देखते हैं। वेरी वेरी गुड, देख लो मैंने बोला था ना, अब देख लो मैं बताओ मेरी मार्किंग भाई बिल्कुल सही है, मैं फिर मारा बता रहा हूँ। अभी तो देख लगभग 75 समथिंग दिया है, मैं फिर मैं बार बार बता रहा हूँ ये चीज़ समझो। ठीक है, तो बताओ समझ में आया कैसे यूटिलाइज करना। देखो मैं फिर बता, मैं तो करके बता दूँ पर काम खुद से करना, मेरा क्या है मैं तो बता दूंगा। मैं कुछ समझ में आया या सो गए सब लोग? क्या समझ में आया बताओ? स्टार्टिंग जैसे की थी तो समस्याओं तक हम भी पहुंचे थे इंट्रो में, मतलब कि बाकी फिर उनकी वही था, मतलब कॉन्सेप्ट यही था कि आगे चल के उनकी समस्याएं और सक्षम लोगों के लिए जो जो पॉसिबिलिटीज हैं, फिर दोनों को जोड़ के उनको कैसे प्रॉब्लम होती है और उनके लिए कैसे चीजें ठीक रहती हैं, ऐसे करके आगे बढ़ाते धीरे धीरे। ठीक है, अब इसके बारे में सोचो करवाओ या फिर मैं समझ में आ गया। देखो मैं फिर बता रहा हूँ, मैंने बता दिया कि आखिर में कैसे यूटिलाइज करना है भाई बुक को, कि भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं फिर बता रहा हूँ टॉपर्स की कॉपी पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो इसमें भी इसको 78 नंबर दिए, तो पीछे 153 नंबर दे दिए इसको 250 में, लगभग इतने नंबर तो पहुँचा था, 144 नंबर आए थे इसके सर इस वाले में शायद इसके, मतलब ठीक है बाद में इसने और इम्प्रूवमेंट किया था इसमें। ठीक है, और बताओ इसको बताऊं या फिर मैं कॉपी चेक करूं बताओ? देखो मैं फिर बताऊं, देखो एक तो चीज़ हो गया, सीख तो गए ना, मतलब कैसे यूटिलाइजेशन करना भाई, पहले इसको लिखो, इस पर ब्रेनस्टॉर्मिंग करो जैसे मैंने किया, तो आप जैसे मुझे लगा कि हाँ मैं भी उसके जैसे सोच पा रहा था। मैं भाई रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग मेरा होता, मैं इसने भाई जैसे कविताएँ यूज़ की, मैं कविताएँ नहीं यूज़ करता, मैं और कुछ यूज़ करता, कुछ और लिखता, वो अलग जा सकता है, परंतु क्या थीम के अकॉर्डिंग अपन सही सोच पा रहे थे, ये बहुत ज़रूरी है।
और मैं फिर बता रहा हूँ, जब तक आप ये नहीं सोचोगे ऐसे ऐसे पढ़ लोगे तो कोई फायदा नहीं है, फिर नहीं सीखोगे। तो ये करवाऊं बताओ? रहने दीजिए सर, ऐसे ही चेक कर दीजिए जिन्होंने भेजा उनका। ठीक, समझ में आ गया। तो कैसे एनालाइज करना है, पूजा ने भेजा, ऋषि ने भेजा। और फिर बता रहा हूँ, दो दिन है ऐसे चेक करवा लो, अभी फ्लो फ्लो में चीज़ें सीख जाओ, एक ठीक ठाक लेवल तक पहुँचो, फिर प्रैक्टिस करते रहो, थोड़ा काम करो, ऐसे नहीं होगा, थोड़ा बहुत तो काम करना ही पड़ेगा, मेहनत करनी ही पड़ेगी, नहीं लिखोगे तो क्या ही होगा। चलो, डाउनलोड नहीं हो रहा, डाउनलोड हो गया, ठीक है, नंबर था का क्या हो गया? और स्क्रीन ब्लैक दिख रही है, स्क्रीन ब्लैक, स्क्रीन में शेयर, ठीक अभी दिख रहा है ना? हाँ दिख रहा है। ठीक, अब देखो, जो बदलाव आप दूसरों में देखना चाहते हो पहले स्वयं में लाइए। गांधी जी, ये अंडरलाइन कौन करेगा? अंडरलाइन करना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे फिर दो दो बार, दो दो बार क्यों लिखा? ठीक, अब देखो, एक बार की बात है, एक महिला हजारों लोगों की भीड़ में अपने पुत्र के साथ गांधी जी से मिलने पहुंचती है। उसके पुत्र की मीठे या हद से ज्यादा मीठे खाने की आदत थी। रुको एक मिनट, चलो ठीक है, ठीक है, हद से ज़्यादा मीठा खाने की आदत थी। वह चाहती थी कि गांधी जी, मतलब सोचो यहाँ पे और क्या यूज किया जा सकता है, हद से ज़्यादा, या सोचो और कुछ क्या यूज किया जा सकता था यहाँ पे। अत्यधिक, मैंने उस दिन कल ही बताया था जी, हद से ज़्यादा सोई, थोड़ा सही वर्ड नहीं है ना, मतलब दैट नॉट रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, एक मिनट, एक मिनट रुक जाओ, किसी पासवर्ड भेज, ठीक है। अब देखो, ज़्यादा मतलब अत्यधिक मीठा खाने की आदत लिखो, ये उस दिन शायद नगीना ने भी सही नहीं यूज किया था। ठीक है, अब देखो, आदत थी, वह चाहती थी कि गांधी जी उसके पुत्र को इसके बारे में समझाए। ठीक है, ये बात सही लिखा। महिला गांधी जी से मिलती है और उन्हें सारा दृष्टांत सुनाती है, और गांधी जी महिला को बच्चे के साथ 2 सप्ताह बाद आने के लिए कहते हैं। ठीक है, दूसरे सप्ताह जब महिला गांधी जी के लिए के पास, गांधी जी पास नहीं चल रहा था, अरे तो भाई अच्छे से कर दो, एग्जामिनर को सही करने जाओगे वहाँ पे, लिखा नहीं जा सकता था। ठीक है, पास पहुँचती है गांधी जी उसके पुत्र को उसके मीठा खाते, अब देखो पहुंचती है गांधी जी, अब देखो ये वर्ड में है ना, कोरिलेशन नहीं दिख रहा है यहाँ पे, देखो माइन्यूट चीज़ें, मैं चीज़ें इसलिए बता देता हूँ भाई, ये गलती है समझो। ये सुनो, दूसरे सप्ताह जब महिला गांधी जी के पास पहुंचती है, गांधी जी पहुंचती है तो गांधी जी, मतलब तो वर्ड यूज करो, समझो यार ना, मतलब वो फ्लो टूटना नहीं चाहिए, ब्रेक नहीं होना चाहिए। पहुंचती है तो गांधी जी उसके पुत्र को उसके मीठा खाने की आदत में सुधार के लिए समझाते हैं, और बच्चा गांधी जी की बात मान लेता है।
मतलब यहाँ पे ऐसा इंश्योर मत करो, मतलब इसमें यह था गांधी जी बात मानता है तो शायद वो ठीक है, कोई नहीं आगे बढ़ो। महिला आश्चर्य से गांधी जी से पूछती है, पूछती है वर्ड सही लिखा है, सही लिखा है, चंद्र बिंदी आएगी देखा तो। छतरी शायद ऐसे नहीं बनाते, गुंडी बनती है उसमें, गुंडी बनती है नीचे। ठीक है जो भी देख लेना है, सही नहीं है ठीक है। पूछती है कि दो सप्ताह, देखो यहाँ पे दो लिख रहे हो तो भाई ट्राई करना को ऐसे ही लिखना ठीक है, ये ऐसे मत लिखना ठीक है। अभी देखो छोटी छोटी चीज़ें अपन थोड़ा ध्यान देना ठीक है। दो सप्ताह पहले आपने मेरे पुत्र से कही, से कही बात राजस्थानी बात है, काय बात है छोरा ऊपर भी खाना लिखा है, खाने की जगह ऊपर भी मात्रा में गलती हो गई थी। अरे इसीलिए मैंने क्यों बोला कि एक बार भाई मेरे पास ऐसे भेजने से पहले आप चेक किया करो, मैं फिर बार बार बता रहा हूँ ये बहुत गलत आदत है। लोग ऐसे भेज देते हैं, लिख लिया अब हो गया काम, ये गलती तभी सुधरेगी, मैं फिर बता रहा हूँ। अब मेरे पास ये पूजा चुपचाप बनाओ, ऐसे पढ़ो जो भेजा अभी, मैं फिर तो अभी तुम्हारा चेक करूंगा, पढ़ लो। नहीं सर, खुद लिख के खुद कमियां नहीं दिखती है, वो दूसरों से दिखलाओ ना तभी समझ में आती है। अच्छा तभी समझ आती है, अच्छा ऐसी बात है क्या, चलो कोई नहीं, मेरे साथ तो यही होता है। कोई नहीं, आपने मेरे पुत्र से कहा ही बात क्यों नहीं, यही बात है, यही आएगा ना, यही बात क्यों नहीं कही थी, या यही बात उसी दिन क्यों नहीं कही थी, मतलब ऐसे लिखना चाहिए था ना। गांधी जी महिला को जवाब देते हुए कहते हैं, दो सप्ताह पहले मैं सेवई मीठे का सेवन करता था, फिर मैं यह बात इस बच्चे को कैसे समझा पाता। सही बात है, महिलाओं गांधी जी की बातों का मरम समझ में आ गया और इसी घटना से एक कहावत उद्गत होगी, जो बदलाव आप दूसरे में देखना चाहते हो पहले से ही मिला है। बहुत अच्छा है इंट्रोडक्शन आपने सही लिखा है, मैंने बोला था नहीं ना तो तुम लोग ना एक्सपेरिमेंट करते हो। अरे मैंने बोला था भाई ये स्टोरी शुरू करना, तुम लोग अपने लेवल पर एक्सपेरिमेंट करते हो तो वैसे ही जाता। ठीक है ये क्लियर हो गया, ठीक है इंट्रोडक्शन पार्ट सही है। अब मैं फिर बता रहा हूँ, अभी इंट्रोडक्शन पार्ट से यहाँ जाने के लिए देखो अपने जो रवि से आकर देखा वो यहीं पे कुछ शुरू कर देता था कि आगे मैं क्या बढ़ने वाला, अब ये कमी है समझो इसे, तो ये चीज़ याद रखो। अब देखो यही तो टॉपर से कॉपी सीखना है, अब देखो ये कमी दिख गई है ना तुम्हें यहाँ पे, भाई जब वो मेन बॉडी में क्या लिखने वाले उसके बारे में बताओ ताकि उसका जिज्ञासा हो। अब यहाँ पे तुमने खत्म कर दिया, ऐसे लग रहा है ये खत्म हो गए, फिल्म ही खत्म हो गई, विलन आया विलन को मार दिया खत्म। अरे भाई बताओ उस मूवी में अभी बहुत बड़े बड़े विलन भी बाकी हैं। यार तुम समझते नहीं हो, कभी कभी याद रखना, कभी सोचो मूवी मान तो शुरू हुआ, ध्यान से समझना, मूवी में हीरो आया ठीक है, चलो कोई नहीं हीरो आया, अरे गुंडे को मार दिया, ऐसा कभी होगा? अरे भाई पहले उस मूवी में दिखाया जाता भाई बड़े से बड़ा गुंडा कौन है, मतलब या फिर ऐसा होगा कि उसको मार दिया जाएगा तो फिर एक इन्फॉर्मेशन पहुंचेगी उसके जो बड़े दादा होंगे उनके पास, मतलब समझ रहे हो, मतलब ऐसे तो मूवी एंड हो जाएगी ना, यहाँ पे ऐसा लग रहा है खत्म, ऐसे क्या है ये चीज़ याद रखना ठीक है। आज ऐसे अनेक किस्से कहानियाँ एवं वास्तविकता है हमारे समाज में व्याप्त, व्याप्त है क्या है, क्या लिखा है, व्याप्ति लिखा, व्याप्ति लिखा है, कहीं से व्याप्ति तो कहीं से नजर नहीं आ रहा है। व्याप्त है जहाँ बदलाव तो चाहते हैं पर स्वयं को बदलना नहीं चाहते, आइए उक्त क्या है, क्या लिखा है बताओ, पंक्ति, पंक्ति कहाँ से दिख रही है, कौन से सूरज से पंक्ति दिख रही है मुझे बताओ, कौन से सूरज से पंक्ति दिख रही है, मैं फिर बता रहा हूँ चीजें गलतियाँ सुधारो ठीक है, ऐसे लिखा जाता भाई, क्लियर कट लिखा करो, सना सना कहाँ भाग गए आज, वो भी ऐसे लिखते, पंक्ति को केंद्र में रखते हुए हम कुछ आइए उक्त पंक्ति को, ये मतलब ऐसे भी लिख सकते हैं गांधी जी के उपयुक्त कथन को ठीक है, तो ट्राई करो ठीक है, केंद्र में रखते हुए हम कुछ ऐसे मुद्दे और समस्याओं पर प्रकाश डालते हैं जहां हम बदलाव चाहते हैं पर स्वयं को बदलना नहीं चाहते ठीक है। हम सभी व्यक्तियों में से हमारी दिन चलिए, और कभी ना ट्राई करना कि ऐसा नहीं लिखो, मतलब ये मैंने बहुत सारे टॉपर्स या जो भी है ट्राई करो कि यहीं से वर्ड अपना शुरू करो, अगर यहाँ पर आधा अधूरा वर्ड सही नहीं होता मतलब डिसेंट ले, मतलब डिसेंट रिप्रेजेंटेशन नहीं माना जाता ठीक है, तो ये चीज़ थोड़ा ध्यान रखना, सब लोग ही ध्यान रखना, मैं फिर बार बता रहा हूँ ये चीज़ ठीक है। का एक अहम भाग होते सभी, हम सभी व्यक्ति, अब देखो ये व्यक्ति हो तुम सही नहीं लिख रहे, व्यक्तियों में से हमारे दिन
चरिया का एक अहम भाग, ए तुम वो काम करो, कह कह वाली बच्चों वाली कॉपी लो और बैठो, मैं फिर बता रहा हूँ ठीक है, वो कह कह वाली वो लो सुलेख वाली। अब भाई देखो इसमें मतलब ऐसा मत सोचो कि यार हमें ये कोई काम दिया जा रहा है, हम तो इतने पढ़े लिखे विद्वान बनेंगे, अरे भाई नहीं, काम गलतियाँ है तो करना पड़ेगा ना, तुम्हारा वर्ड जो है देखो ना सही नहीं लिखती हो तुम, समझ में। ठीक है, दिनचर्या के एक अहम भाग होते हैं किसी छोटे ढाबा दुकान या चाय टपरी पर जाकर चाय पीना और बड़ी मदद, देख टपरी ये थोड़ा वर्ड अच्छा नहीं है, टपरी टपरी पे तुम भी टपरी टाइप से लगोगे। मतलब देखो यही है, यही मैंने क्या बोला था, ढाबा ढाबा लिख सकते हैं, ढाबे पर खाना मिलता है, पर भोजनालय भोजनालय लिखो, मतलब पे खाना ही तो मिलेगा। अरे मतलब ठीक है, बात ये नहीं है, बात ये है कि या होटल लिख दो, मतलब ठीक है स्टॉल लिख सकते थे, स्टॉल टी स्टॉल है ना, हाँ, मतलब हाँ टपरी वो वर्ड लिख यूज करे तो सकते। मतलब तुम भी टपरी हो। भाई ये सही बात है, ये टपरी छपरी ओ छोकरी, मतलब देखो समझो मैं मान लो कि तुम्हें मान लो मैं तुम्हें छोकरी, अब सोचो ये डिसीजन लेंगे नहीं है भाई, ये चीज समझो। तो मेरे कहने मतलब कि जब आप किसी के लिए ऐसा वर्ड अपना खुद के लिए नहीं सुनना चाहते तो आप कैसे दूसरे के लिए यूज कर सकते हो, चाय टपरी वाले, तो मतलब समझो डिसीजन नॉट डिसीजन लैंग्वेज, तो ट्राई। अब देखो यही मैं बता रहा हूँ, ये आपका व्यक्तित्व बताता कि आप कैसे दिनचर्या में कैसी भाषा यूज करते हो। अब मैं फिर बता रहा हूँ, ये गलती तभी दूर होगी जब बुक पढ़ोगे, बुक की मैं फिर बता रहा हूँ, बुक पढ़ना चाहिए, बहुत ज़रूरी है, बुक नहीं पढ़ोगे ना आचार हाँ विचार नहीं बदलेंगे आप लोगों ने, फिर ये टपरी लिखोगे फिर, तो वही मैं बता रहा हूँ ना, क्या ही करो। ठीक है, टपरी पर जाकर चाय पीना और बड़ी मधुर भाषा में हम वहाँ बैठकर वहाँ काम करने वाले 8-10 साल, 8-10 साल, 10 से 12 साल के छोटू को, अरे भाई सीधी सी बात है, बाल श्रम है उसको लिखो ना, हाँ ये बात सही है कि हम उसको छोटू बोलते हैं, 10 से 12 साल के छोटू को चाय लाने के लिए कहते हैं, जी हाँ यही वही है छोटू है जो बाल श्रम में लिप्त है, और जिनके लिए सरकार भरकस, ये भरकस क्या होता है, भरकस मतलब जोरदार, भरसक भरसक भाई ये लिखो ना, सरकार ईमानदारी भरसक पूर्वक प्रयास प्रयास कर होता रही है है, वो। अरे भरसक प्रयास सही नहीं है वर्ड, मैं फिर बता रहा हूँ इस लैंग्वेज को सुधारो आप, ठीक उल्टा यहाँ पे उल्टा मेरा मानना कि ये लिखो कि भाई सरकार ईमानदारी पूर्वक प्रयास कर रही है या सरकार प्रयत्नशील है कि बाल श्रमिक खत्म हो, देखो यार ये समझो ये वर्ड्स यूज करो, है, हाँ ठीक है ठीक, सुधार ले उसको। भरत सक प्रयास कर बाल श्रम निषेध अधिनियम और कई सर्व शिक्षा जैसे अभियान चला रही, अभी ये ज्यादा अच्छा है यहाँ कि यहाँ पे वो लिखो कब आया था ये एक्ट, ये सना ही होगी पक्का, हाँ सना सो के उठ गए। सुसाइड कर रही थी, याद ही नहीं रहा, ध्यान शाबाश नहीं रहा। शाबाश, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, ठीक है तो यहाँ पे ट्राई करो कि यहाँ पे जो भी किस एक्ट सन में आया एक्ट आए तो वो लिखो, ठीक है सर्व शिक्षा अभियान जब कब आया वो लिखो, ठीक है तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। लेकिन जिस वक्त हम छोटू को चाय ऑर्डर दे रहे होते हैं उस समय ये बात ध्यान नहीं आती है कि छोटू बाल श्रम में लिप्त है और हम चाहते हैं कि बात बाल श्रम से मुक्त हो, और जो बदलाव हम दूसरों में देखना चाहते हैं पहले स्वयं में ला पाते हैं, अर्थात अक्सर विरोध नहीं कर पाते। नहीं थोड़ा ना कॉन्टेक्स्ट एक तो बहुत ज़्यादा लंबा जा रहा है तुम्हारा, ठीक है दूसरी बात है कि फिर भी वो सटीक नहीं बैठ पा रहा, अरे यहाँ पे बात है हम बदलाव दूसरों में देखना चाहते हैं पहले स्वयं में लाई, तो केस तो आपको ऐसा कॉन्टेक्ट देना चाहिए कि वो दुकानदार जो है ऐसी बात कर रहा था, समझे मतलब वो दुकानदार बात कर रहा है कि बाल श्रम खत्म होना चाहिए उनसे, पर खुद वो बाल श्रमिक लगा के रखा है, समझे ना मतलब, तो आप लोग मतलब समझे थर्ड पर्सन के थ्रू बात करो ये सही नहीं है यहाँ पे, यहाँ पे भाई सीधा सा कॉन्टेक्स्ट है, आप जो बदलाव आप दूसरे में देखना चाहते हो पहले स्वयं में लाइए, तो यहाँ पे मतलब इंडिविजुअल की बात हो रही है, थर्ड पर्सन की बात हो ही नहीं रही है यहाँ पे, तो ये सही कॉन्टेक्स्ट में नहीं जाएगा पहली बात। दूसरी बात देखो इतना लंबा आपने यूज किया इसके लिए, मैंने क्या बोला संक्षेप में लिखना है भाई, टू द पॉइंट आप सीधा से क्लियर से एक लाइन में भी इसको बता देते, मतलब एक लाइन में नहीं एक पैराग्राफ में बता सकते, इसके लिए आपने दो पैराग्राफ यूज किए, समझो ये बात, ये सही नहीं है, ठीक है जी याद रखना। आगे ऐसे ही एक ज्वलंत समस्या या मुद्दा सर्दियों के मौसम में भारत की राजधानी दिल्ली में दिखाई देता है, जहां दिवाली के त्यौहार में प्रदूषण का स्तर इतना बढ़ जाता है कि ठीक से चीज़ों को देखना भी मुश्किल हो जाता है, इस प्रदूषण के लिए कई कारण जैसे पराली जलाना, औद्योगिक प्रदूषण, ये भाई सही लिखो तुम, मैं फिर बताऊँ नर्मदा ये यू हैव टू करेक्टिफाई योर, सही नहीं है, ठीक है अब देखिए कारण का न दिख रहा है, कारण पढ़ूँ मैं इसको क्या पढ़ूँ, ये न पढ़ूँ ही नहीं,
कारण। हाँ समझो ना, कहाँ दिख रहा है मुझे बताओ, कहाँ दिख रहा है बताओ, कहाँ दिख रहा है हल्का सा भाई ये देखो, अरे भाई ऐसे लिखा जाता है इतना बड़ा ये देखो ऊपर वाला बड़ा है, देखिए नीचे वाला छोटा हो गया थोड़ा सा। हाँ मतलब समझो ना, इतने ये चीजें मैं फिर बता रहा हूँ, बार बार फिर बता, मेरे पास भेजने से पहले करेक्टिफाई कर लिया करो, ठीक है भाई। गलती होती है, मैं देखो मैं बता, मेरे से भी होती है यार, मैं मेरी कॉपी देखोगे तो मेरे से मतलब होती है यार, मैं भी इंसान हूँ, पर मैं मेरा मानना है यार करेक्टिफाई करो, ये नहीं होनी चाहिए, एग्जामिनर के सामने नहीं जानी चाहिए। यहाँ तो चलो ठीक है, मैं ही कॉपी चेक कर रहा हूँ, कोई बात नहीं, लताड़ भी दूंगा, बात है कि यार वहाँ मौका नहीं मिलेगा ना, ठीक है। रियल में एग्जाम उस एग्जाम की तैयारी करें अपन, ठीक है। तो कारण बताए जाते हैं, और उनके सुधार के लिए सरकार ने भी AQI इंडेक्स ऑड इवन फार्मूला जैसे प्रयास कर रही है, तो कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता को जो अपनी दिल्ली को प्रदूषण मुक्त देखना चाहती है, इस बदलाव के लिए स्वयं में कौन सा सुधार कर रही है यह सोचने की बात है, क्योंकि जो बदलाव हम दूसरे में देखना चाहते हैं उसकी शुरुआत तो हमें पहले स्वयं पर बदल कर करनी होगी। आए दिन समाचार पत्र को अक्सर महिला शक्तिकरण की खबरें छपती हैं, ठीक है। यहाँ पे मतलब ठीक है, आपको ऐसा ठीक है, मतलब संदर्भ आपने सही लिया है कि लिया जा सकता था, जैसे मैं देखो वाक्यांशों को कैसे प्रयोग किया जाता कि मतलब सटीक बैठे, ठीक है ध्यान से देखना। जैसे मान लो मैं बता रहा हूँ कि दिल्ली की प्रदूषण की समस्या से आप सभी लोग परिचित होंगे कि सब लोग इससे परेशान हैं, लोग सांस लेने में दिक्कत हो रही है, मास्क बाहर पहन के निकल रहे हैं, बच्चों के लिए बड़े बूढ़ों के लिए सबके लिए दिक्कत का है, स्कूलें बंद हो जाती है, सब लोग सरकार पे दोष ठहरा रहे हैं कि सरकार ये नहीं कर रही वो नहीं कर रही, परंतु वहीं हम है कि जो है 1 किलो मतलब 100 मीटर भी जाना होता तो बाइक लेके जा रहे हैं हम, ठीक है। जब दीपावली पे है कि प्रदूषण खतरनाक है तब भी हम पटाखे छोड़ रहे हैं, फिर हम सोच रहे हैं कि सरकार क्या कर रही है। तो ये जो स्टेटमेंट है यहीं चरितार्थ होता है कि जो बदलाव आप दूसरे में देखना चाहते हो कि सरकार ये करे वो करे, उसे पहले हम अपने लेवल पे तो करें, हम पहले प्रयास करें कि हम पोल्यूशन नहीं फैलाएंगे, पटाखे नहीं छोड़ेंगे, पहला प्रयास। तो इसमें थोड़ा गाड़ी का हम कम से कम प्रयोग करेंगे, हम इलेक्ट्रिकल वाहन को प्रमोट करेंगे, या मान लो कि शेयरिंग जो है उसको प्रमोट करेंगे, तो जब तक हम अपने लेवल पे नहीं करेंगे तब तक कैसे हो। तो मतलब मेरा कहना है मतलब तो लोग कॉन्टेक्स्ट कैसे सटीक बैठाया जाए, कैसे मतलब जो क्वेश्चन की जो डिमांड है उसे सटीक, मैं फिर बता रहा हूँ ऐसे की जो थीम है वो बार बार उसी को माइंड में घूमते रहनी चाहिए तुम्हारे, कैसे मैं मोल्ड करूँ, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत ठीक है, थोड़ा बहुत किया है आपने, पर मोल्ड करने में थोड़ा बहुत आखिर में चुप गए, ठीक है कोई नहीं आगे बढ़ो। आए दिन समाचार पत्रों पर अक्सर महिला शक्ति सशक्ति, अब देखो मैं फिर बता रहा हूँ, अब यहाँ से यहाँ पे तुम्हारा जो पैराग्राफ जा रहे हो कुछ ही कॉन्टेक्स्ट नहीं, मतलब कोरिलेशन नहीं दिख रहा, जुड़ाव नहीं दिख रहा तुम्हारा, यहाँ कहाँ दिख रहा है बताओ भाई। अब देखो यहाँ मालूम खत्म हो गया, आगे हम चाहो तो यहीं पर लिख दो, आगे हम इसी प्रकार महिला को बारे में देख सकते हैं, फिर यहाँ पर देखो यह ऐसे किया जा सकता है, उपरोक्त दिल्ली के बाद में हम जो मतलब प्रदूषण के बाद में अब महिला सशक्तिकरण की तरफ हम बात करते हैं, तो वो कोरिलेशन जुड़ जाता है, ऐसे जुड़ना सीखो, यहाँ पे कोई कॉन्टेक्स्ट आपको दिख ही नहीं रहा जुड़ रहा जो, ठीक है। आए दिन समाचार पत्रों पर अक्सर, अरे भाई अवसर दिख रहा है, ये अक्सर होता है और अक्सर में आधा ऐसे आता है, ठीक है। अक्सर महिला सशक्तिकरण की खबरें छपती है और दूसरी ओर 6 महीने की बच्ची या 80 साल की महिला के साथ बलात्कार की खबरें छपती है, अर्थात हम एक ऐसे समाज में जहाँ एक और बदलाव का परिणाम महिला सशक्तिकरण है तो दूसरी ओर एक खराब सोच का परिणाम बलात्कार या दूषित वास्तविकता है, जहाँ हमें इस बदलाव की जरूरत है, जैसे महिला सशक्तिकरण। अरे मैं फिर उतारा, याद रखना ये सब लोग गलती मत करना है चीज की, कहानियाँ बड़े न की कहानियाँ बड़े न की बलात्कार की ओर, तभी संभव है जब ये वे बदलाव को दूसरे में देखना चाहते हैं। हाँ हाँ ना ना ना, तुम्हारा कहाँ जुड़ रहा है इसमें बताओ, पूरा पढ़िए ना नीचे संस्कारों के बारे में। अरे तुम पहले ही कहा है, तुम लोग समझ नहीं रहे। देखो सुनो, मतलब ये महिला कॉन्टेक्स्ट में बहुत अच्छे से लिखा जाता है, तो बहुत सारे इसमें पॉइंटों में फिर बता रहा हूँ तुम लोगों ने समझ। देखो ध्यान, मैं देखो मैं क्या सोच रहा हूँ, ध्यान समझना, मैं ले रहा हूँ जब कल्पना चावला चंद्र मतलब अंतरिक्ष की उड़ान बढ़ रही थी तो सभी भारतीयवासी खुशी थे, परंतु वहीं अपनी जो बेटियां हैं, ठीक है अपनी जो बेटियां है उसको घर का काम करा रहे हैं, उसका बाल विवाह कर रहे हैं, ठीक है। और हम चाहते हैं कि मतलब कि महिला ऐसे हो, परंतु हम अपने घर की जो महिला हैं उसको तो नहीं कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि भाई लड़कियाँ बाहर काम करें ये करें, पर हम अपनी पत्नी को नहीं चाह रहे हैं,
ठीक है, अपनी समझ में अपनी बहन को नहीं चाह रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो मतलब कहने मतलब कि जो बदलाव देखना दूसरों में देखना चाहते हो, आप चाहते हो कि भाई देश में महिला आगे बढ़े, तो अपन घर में सबसे पहले पालन करें, अपन घर में उनको रोक देते हैं, उन पर पाबंदी लगा देते हैं। एक तो ये कॉन्टेस्ट हो गया, पर आपने जो कॉन्टेस्ट लिया बलात्कार वाला, देखो ये कॉन्टेस्ट क्यों नहीं फिट बैठ पा रहा। आपने देखो ना, मतलब चाहते हो कि भाई समाज में रेप ना हो, ठीक है, ये यही है ना कि बदलाव यही चाहते हैं आप, समाज में रेप ना हो। मैं और समाज में रेप ना हो तो उसके लिए आप सभी में पहले क्या बदलाव लाना चाहोगे कि समाज से को तो संस्कार पे ध्यान देना। अरे नहीं, आप नहीं समझ पा रहे हो। आप ये चीज सोच रहे कि जब बलात्कार कब नहीं हो, जब मैं भाई समय पहली बात तो मैं खुद ही किसी को परेशान ना करूँ ना। मैं फिर बताऊँ, तुम यहाँ पे थर्ड कॉन्टेक्स्ट में लेके जा रहे हो। अरे भाई, यहाँ इंडिविजुअल की बात चल रही है। आप सवे में क्या ऐसा बदलाव लाओगे कि जो भाई महिलाओं को बलात्कार ना हो? भाई सबसे पहले मैं महिलाओं के प्रति संवेदनशील बनूंगा, ठीक है, तो मैं फिर समाज में भी महिलाओं के प्रति संवेदनशील बनाऊंगा, समझ में आया ना भाई? पहले तो मुझे वो चीज़ करनी पड़ेगी ना जो मैं चाहता हूँ समाज में बने। भाई भाई महिला को बलात्कार कब रोकेगा भाई? सब ऐसी बात है, पहले तो मैं खुद रेस्पेक्ट करना सीखूँ ना, मैं रेस्पेक्ट देना सीखूँ उनको, ठीक है, महिलाओं की आज़ादी को मैं एक्सेप्ट करूँ। मतलब मेरा कहना मतलब तुम्हारा जो है ना, जो थर्ड व्यक्ति के कॉन्टेक्स्ट में जा रहा है, ये पर्सन टू पर्सन भाई, यहाँ पे सीधी बात, मैं जो बदलाव दूसरों में देखना चाहता हूँ, जो बदलाव आप देखो सीधा वो ऐसी थीम पढ़ो, जब जो बदलाव आप दूसरों में देखना चाहते हो, आप हो यहाँ पे, यहाँ पे थर्ड पर्सन नहीं है। अब यहाँ पे तुम देखो थर्ड पर्सन की बात कर दी हो, ये कौन जागा भाई? अच्छा ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना, ठीक है, तो आप यहाँ पे थर्ड पर्सन की बात करें, बलात्कार की हो रही है तभी संदर्भ, जब हम बदलाव जो दूसरे में देखना चाहते हैं उसकी शुरुआत अपने घर से, अपने बच्चों विषय तौर पर लड़कों को अच्छे संस्कार देकर। अरे भाई चलो ठीक है, मान लो तुमने अपने लड़कों को अच्छे संस्कार दे दिए, ठीक है, अब खुद कर रहे हो तो बलात्कार फिर मतलब समझो, आपको यहाँ पे स्टार्ट करना चाहे आई, सबसे पहले मैं अपने आप पे सुधार लाऊंगा, फिर मैं अपने परिवार वी, फिर हम सोसाइटी, ऐसे बढ़ना होता है, समझ में आया? तो पहले आई को, तुमने तो आई को गायब ही कर दिया, तुम अपने बच्चों को संस्कार दोगे, खुद को संस्कार नहीं बनाओगे, समझो ना, मतलब कॉन्टेक्स्ट समझो। आप थर्ड पर्सन के रूप में बात कर रहे हो यहाँ पे फर्स्ट पर्सन की बात है, ठीक है। अब देखो फिर यहाँ पे कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं जुड़ रहा तुम्हारा, ये मिलेगा आपको। हाँ वो दिक्कत दिख रही है ना, मैं चीज समझो। अब देखो रवि से अगर जब उन्हें ऐसे पढ़े थे उसमें देखना, हाँ वो उसको समझा, देख के कैसे कनेक्ट करना, हाँ। कनेक्टिंग डॉट छूट रहा है बीच बीच में। हाँ, एक अहम मुद्दा जिसे गरीबी के नाम से जाना जाता है, भारत सरकार उसे समाप्त करने के लिए भरका से फिर वर्ड प्रयास करती है, कई जागरूकता कार्यक्रम चलाया जाता है, मेरी माटी मेरा देश। अरे भाई हे भगवान, उठा ले भगवान। अरे वो दिमाग में वही था, अभी प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में यही था, तो चल रहा था, तो लिख दिया। तो भाई कुछ नहीं रहा था, कहीं पे कुछ भी लिख दोगे, मतलब कहीं कुछ भी लिख दोगे, क्या बात हुई भाई? ये काट देते हैं इसको, टाइमर लगा के लिख रही थी 1.5 घंटे का, जल्दी जल्दी मतलब कहीं कुछ भी लिख दोगे। मैं अब देख समझ में आया ना, तुम लोग उस दिन में पैदल बोला था कि भारत की बात चल रही होगी, पर तुम लोग पाकिस्तान पहुंच जाओगे, तो लोगों को तो लग रहा था कि हम ऐसे कैसे करेंगे, हम इतने पागल से लिए। अब देख लो यहाँ पे मेरे मंडी मेरा देश है भगवान, कब से गरीबी का काम हो गया भाई से। अरे मैं फिर बता रहा हूँ, मेरा माटी मेरा देश आपकी आर पीटी के लिए इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन आएगा 100%, ये मैं पहले बता रहा हूँ, इम्पोर्टेंट है, अरे क्वेश्चन आएगा, ठीक है, क्योंकि मोदी ने प्रमोट किया है इसको, क्वेश्चन आएगा, ठीक है। स्वदेशी अपनाओ, राष्ट्रीय अधिकारिता दिवस जैसे कार्यक्रम चलाए जाते हैं, लेकिन हम आधुनिक कहना है दिशा में खुद को इतना झकड़ लेते हैं कि खादी से बनी साड़ी पहनने में हमें शर्म आ, और फटी हुई जींस पहनने से हमें गर्व महसूस होता है। दिवाली जैसे त्योहारों में भारत में आने वाले गणेश लक्ष्मी से लेकर जलाने वाले दिया तक, ये दिया सही नहीं है, जाके पढ़ो के दीपक दीपक लिखो ना, कहते हो दिया भी है तो शायद गलत लिखी हो, मैं पक्का गारंटी सर बता रही गलत लिखा हो, कहते हो या की मात्रा पे वो आएगा या कुछ ना कुछ है, पर गलत है ये, मैं इतना बता रहा हूँ, ठीक है। फिर आप बताओ किसी को दिया वर्ड कैसे लिखोगे, फिर इसमें और इस दिया में क्या अंतर होगा? ठीक है, हमें चाइना से ये क्या है, चाइना से प्राप्त होता है, ये प्राप्त कहाँ से, कौन सी दुनिया से प्राप्त दिख रहा है तुम्हें? पेट ही चल रहा था, क्या ही करोगे, होती है जहाँ इस त्यौहार के मतलब को भी बखूबी नहीं जाना जाता, लेकिन हम चाहते हैं कि पावर्टी है ये भाई, यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्टेक्ट डिफरेंट हो गया था मेरा।
गरीबी सूचकांक ही लिख दो भाई इतने इतने भी अंग्रेज मत बनो पावर्टी नहीं याद आ रही थी भैया अरे यार ठीक है कोई बात नहीं, मतलब देखो मैं फिर बता रहा हूँ, ये चीज़ें ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं रीडिंग की कमी है उसका कारण है। ठीक है, भारतीय रैंक नीचे आए न कि ऊपर। अब देखो यहाँ पे फिर स्वाभाविक है कि ऐसे बदलाव को देखने के लिए पहले हम स्वयं में बदलाव लाना चाहेंगे और मालों में, ये क्या मोलों में भाई, मालों मौलो, में मौलो, तो कहाँ मोलो दिख रहा है, कहाँ मोलो दिख रहा है भाई, मॉल कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखा मॉल ऐसे लिखा जाता है। हाँ तो छोटा सा पाई है ऊपर, ये क्या ये मालों में जाकर, मालों में, या मालों में जाकर ब्रांडेड चीजें में बिना सोचे, ये क्या सोची ये सोची लिखा है तो कहाँ दिख रहा है सोचने का। अब देखो ये कमियां है भाई, सोचो पैसे लुटाने से पहले लघु उद्योगों से सालिक, ये क्या है संलिप्त, ये कहाँ संलिप्त दिख रहा है, कौन सी भाषा में लिखा है, उर्दू भाषा में लिखा है क्या, तो संलिप्त मिल गया है वो पारंपरिक चीजों की खरीदारी को प्रोत्साहन देना होगा। पर सर ये सच में लिखते टाइम नहीं याद आएंगे मेरे को, पर 100% पता है। पर मैं फिर मैं बार बार बता रहा हूँ, यही मैं फिर मैं क्या बार बार बोल रहा हूँ कि भाई आप अपने लेवल पे जाके पहले देख लो एक बार चीजों, खुद से पढ़ के फिर मुझे भेजा करो, ताकि यहाँ बेइज्जती ना हो, काट के लिख लो। एक तो रूटीन में भी नहीं लिखते ना, इस वजह से और गलतियां निकलती हैं। वो होता है, अच्छा भाई प्रैक्टिस, इसीलिए रूटीन सबसे बड़ा है, रूटीन सबसे बड़ी वजह। अरे नहीं लिखोगे तब यही दिक्कत है। ठीक है, पारंपरिक चीजों की खरीदारी को प्रोत्साहन देना होगा तभी एक बदलाव संभव होगा जो हम दूसरे। देखो मैं फिर बताऊँ तुम्हारी जो दिक्कत है, तो बहुत बड़ा लेके जा रही हो तुम चीजों को, भाई क्रिप्स बताओ, फिर भी गरीबी को तुमने पता नहीं कहाँ किधर, देशभक्ति हो तुम्हारा माइंड सेट पता लग रहा है कि तुम थोड़ा जो है पश्चिम का एकदम विरोधी हो, भाई गरीबी के यही कारण नहीं, गरीबी बहुत सारे कारण चाहते हैं कि हम भाई गरीबी खत्म हो, तो सबसे पहले तो भाई पश्चिम का विरोधी ने हमको चाइना वाले दिया लेके आते हैं और मिट्टी वाले तो वही दोनों से काम चल। ठीक है, देखो मतलब बात अपने विचारों को रिप्रेजेंट करने का तरीका अच्छा होना चाहिए। हाँ। बात वो होती है, चलो ठीक है कोई ना, अपनी अपनी विचारधारा होती है उसमें कोई इश्यू नहीं है, पर बात होती है कि भाई अपने विचारों को रिप्रेजेंट आप अच्छे तरीके से करो ना। ठीक है चलो कोई नहीं, अब देखो यहाँ पे फिर वो कॉन्टेक्स्ट नहीं दिख रहा। ठीक है, बात करते हैं कि देश के सबसे बड़े सफाई अभियान, देखिए बड़ा गलत है ना सर, जैसे गंगा एक्शन, अरे भाई क्या गंगा एक्शन, गंगा एक्शन प्लान ही है ना गंगा को साफ करने के लिए ये अभियान। देखो मैं फिर बता रहा हूँ, देखो हाँ ये चीज, हाँ पता नहीं, मैं यही बता रहा हूँ, अगर नहीं आता है तो मत लिखो, कोई और चीज लिखो, क्लियर कट पता हो। अच्छा मिशन क्लीन गंगा है, हाँ, है अब बोल मिशन क्लीन गंगा। हाँ इंडिया जीत गया, कॉन्ग्रेचुलेशन, भारत जीत गया, किस में जीता तुम्हें, सेमीफाइनल में सर। हाँ जीत गया जीत गया, हाँ। चलो सेलिब्रेट, ताली बजा लो, 7 विकेट लिया मोहम्मद शमी, मोहम्मद शमी पे कैच छूट जाता उस टाइम, कैच छूटा था उससे पर भाई अकेले ने पूरा मैच खत्म कर दिया, इसलिए पटाखे छूट रहे हैं बाहर। चलो फाइनल में तो पहुँचे, अब देखो, चलो ठीक है अब सुनो ध्यान से। ठीक है तो देखो मैं फिर बता रहा हूँ, हाँ ये चीज़ सब लोग ध्यान रखना कि भाई नहीं लिखो अगर नहीं पता है तो अच्छे से, पर देखो बहुत गलत इमेज आती है, जैसे ध्यान से समझना, आप मान लो किसी से मिलने जा रहे हो, आईएएस अधिकारी से मिलने जा रहे हो, मान लो किसी नेता से मिलने जा रहे हो, ठीक है, अगर आप लोग भाई आपको नहीं पता है तो मत बोलो, चुपचाप खड़े रहो ज़्यादा अच्छा रहेगा, कुछ गलत बोलने से अच्छा है मौन रहना, इसलिए बोला जाता है कि कभी कभी मौन रहना भी आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है, तो ये चीज़ याद रखना भाई, नहीं पता तो मत लिखो और गलत मत लिख के आओ, ठीक है ये चीज़ याद रखना। और गंगा एक्शन प्लान किसके बारे में है, अब कोई नहीं पता तो मुझे क्या पता, उतने टाइम में टर्म नहीं ध्यान आ रहा था, बस यही ध्यान है, अभी ध्यान आ रहा है कि मिशन क्लीन गंगा है। ठीक है, वाटर क्वालिटी ऑफ गंगा टू एक्सेप्टेबल स्टैंडर्ड्स बाय प्रिवेंटिंग द पोल्यूशन लोड फ्रॉम रीचिंग द रिवर, पर थोड़ा थोड़ा कोरिलेट हो सकता है। ठीक है चलो, गंगा एक्शन प्लान के बारे में, जहाँ करोड़ों रुपए खर्च किए गए ताकि गंगा नदी को साफ रखा जाए, वहीं दूसरी ओर स्वच्छता सर्वेक्षण के तहत लगातार 3 बार
प्रथम आने वाले मध्य प्रदेश के शहर इंदौर की बात करते हैं, जहां यह सिर्फ इसलिए संभव हो पाया कि वहां के मानव संसाधन एवं जनता ने अपने अंदर स्वच्छता के प्रति एक सूरत का भी एग्जांपल ले सकते हो। सूरत ने भी अपने आप को बहुत बहुत दिक्कत थी वहां पे, फिर उसने सही किया। ठीक है, एक जरूरत भी देखी और जिस बदलाव को वह देखना चाहते थे स्वयं में डाला, लेकिन दूसरी तरह जहाँ गंगा आज भी उतनी साफ नहीं हो पाई है, वहाँ लोगों को यह समझने की ज़रूरत है कि भगवान तक जाना मन का विषय है, न कि तन और भौतिक द्रव्यों का। इसलिए गंगा के साफ होने के बदलाव को देखने के लिए हमें बदलाव स्वयं में लाना होगा कि हम इसे दूषित ना करें। है ना, तुम ना थोड़ा ज़्यादा ही पर्सनल चली गई, मैं फिर बता रहा हूँ, ये कहीं ना कहीं किसी के धर्म को लेके तुमने हाथ किया है, तो ज़्यादा बचने से मैं फिर बता रहा हूँ। देखो अरे गंगा का ऐसा मत लिखो ना। अब तुम्हें पता है रियलिटी तुम लोगों को पता नहीं होता, तुम लोग ऐसे मतलब भावुकता में आके लिख देते हो। अगर रियलिटी में गंगा का जो पॉल्यूशन का रीज़न देखोगे ना, ये तो ठीक है एक मतलब छोटे मोटे कारण है, सही बता रहा हूँ, ये बहुत छोटे माइनर है। ठीक है, वो जो अड्डिया विसर्जन की जाती है, मैं फिर बता रहा हूँ ये चीज़ बहुत गलत लिखी है, थोड़ा बचना इन चीज़ों से। ये मतलब भाई सबाई से बात है, 60-70 साल का बुड्ढा बैठा है, उसकी भी अड्डिया भाई गंगा में बहने को तैयार है। तुम चाह रही हो कि गंगा में उसकी अड्डिया जाए, भाई भाई वो तुम्हारी अड्डिया बहा देगा। इसीलिए मैं बता रहा हूँ ये बहुत बहुत सोच समझ के लिखना चाहिए। देखो मैं फिर बता रहा हूँ, आप अगर नेट पे सर्च करना आज ही जाके, गंगा में पोल्यूट होने का जो सबसे बड़ा कारण इंडस्ट्रियल पोल्यूशन है। कम से मतलब ये मान के चलो कि 100% में लगभग लगभग 50-60% जो योगदान है उसका इंडस्ट्रियल पोल्यूशन का है, ना कि ये जो चीज़, ये तो छोटी मोटी चीज़ें हैं भाई। अरे मैं फिर बता रहा हूँ ना ये चीज़, हाँ उसमें जो दिक्कत होती है ना, सबसे बड़ी जो दिक्कत है इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, मतलब ये तो है ही, जैसे बहुत बार क्या होता है कि लाशों को ऐसे जिंदा ही फेंक दिया जाता है, वो सही नहीं है। मतलब अस्थियाँ विसर्जन करने से गंगा का पानी प्रदूषित होता है, अगर आपकी ऐसी विचारधारा, मैं सही बता रहा हूँ, ये सही नहीं है। और आपको सोच सबसे बड़ी बात कि आपने इसमें लिखा है, इसमें ये भी कहीं भी नहीं लिखा तुमने इंडस्ट्रियल पोल्यूशन के बारे में, भाई वो बंदा तो एक मैं फिर बता रहा हूँ, ये छोटी छोटी चीज़ें जो ध्यान रखनी है, क्योंकि किसी की धार्मिक भावनाओं पर ठेस पहुँचाने से पहले आप सोचो समझ, भाई तुमने मेन रीज़न तो लिखो ना, फिर बाद में लिख दे इसके अतिरिक्त है ये भी रीज़न है, तो ज्यादा अच्छा रहता। भावना को ठेस ही पहुंचा रहे हमको पर्सनली, गंगा में जो लोग जाके नहा के अपना पाप धुलते हैं वो बिल्कुल पसंद नहीं आते मेरा। आज हम इतने 29 इयर्स के हो गए, हम कभी गंगा में नहीं डुबकी लगाए, आज तक रिकॉर्ड है मेरा। देखो मैं फिर मैं बता रहा हूँ कि आप अपने पर्सनल थॉट को मैं फिर बता रहा हूँ, ऐसे में अगर ये चीजें दिख रही है आपकी तो फिर समझ लो फिर क्या ही हाल होगा आपका। ठीक है मतलब समझ लो ना भाई, कल आप IAS बनोगे तो अपनी अपनी इच्छा नहीं चला सकते, आपको कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चलना है। फिर बता रहा हूँ ये ऐसे इशू होते हैं, इन चीजों पे चीजों से बचना चाहिए भाई। आप अपना पर्सनल इशू है ना, आप अपने आप को सब पे क्यों थोपना चाह रहे हो? तो आपको देखो अभी, देखो अभी ये पता लग गया ना आपको, तानाशाही नहीं चल रहा है, मैं पक्का बता रहा हूँ, है ना, मैं फिर बता रहा हूँ, यही चीजें पता लग जाती है ऐसे से भाई, यही चीज मैं फिर बार बार बता रहा हूँ। भाई बदलाव करो, नहीं तो ये सही चीजें नहीं है, आपके लिए भी खतरनाक है, कुछ बन जाओगे तो उसके लिए भी खतरनाक, उस पोस्ट के लिए खतरनाक है। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। मैं फिर बता, इतना हावी नहीं होने देते हैं, मतलब 2-3 रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसी ली है पर तब इतना हावी नहीं होने देते उस चीज को, मतलब है एक नर्मदा कहेगी कि हम प्याज नहीं खाते तो हमें पता ही नहीं कितनी महंगी बिकेगी। नहीं ऐसा नहीं है, प्याज खाते हैं, प्याज की महंगाई भी पता है, लेकिन वो क्या, वो अदर कॉन्टेस्ट ही है धर्म के बारे में। अरे सही नहीं है ना वो चीजें, ठीक है आप अपने पर्सनल लेवल पे रखो उन चीजों को, आप कि मुझे आपको बुरा अच्छा नहीं लगा, अरे आपको अच्छा नहीं लगता खत्म बात, आपको दूसरा ना रहा वो भी, अगर आप उससे भी आपको प्रॉब्लम है तो ये भाई ये बहुत बड़ी दिक्कत है, मैं फिर बता रहा हूँ ये बहुत बड़ी दिक्कत है। तुम्हारी भी अड्डी है ना गंगा में विसर्जित की जाएगी, याद रख लो। गड्ढा खोद के गाड़ दो इससे अच्छा। ठीक है चलो, कम से कम कुछ मिनरल मिनरल बन जाएंगे। ठीक है देखो मैं फिर बता रहा हूँ, थोड़ा बदलाव लाओ, ठीक है सही नहीं है। ठीक आगे बढ़ो, बढ़ती है, देखो अब यहाँ कोई कोरिलेशन नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। बढ़ती आधुनिकता के दौर में हम तेज़ी से किसी चीज़ की तरफ आकर्षित हुए हैं तो वह है मोबाइल और इंटरनेट की दुनिया। अक्सर महिलाएं अपने छोटे बच्चों को रोने से रोकने के लिए या घर के कामों को करने के लिए मोबाइल का सहारा लेती हैं, इसका परिणाम यह होता है कि
बच्चे 8-10 साल के होते होते आंखों में चश्मा पहन लेते हैं। ये बात सही है। अभी मैं बता रहा था ना मेरे घर में ये हालत, तो अभी सोचो वो कितने साल की हुई, 6 साल की हुई है, चश्मा लग गया है। सोचो 6 साल की चश्मा लग गया, यही है। और मोबाइल फ़ोन के आदि बन जाते हैं और भौतिक दुनिया को छोड़कर एक छदम या आभासी दुनिया का हिस्सा बनकर साइबर बुलिंग या इंटरनेट के माध्यम से होने वाले अपराधों जैसे फिशिंग, डीप फेक, इंटरनेट गेमिंग या वीडियो गेमिंग जैसे अपराधों का शिकार हो जाते हैं, उसमें संलिप्त हो जाते हैं। और इसलिए हमें यह समझने की आवश्यकता है कि लाड़ दुलार और ममतत्व जैसे चीज़ों के परिवार की गहराई से जोड़ती है और उसकी जगह मोबाइल को देखकर अपने संयुक्त परिवार को एकल परिवार में न बदलें या भावनाओं को सार्थक तक मूल्यांकन तकनीक को न करने दें। इसके लिए आवश्यक है कि हम पहले उस बदलाव को पहल स्वयं में लाएं जिसे हम अपने बच्चों में देखना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पे अच्छा अपने आखिरी में जाके मोल्ड कर दिए। ठीक है, सही बात है। आगे देखो, खेल के स्तर पर हम किसी टीम की बात करें या किसी बड़े अभियान या योजना की सार्थकता की बात करें या फिर रक्तदान कैंप में रक्तदान करने वाले लोगों की बात करें, शायद इनमें से किसी भी जगह हम जातिवाद जैसे मुद्दे को बीच में नहीं लाते क्योंकि यह एक सामूहिक मामला होता है। लेकिन यदि कहीं खाना खाने या पानी पीने जैसे मुद्दे आते हैं या आरक्षण जैसे मुद्दे आते हैं तो हम तुरंत जातिवाद पर कटाक्ष करने लग जाते हैं। शहरों के स्तर तो फिर भी ठीक कहा जा सकता है, किंतु गांव में यह प्रथा आज भी उतनी ही विद्वान है जैसे प्राचीन समय में हुआ करती थी। एक प्रसिद्ध उदाहरण, ये पूरा लिखो ऐसे नहीं छोड़ना, 2015 में UPSC परीक्षा में प्रथम रैंक लाने वाले टीना डाबी की जाति को लेकर गूगल में सर्च करने देखा जा सकता है। सही बात है, ये बहुत रियलिटी है, सोशल रियलिटी। हमें यह समझना होगा कि हमारे कर्म हमारे भाग्य का आधार होते हैं, न कि हमारी जाति और ऐसे जातिगत भेदभाव को खत्म करने के लिए हम स्वयं में शुरुआत करनी होगी। इस बदलाव को लाने के लिए खुले मन से ऐसे प्रयत्नों को स्वीकार करना होगा। मैं फिर बता रहा हूँ, तुम जो मेन जो टॉपिक है जातिवाद में अस्पृश्यता जो है उस मामले को नहीं उठा रहे। पहले मतलब थोड़ा माइन्यूट लेवल पे जाओ, तुम लोग बाहरी स्तर पे देख रहे हो। मैं फिर बता रहा हूँ ना, जातिवाद का एक अलग लेवल है। जैसे आज मैं गया तो वो मेरे को ये बोला कि मतलब देखो, मैं फिर बता रहा हूँ ना, देखो ये चीज़ें स्टार्टिंग में जब मैं था तब मुझे ठीक है यार कोई बात नहीं कोई बात नहीं। जब आज मैं इस दौर में खड़ा हूँ ना तो अब लगता है कि साला जातिवाद का स्वरूप ये है। जब मैं आज गया वहाँ पे तो मेरे को ये बोला कि भाई देखो ST वाले 37 साल तक, मतलब भाई ठीक है भाई आरक्षण मिला है तो स्वाभाविक सी बात है, 37 साल तक। वो क्या बोल रहा था मेरे को कि 37 साल तक आप मान लो UPSC एग्ज़ाम दे रहे हो, अब एक बंदा जो मान लो 21-22 साल की एज में दे रहा है, ठीक है आपका उसका कंपटीशन हो रहा है आपका उससे, ठीक है तो सब ऐसे। फिर वो मेरे को सम्यक समता वाला के कॉन्सेप्ट बता रहा था महात्मा बुद्ध का। मतलब देखो मैं फिर बता रहा हूँ, ये लोग मतलब समझते नहीं। देखो जातिवाद आज वो दौर तो गया भाई, छुआछूत ये सारी चीज़ें, पर ये भी तो एक जातिवाद है ना। मेरे को ये रियलाइज़ कराया जा रहा है कि आप ST से बिलोंग करते हो, मतलब समझो ये कहीं ना कहीं मुझे एक मानसिक रूप से विकलांग बनाने का प्रयास किया जा रहा है ना। मतलब ये एक प्रेफरेंस रहता है जॉब वगैरह में, नहीं मतलब बात ये नहीं, मतलब अच्छी चीजें हम इसको अच्छा कॉन्सेप्ट मानते हैं कि जैसे सेम एज के दो लोग बैठे हैं तो उसमें ST SC और एक्सपीरियंस और प्लस एज इन चीजों को प्रायोरिटी देके तब फिर तीसरे का सिलेक्शन करते हैं, ऐसा रहता है। मतलब कि जैसे हम लोग के में कॉन्सेप्ट था ना कि जैसे रेगुलर का जो एग्जाम होगा तो उसमें ये है कि जो पहले से जॉब कर रहे हैं और ST SC में मतलब जो कट ऑफ बीट कर लेता है, जनरल का भी कट ऑफ बीट कर लेता है, तो पहले प्राथमिकता में वो आएंगे, उनको ज्वाइनिंग दी जाएगी, 20% रिजर्वेशन है उनके लिए जो पहले से जॉब कर रहे हैं और एक्सपीरियंस होल्डर है, और जो जनरल का कट ऑफ पर बीट करना पड़ेगा उनको। पहले मार्क्स देते थे, अब मार्क्स नहीं दे रहे, हम खाली रिजर्वेशन दे रहे 20%, पर उनको कट ऑफ बीट करना पड़ेगा। जब जनरल का कट ऑफ बीट कर लेंगे तो उनको पहले प्राथमिकता दी जाएगी, हमको बाद में दी जाएगी, ऐसा सिस्टम। नहीं मैं ये जो समझाना चाह रहा हूं तो समझे नहीं हो लोग। नहीं हम समझ गए आपकी बात, वो क्या आपको टोंट मार रहे थे। अरे मैं जब मतलब देखो ना, अरे नहीं बात ये नहीं है, देखो समझो ये रियलिटी है यार, आप समझते नहीं हो। जब मैं कॉलेज में था तो मेरे को नाम से कोई नहीं पुकारते थे, मेरे को पुकार देते मीणा जी से। अरे मीणा यहाँ पे समझो एक शर्मा जी को शर्मा जी बोला जा रहा है तो वो उसके लिए सम्मानजनक है, ये चीज़ समझो। ये बहुत माइन्यूट लेवल पे जो डिस्क्रिमिनेशन चल रहा है ना, ये भाई मैं जिंदगी भर झेला हूँ और मुझे पता आगे भी झेलना पड़ेगा। ये मैं ये चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि आज की जो छुआछूत वाला, देखो
आज मेरे साथ तो कोई अनटचेबिलिटी जैसा कुछ कर नहीं सकता ना, मतलब ठीक है, परंतु ये एक डिस्क्रिमिनेशन का एक दूसरा टाइप है। आप ये चीज़ समझ रहे हैं, समझो कि मतलब जैसे मेरे को कॉलेज में टीचर मेरे को मीणा जी बुलाते थे, और आज भी ऐसा होता है कि जो मोस्टली जो लोग मुझे मीणा जी बुलाते, ये मीणा जी यहाँ सम्मानजनक नहीं है, शर्मा जी के लिए सम्मानजनक हो सकता है, ये चीज़ समझो। मीणा जी यहाँ पे विषम बोधक है कि आप मीणा हो या आरक्षण फायदा उठाए हो, वो डायरेक्टली तो नहीं बोल रहे, तो ये प्रतीकात्मक भेदभाव है, ये हकीकत समझो, प्रतीकात्मक भेदभाव है। जैसे हरिजन, जैसे भंगी बोला जाता था किसी को, ये वर्ड जो भंगी है ये क्या है, ये उसको नीचा दिखाने के लिए, ये चीज समझो। हाँ। आप उसके साथ उस टाइप से कुछ कर नहीं रहे हो, परंतु अगर उसको ये बोर्ड वर्ड बोल रहे हो ना, इसका मतलब आप उसके साथ भेदभाव कर रहे हो, अनटचेबिलिटी कर रहे हो आप। पर वो लोग ना अपने नाम में भैया खुद ही स्वीपर जोड़, जैसे हमारे यहाँ है दो तीन जन तो उनका नाम ऐसे, मतलब आंटी जो आती थी तो मतलब उनका नाम केश कली स्वीपर ऐसे करके था, तो हम एक दो बार उनसे पूछे भी भैया से कि भैया आप लोग स्वीपर सरनेम की जगह कोई दूसरा सरनेम क्यों लिखते हैं, आप लोग खुद ही उसके पीछे स्वीपर क्यों जोड़ देते हैं, तो बोले कि ऐसे ही लिखते हैं और कोई सरनेम नहीं है। अरे नहीं, सरनेम बदलने की जरूरत नहीं है, और वो तो फिर गलत है ना। अगर मैं भी देखो पहले ऐसे ही करता था, मैं मीना जो वर्ड होता था, स्वीपर, स्वीपर तो कोई सरनेम नहीं है ना, वो हाँ, तो वो शायद है ना, हाँ, वो लोग खुद उसको जोड़ते हाँ, हैं, कहीं कुछ ना कुछ वो होगा ना, तो वैसे तो ऐसे कोई आता नहीं कास्ट, मैं बता रहा हूँ, सुनो ध्यान से। मैं पहले ऐसा था, मीना वर्ड में लिखता नहीं था, नेवर मेरी कॉपी में आज तक कोई नाम नहीं लिखा मिलेगा, मैं इन चीज़ें बताता था मैं कि यार ठीक है यार, क्या ही किसी को बताना, चलो ठीक है। परंतु अब तो मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, अब तो मैं जरूर, अब तो मैं सही बता रहा हूँ ना, आजकल मैं अपना नाम भी बता दूँ मैं पूरा, क्योंकि चीज़ समझो, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं वो एक इंटरनली जो डिस्क्रिमिनेट हो रहा हूँ, अब वो चीज़ मुझे समझ में आ रही है, तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई मेरे अपनी जाति को मुझे छुपाना कहीं ना कहीं ये एक बड़ा बहुत भेदभाव है, जो है उसको सामने लाओ, और फिर उससे लोगों का जो जो रहता ना, जैसे मैं उसको गया तो मैंने कुछ नहीं बताया उसको, तो मेरे को अज्यूम किया कि तुम्हारी एज अभी 25-26 हो, मैं बोला नहीं मेरा 30 साल हो गया, तो उसने बोला, उसने सोचा एक दो अटैम्प्ट दिया हो, मैं बोला नहीं मैंने 6 अटैम्प्ट दिए, तो बोला कि अच्छा तुम कैसे, मैं बोला एसटी से हूँ, तो बोला कि अच्छा तुम्हें तो 36 साल तक ये है वो है, मतलब लोग है ना, मतलब हल्के में लेते हैं, मतलब कि ठीक है आप 37 साल के हो तो आपको तो क्या ही टेंशन है, मतलब मैं फिर मैं बता रहा हूँ यही चीज़ें हैं, मैं ये यहाँ पे जो मैं ये मुद्दा उठा रहा हूँ इसे रीजन समझो, ये मुद्दा उठाने का मतलब है कि आज जो छुआछूत है वो इस तरीके की, ये मानसिक छुआछूत है, ये चीज़ समझो, आज इसको कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं डिफाइन नहीं किया गया, ये चीज़ समझो, परंतु ये एक भेदभाव है। जैसे महिलाओं के साथ आर्थिक भेदभाव होता है ना, जैसे मान लो महिला घर पे काम कर रही है, उनको पैसा नहीं दिया जाता, आर्थिक नहीं शारीरिक भी होता है, रंग के बेसिस पे, मोटापे के बेसिस पे, मैं तुम्हारी भावना समझ गया। तुम हमेशा इसी बात पे उठाती रहती हो, सारे कोई मानसिक प्रताड़ना झेल रहा है, मैं मोटे के बेसिस पे, वैशाली पतले के बेसिस पे, उसको तुम्हारी स्टॉक से चले जाते हैं कि मैडम आप कुछ खाया पिया करिए, उसको कैसे समझाए कि जी नहीं ऐसा, उसका शरीर कुछ लग ही नहीं रहा उसके शरीर में। मैं बता रहा हूँ, देखो ये चीजें समझो, ये बहुत माइनट लेवल की चीजें है, ये चीज समझनी चाहिए, ठीक है। तो वही मैं तुम्हें बता रहा था कि यहाँ पे जो है तुम क्या ना कि अपर लेवल पे चीजें निकल के जो भाई गहराई है उसमें उतरो, ठीक है, चलो आगे बढ़ो। मैं एक बात बोलूं, हाँ बोलो बोलो, कि सर अगर जिस चीज को हम बदल नहीं सकते ना सर, उसको एकदम मजबूती से एक्सेप्ट करना चाहिए सर। और एक बहुत पहले मैंने पेपर में पढ़ा था कि एक कैंसर के मरीज थे सर, वो चल नहीं पाते थे, उनको बेतहाशा दर्द होती थी, लेकिन उन्होंने बोला था सर कि मुझे जीने की इच्छा है, तो बोले आप कैसे जिंदा रह सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि जब जब दर्द कम ना हो तो फिर दर्द के मजे लो, तो अगर आप दर्द में भी हैं और मजे ले रहे हैं तब आप जिंदा हैं। सही बात है, शायद अभी ऐसे कुछ आया था, ऐसा कुछ था, मैं भी अखबार में पढ़ा था। चलो मैं एक और बात बताता हूँ तुम्हें ना, जैसे एक चीज़ याद रखना जीवन में, हाँ जैसे अभी अभी जब मैं मालूम है कोचिंग ओपन करने की सोच रहा था, उसी टाइम की बात थी, तो मेरे को मैंने क्या होता सर, पहले मैंने एक शॉर्ट नेम दे दिया था अपना, PR मीणा करके, ठीक है, तो कुछ लोगों ने कंप्लेन किया, क्योंकि राजस्थान में ऐसा होता था कि भाई मीणा लोगों सब जानते हैं, तो मेरे को किसी ने बोला, सजेस्ट किया कि आप मीणा मत लिखो, मैं बोला भाई क्यों नहीं लिखूँ, ठीक है, तो बोले कि देखो अगर आपको मीणा लिखोगे तो आपको ये अज्यूम किया जाएगा कि ये मीणा है, तो भाई ये जनरल कैटेगरी को क्या पढ़ा पाएगा, सोचो मतलब लोगों की मानसिकता, तो मतलब सोचो जब शिक्षक को भी इस लेवल पे सोच लिया जाए तो इस दुनिया में क्या ही हो सकता, मतलब क्यों ऐसे भी
क्योंकि वो भी तो वैसे तो भीमराव अंबेडकर के संविधान भी नहीं मानना चाहिए था लोगों को। जो आरएसएस वाले क्यों नहीं मानते? अरे आरएसएस वाले क्यों, तुम्हें क्या लगता है आरएसएस वाले मानते नहीं है? कभी आरएसएस वालों से मिलना, वो तो साफ बोलते हैं कि भीमराव अंबेडकर द्वारा बनाया गया इसीलिए इनको फायदा मिला, इनको हटाओ, आरक्षण चेंज करने का प्लान है उनका, देख लेना मोदी थर्ड बार आने दो, आरक्षण का नहीं सेंध लग जाए तो मुझे बता देना, तो उतने वोटर्स भी तो खत्म कर लेगा ना फिर। अरे तुम लोग समझते नहीं, ये जो धर्म का जो राजनीति खेल खेल रहे हैं ना, इसमें फिर वो लोग फिर बोलते ना कार्ल मार्क्स का, कार्ल मार्क्स का जो स्टेटमेंट याद रखना जिंदगी भर, धर्म अफीम के समान होता है, फिर व्यक्ति अपना भला नुकसान भी देखना छोड़ देता है। ये तो सही है, ये हकीकत है, याद रखना। तो ये जो राम मंदिर, अरे जब राम मंदिर बन रहा था तो हमारे यहाँ से सब लोग चंदा कलेक्ट कर रहे थे, तो हमसे पूछा गया, हम कहे ऐसा हमको नहीं देना चंदा वंदा, आप लोगों को देना है तो दीजिए। तो एक सर है तो वो बोले भी कल को जब इतिहास लिखा जाएगा तो कम से कम कहीं किसी कोने में मेरा नाम होगा, हम कहे सर हमको नहीं चढ़वाना, आप चढ़वा दीजिए अपना नाम। अरे ठीक है, वो थोड़ा धार्मिक, मैं देखो मैं बता रहा हूँ एक चीज समझो, इसीलिए मैं मेरा मानना है कि देखो चंदा देना अलग बात है, लेकिन नीति करना, भेदभाव करके झगड़े कराना और उसमें भाईचारा खत्म करना, वो बहुत अलग वो मुद्दा है। मुद्दा है, मैं तो देखो जैसे मेरे से बड़ा तो ये पता है कैसा है, मंदिर को इम्पोर्टेंस देखो, मंदिर देखो मैं फिर बता रहा हूँ, मंदिर अपनी जगह ठीक है, पर उसके ऊपर राजनीति करना मंदिर ठीक है, लेकिन मंदिर पे राजनीति गलत है, वो गलत है, ये चीज समझो। मंदिर में जाके तो शांति मिलती है, सीधा पॉलिटिकल मुद्दा है। मंदिर तो मंदिर में कुछ है ही नहीं कॉन्सेप्ट, वो तो सीधा पॉलिटिकल मुद्दा है लोगों के दिल और दिमाग में उतरने के लिए, वो तो मंदिर से कॉन्सेप्ट तो बस दिखावे के लिए। तो मैं वही बता रहा हूँ कि जैसे मान लो कि किसी इंसान की समताओं को अगर उसके कास्ट के बेस में माना जाए तो मतलब सोच लो फिर उस देश का क्या ही होगा। तो मेरा कहने का मतलब, जब मेरे को आज भी मेरे लोग बोलते तो मीणा मत लगाए कर तेरा कोचिंग डेवलप नहीं हो, मैं बोला ठीक है यार कोई दिक्कत नहीं, मैं इतना ज्यादा नहीं सोच रहा, हम कराएंगे सिलेक्शन लेके क्या ही टेंशन लेनी। अरे मैं बता रहा हूँ कि मतलब कि सोचो कि माइन्यूट लेवल पे लोग किस तरीके की विचारधारा रखते हैं, क्या है क्या सोच है। वैसे तो दिव्य कीर्ति भी कोई सरनेम नहीं है, तो भी लोग तो फॉलोवर है ना विकास दिव्य कीर्ति को। दिव्य कीर्ति उसको सरनेम, वो कोई सरनेम थोड़ी है, क्यों दिव्य कीर्ति तो होता है, क्या बात कर रहे हो? उनका उनका पूरा उनका पूरा नाम दिव्य कीर्ति तो सरनेम है उनका। नहीं उनका पूरा नाम हम लोग को मालूम नहीं, हो सकता है कि उनका नाम विकास दिव्य कीर्ति के साथ कुछ और जुड़ा हो लेकिन उसको सर ने पॉपुलर नहीं किया, ये हो सकता है। अरे देखो मैं फिर बता रहा हूँ कि बार बार एक चीज याद रखो, देखो मुझे बताओ कि जैसे ध्यान समझना, चाहे आप किसी को भी ले लो, अगर मान लो कि विकास दिव्य कीर्ति है, नाम तो वही है ना, दिव्य कीर्ति क्यों लगाया उन्होंने? अरे मुझे नहीं पता, शायद हो सकता है भाई दिव्य कीर्ति लिखा जाता है, यार क्या बात कर रहे हो आप, उनका सरनेम है। हम कभी नहीं सुने, कोटवे भी नहीं सुने, मधुकर कोटवे लिखते हैं, तो विकास दिव्य कीर्ति तो हरियाणा के हैं, तो हो सकता है वहाँ कोई सरनेम चलता, मधुकर कोटवे भी नहीं सुने हम। अरे अरे आपने नहीं सुने मतलब ऐसे लिखे है, वो अस्तित्व नहीं होता। नहीं तो मैं पूछ रही हूँ, मैं यही कह रही हूँ, कुछ कह रही हूँ, मैं पूछ रही हूँ आपसे दिव्य कीर्ति के बारे में। दिव्य कीर्ति क्यों नहीं होता, स्टेटमेंट तो होता है, सरनेम होता ही है। अब नहीं मैं फिर मैं बता रहा हूँ, देखो एक चीज मैंने सुना है सर उनका इंटरव्यू में, यही दिव्य के सर विकास तो उनका नाम है ना सर। हाँ हाँ दिव्य कीर्ति उनका सरनेम भी तो लगाते हैं। हाँ तो सरनेम हो गया ना वो, तो वही तो मैं बता रहा हूँ, सरनेम तो है ना। मेरा कहने का मतलब है कि देखो समझो, अगर कहीं अगर आप इंसान की समताओं के कास्ट के आधार पर, तो फिर वही हो गया ना भाई, वर्णाश्रम सिस्टम जो उस टाइम भी जो आज गलत रूप चल रहा है, आज भी तुम वही चीज भाई, कोई व्यक्ति गुणों के आधार पर जाना जाना चाहिए, तो फिर वही होता है। जैसे मान लो पंडित का बेटा पंडित विद्वान शैली बन जाता है भाई, उसको अगर वो शिक्षा अर्जित करेगा तब बनेगा ना। तो यही जो चीज़ें हैं भाई, समझ पाता है, अगर मेरे अंदर भाई कैपेबिलिटी में पढ़ा सकता हूँ तो मैं पढ़ाऊँगा ना। अब मैं सोचूँ कि नहीं यार मैं तो ST का हूँ, अब मैं कैसे कोचिंग चलाऊँगा, प्लस समझो ये चीज़ें कहीं ना कहीं ये इंसान को अपंग बना रही है ना। मेरे कहने का मतलब देखो, ये चीज़ें मैं बहुत गहरी चीज़ों पर लेके जा रहा हूँ, पर तो समझो कि आज जो लेवल है वो छुआछूत, आपको लगता है कि यार देश में छुआछूत, पहली बात वो भी नहीं ख़त्म हुआ, परंतु ये जो अलग लेवल का जो छुआछूत जो मानसिक लेवल पे चल रहा है, अब इसको समझने वाले समझ सकते हैं। अब मैं भी सही बता रहा हूँ, मैं कभी समझा नहीं था, परंतु अब जो चीज़ें मेरे साथ बार बार घटित हो रही है, तो मुझे लगता है कि वस्तु में कि यार जीवन में साला मैंने ST में जन्म लेके क्या मैंने बड़ा पाप कर दिया क्या, मतलब ये समझो ये चीज़ें आप लोग समझ नहीं पा रहे। सोचो कि पहले जो जमाने में लोगों के साथ छुआछूत होती थी, लोगों को मान लो कि खाट पर नहीं बैठाया जाता था, सोचो वो एक भेदभाव था ना। आज भेदभाव ये है कि मैं ST का, तो मेरे को क्या बोले कोई
तो मेरा कहना मतलब तो मैं कहने मतलब है कि जो ट्रीट आज जिस तरीके से किया जा रहा है वो भी एक भेदभाव है, आप इसे समझो। तो ये चीज़ बहुत माइन्यूट लेवल पे है, परंतु ये है हकीकत। लोग इसको मजाक मजाक में लोगों के साथ भेदभाव कर रहे थे, पर रियलिटी में बता रहा हूँ ये बहुत बड़ा डिस्क्रिमिनेशन है, बहुत बड़ा डिस्क्रिमिनेशन है। इसी को लेकर जैसे मान लो सेम कॉन्सेप्ट था जब मायावती जब बनी थी ना, तो मायावती लेके ऐसा ही था कि ये क्या संभालेगी भाई साहब। भाई बात, उसी इंसान को उसी कास्ट के आधार पर देखा जा रहा है कि ये क्या ऐसे एसटी लोग क्या शासन चलाएंगे क्या है। मतलब आज तक की अवधारणा ऐसे रही कि भाई जनरल वाले लोग होते हैं, पंडित विद्वान लोग होते हैं, वही शासन प्रशासन चला सकते हैं। बीजेपी के राज में आप उठा के देख लो ये लोग किसको शासन प्रशासन देते हैं, कभी नेवर, कभी देते हैं कभी नहीं, नेवर। आप देख लेना बीजेपी के जो फ्यूचर में भी कोई सीएम वीएम ये ओबीसी को इसलिए दे देंगे क्योंकि वोटिंग शेयरिंग ज़्यादा है, पर कभी एस सी एस टी को दे दे तब मुझे बता देना कि पीएम जब ये एस सी एस टी को बना दे। अरे अभी तो फिर भी ठीक है, अगर योगी जी आने पाए ना पीएम बन के तो फिर देखे खाली भगवा लहराएंगे हर जगह बस और जीना मुश्किल कर देंगे सबका। ऐसा होगा ही नहीं, पहले बात ऐसा दिन आएगा ही नहीं। अरे यार वो बकवास बस मत पूछो, मैं भुगत रही योगी को। चलो ठीक है, वही ना वही तो बोल रहे हैं ना उनका वो मम्मी तो थोड़ा सा बस है। चलो ठीक है आगे बढ़ो। हाल ही में पारित महिला आरक्षण विधेयक बिल जो एक लंबे समय से लटका हुआ था पारित हो गया, लेकिन फिर भी उसके कार्यान्वित होने में एक लंबा समय है। जहां हम एक और महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, वहीं दूसरी ओर इस बिल के पारित होने में होने वाली देरी इस बात को भी प्रदर्शित करती है कि क्या हम सच में महिला सशक्तिकरण इस सशक्तिकरण विषय के बदलाव को देखना चाहते हैं या नहीं। यह बात होती है राजनीति इच्छा शक्ति की। इच्छा शक्ति भी गलत लिखा, ये सही लिखो ना। राजनीति में पुरुष ऐसे बदलाव को, अभी देखो बैक को भाई सही लिखो, नहीं तो बदलाव लिख रहा हो, महिलाओं को देखना चाहते हैं या नहीं। अक्सर देखो फिर यहाँ पे तुमने ना कॉन्टेक्स्ट भाई जोड़ो भाई। महिला अगर मतलब ठीक है भाई पॉलिटिकल राइट आपने दे दिया, मान लो कि बात कर रही है, मान लो कि ठीक है अमेंडमेंट पारित हो गया ठीक है, पर बात ये है कि क्या हम पहली बात तो महिला को चलो ठीक राजनीति तो कठपुतली बन रहे हैं, आज भी सरपंच पति बन रहे हैं उस टाइप के, सरपंच प्रधान हो रहे हैं पति प्रधान है मतलब ठीक है, तो वो जब वहाँ पे हम अवधारणा से कि क्या वहाँ पे वास्तविक महिलाएं पहुँच पाएंगे, तो पहले बदलाव जो देखने से पहले हम घर में शुरू करें, फिर हम जो गाँव लेवल पर पंचायत है उसमें शुरुआत करें, मतलब समझ रहे ना, तो उस तरीके से करना चाहिए था ना आपको। अक्सर बाढ़ के कारण भीड़ टूट जाने का, शहर में बरसात में नालियाँ जाम होने की, एक साल के अंदर ही नई बनी सड़कों के टूट जाने की खबरें सुनाई देती है, या मिड डे मील के जैसे चल रही योजनाओं में खाद्य सामग्रियों की गड़बड़ी समस्या सामने आती है। सामान्य तौर पर भ्रष्टाचार कहा जाता है, ऐसे होने वाले भ्रष्टाचार को उच्च पदों पर बैठे शासकों की नैतिक और शिक्षा मूल्यों पर सवाल खड़ा करते हैं, बल्कि जनता के द्वारा चुकाए गए टैक्स और मानव संसाधनों एवं भौतिक संसाधनों को दोगुना नुकसान करते हैं। इसके लिए आवश्यक है कि जिस बदलाव अर्थात एक नए भारत की तस्वीर जो हम देखना चाहते हैं उसके लिए व्यवहारिक और व्यावसायिक शिक्षा के साथ साथ नैतिक शिक्षा के स्तर को भी बढ़ाया जाए, ताकि हम ऐसे बदलाव जो दूसरों को देखना चाहते हैं। देखो फिर बता दूँ, कोरिलेट नहीं कर पा रही, आखिर लाइन लिखने का मतलब नहीं है, बात उसको मोल्ड करने का, मैं फिर बार बार बता रहा हूँ मोल्ड करने की बात, वो नहीं वो दिख रहा उसमें। अब फिर ये एक तो कनेक्शन तुम्हारा कहीं नहीं दिख रहा, मनुष्य होना नियति है और मानव स्वभाव और उसमें उठने वाले द्वंद मानव प्रकृति है। नियतों को बदला नहीं जा सकता, प्रकृति को बदलना हमारा अपना मानसिक स्तर और स्वभाव होता है। यह बात है उन दिनों की जब मेरे स्वयं की नौकरी के लिए मेरा चयन हुआ था और जिला ऑफिस में हमें जॉइनिंग लेटर प्राप्त करना था, पर जैसे ही सभी क्या है ये यहाँ पे थोड़ा कॉन्टेक्स्ट मिसमैच हो गया होगा। पर पहली बात आप शुरू क्या कर रहे हो, फिर जा कहाँ रहे हो, ये गलत है ना। जॉइनिंग लेटर उस लेटर को देने वाला अकाउंटेंट सभी में पैसों की मांग करता है, बाकी सभी अभ्यर्थी पैसे दे देते हैं, लेकिन मैं और कुछ लोग उसे पैसे देने से मना करते हैं और उच्च अधिकारी को शिकायत करने को कहते हैं, जिसके बाद वह हमारे ज्वाइनिंग लेटर दे देता है और वह हमने अपने कार्यालय सब कार्य करना शुरू कर देते हैं। इस घटना ने मेरे मन मस्तिष्क पर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा, भ्रष्टाचार न करने को, और आज लगभग 4 साल पूरे हो चुके हैं, इन 4 साल के कार्यकाल में मैंने कभी भी भ्रष्टाचार की कोशिश नहीं की। इसलिए ये देखो मैंने बोला था उस दिन के पर्सनल लेवल पे लेके मत जाना, आप खुद की प्रशंसा करवा रहे हो। प्रशंसा नहीं करवा रही, कोई कंटेक्स्ट नहीं सोच रहा था तो लिख दी थी, रियल लाइफ एग्जांपल था, स्टोरी बना के लिख सकते थे इसको, बचना चाहिए। ठीक है बहुत है ना कि कुछ ज्यादा ही अपने आप को महिमा मंडन कर रहे हो आप अपने लेवल पे।
वो आपको चेक करने से लिए आ रहा, आपसे पूछने से लिए आ रहा है कि आप कितने ईमानदार हो। ठीक है, तो ट्राई करो कि बताइए। यहीं से आ सकता है कि जो बदलाव हम दूसरे में देखना चाहते हैं पहले से लें। अब यहाँ पे क्या है फिर बता रहा हूँ, कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट इंपॉर्टेंट होता है। आप अपने बता दीजिए तो देख बता दिए, पर कैसे दूसरों में क्या बदलाव ला रहे हो आप। ठीक है, फिर ये मतलब कि कंक्लूजन नहीं लिखा आपने, ये कंक्लूजन ही है, मतलब मेरे हिसाब से कंक्लूजन है, गलत है तो सुधारेंगे नहीं, नहीं ऐसे ना, ऐसे नहीं होता ना। तो जैसे पूरे जो तो टॉपिक उठाए हैं ऐसे में पूरे पैराग्राफों में तो सब उनको कंक्लूड करके कर सकते थे कंक्लूजन। अरे नहीं देखो मतलब आखिर में आपको कंक्लूजन ये करना था कि जो बदलाव दूसरे में देख सकते ये गांधी जी तो कथन है, मतलब चाहो तो सामान्य सा मतलब निष्कर्ष लिखना चाहते इसमें ये लिख सकते थे कि जो गांधी जी का जो उपयुक्त जो कथन है उसे यही संदर्भ नजर आ रहा था कि पहले दुनिया कहीं पे, यहाँ पे मैंने आज एक कोट पढ़ा भी था कि जो दुनिया में बदलाव आप करना चाहते हो ना पहले स्वयं में लाए। ठीक है, या जो भी है मतलब, ठीक है, तो भाई कि प्रसिद्ध व्यक्ति ने भी ऐसा कहा है कि भाई जो चीज़ें आप दूसरों मतलब दुनिया में देखना चाहते हो पहले अपने अंदर लाइए वो चीज़। ठीक है, तो वही चीज़ है कि सबसे मेन इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये चीज़ अपने को ये सिखाती है कि अगर हम स्वयं में अगर कोई बदलाव ला सकते हैं तो वो बदलाव जो दुनिया में भी देखा जा सकता है। तो इसमें फिर आप कॉन्टेक्स्ट में जोड़ दो, अगर महिलाएं भी सोच लें कि हमें मान लो कि आज़ादी चाहिए, मान लो जो भी हम काम करना चाहते हैं, या मान लो महिलाएं जो है दहेज प्रथा है, या मान लो कि बाल विवाह है, ऐसी समस्या से अगर निकलना चाहते हैं तो पहले उनको अपने अंदर बदलाव करना पड़ेगा, उसके बाद में देश समाज में बदलाव कर सकते हैं। मतलब आपको कहीं ना कहीं उसको एंड तो करना ही पड़ेगा ना, कंक्लूड करो उसको पॉजिटिव एंड, फिर आखिर में बोलो कि अगर सब लोग अगर इस चीज़ों को फॉलो करेंगे तो बहुत देश बहुत अच्छा बन जाएगा, फिर सब लोग खुशी से गाएंगे सर्वे बंतु सुखिना सर्वे संतु निरामय सर्वे बद्धानी भजन माँ कच्छ दुख भागा। चाहो तो उससे एंड कर दो, चाहो तो उसको याद कर दो, एंड कर दो कि अगर सभी लोग खुशी होंगे तो ऐसे देश अच्छा बनेगा, और फिर सब लोग खुशी से गाएंगे सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुल इसकी गुलशिता हमारा। अगर और कोई अच्छी लाइन हो तो उसे कोट के साथ एंड करो ना, या अगर आपने कहानी से शुरू किया तो कहानी से भी एंड किया जा सकता। सोचो जब ये बात जब मानने लग जाएंगे तो लोग कैसा संसार बन जाएगा, वैसा भी एक काल्पनिक सा बना के भी आप कर सकते थे इसमें। देखो कनेक्टिविटी फ्लो वो की इनकी सबकी कमी है, तो मैं ज़्यादा नंबर तो नहीं दूँगा। ठीक है, पर आप कॉन्टेक्स्ट लिखा है, पर थोड़ा अभी बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। ठीक है, चलो पूजा है यहाँ पे, तब तो पूजा को कॉपी चेक करो। सो गई क्या पूजा? पहले तो भेजा कैसे इसने भाई, तीसरी दुनिया, इसमें कैसे पढ़ूंगा भाई। रोटेट करने का ऑप्शन है इसमें, रुको एक मिनट, रोटेट करने का ऑप्शन, ये उसी को भेजना चाहिए था ना रोटेट करके, अब ऐसे कैसे, रुको सीधा करो। पूजा है यहाँ पे, उसे मैं ट्राई बोलूँगा कि कल भेजे। पूजा पूजा, अरे जागो पूजा, जागो उठो पूजा, अरे पूजा कुछ बोलो। सुबह सो गई क्या? हो सो गई पक्का, दिन भर थकी रहती। अरे पूजा उठो, उसको कह दो आप ऐसा करना कि कल मुझे भेजना उसको सीधा पीडीएफ करके, कुछ तो बोलो। सुन रही है पूजा? क्या करो इसका, ऐसे हो सकता है कि वो रोटेट होता जा रहा है। ठीक है, इसे कल चेक कर लेंगे, और कल और कोई लिखो, कल फिर मैं एक आध कल भरत जयप्रकाश का ले लेंगे अपन। ठीक है, तो मैं एक करवाऊंगा, मेरा माना ज़्यादा चेक करवाओ तो ज़्यादा अच्छा है, ताकि तुम लोगों को। मेरा एक ही चेक हुआ था, एक मेरा होगा। तो आपने भेजा है कहाँ पे? चलो ठीक है, फिर कल मिलते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया, मतलब देखो मैं फिर बता रहा हूँ, अरे मैं फिर बता रहा हूँ, ये ऐसे की जो कमियां हैं आपकी तभी निकलेगी जब बार बार आप लिखोगे, और उसका और कोई तरीका नहीं। ठीक है, तो ये चीज याद रख लेना, ये कमियाँ तभी दूर होगी, मैं फिर बार बार बता रहा हूँ। नहीं लिखोगे ना तो ना तो कमियाँ पता लगेगी। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है ना, जैसे कभी देखना जहाँ पानी भरा रहता है ना, तो बहुत दिनों से पानी भरा रहता है, तो उसकी जो
गंदगी पता नहीं लगती, पर जब उसमें हाथ मारोगे ना तब पता लगता है कि कचरा ऊपर एकदम ऊपर आने लग जाता है। तो वही हाल है, जब तक आपके अब कमजोरी है तभी लगेगी, तुम लोगों को खुद को भी तभी पता लगेगी जब आप लोग लिखोगे आपके अंदर क्या कमी है, नॉलेज ये सारी चीज़ें, वर्तनी अशुद्धि हो रही है, वो जो कॉन्टेक्स्ट मोल्ड नहीं कर पा रहे हो ऐसे की थीम के अकॉर्डिंग, वो जब तक नहीं, मैं खुद बता रहा हूँ, जैसे अभी अब मैं भी बहुत दिन हो गए मुझे ऐसे लिखे हुए भी, तो मेरे को भी डर लगता है, मैं फिर बता रहा हूँ, अब जब तक मैं नहीं लिखूंगा तब तक मेरी कमी दूर नहीं निकलेगी, मुझे पता मेरे अंदर कमियाँ हैं, मैं फिर बार बार बता रहा हूँ, पर मैं फिर बार बार बता रहा हूँ, लिखोगे नहीं तब तक कोई कुछ समाधान नहीं है। वही हो रहा ना, गैप होता है तो फ्लो खत्म हो जाता है। हाँ, वो फर्क पड़ता है। देखो मैं भी जैसे 25 ऐसे लिख चुका हूँ मैं, पर फिर भी मुझे डर है, जैसे आज मेरे को डांट रहे थे कि तुम ऐसे ऐसे नहीं, मैं बोला मैं लिखा हूँ, बोला कि नहीं लिखा हूँ, मेरे को अभी हर वीक लिखना है, तो फिर आज मैं 2 कॉपियाँ खरीद के लाए, ऑप्शनल का भी चेक करवाना है, तो मैं देखो मैं फिर बार बता रहा हूँ, आपकी बार मैं सोच लिया हूँ कि भाई मेरे को कोई डांटे तो मैं उस व्यक्ति के पास जाऊँगा। पिछली बार कैसा था कि आशा मैडम के पास में जाता था, तो आशा मैडम ऐसा थी कि ठीक है कोई बात नहीं, मतलब वही बोलते थे थोड़ा पीटी पे ध्यान दो, ऐसे पीटी निकालो तुम्हारा निकल जाएगा, तो मुझे कभी डांटती नहीं थी, अब मैं ऐसे व्यक्ति के पास जाता हूँ वो मुझे डांट रहा है, ठीक है मैं और मैं फिर बता रहा हूँ ना, कबीर का वो श्लोक जीवन भर याद रखना कि निंदक के पास रहिए आप, आपके जीवन में जो आपकी तारीफ कर रहा हो उस लोगों से दूर रहिए, निंदक के पास जो आपकी कमियाँ बता रहा हो उसके पास जाओ, जीवन में अगर सफल बनना तो बहुत ज़रूरी है, कभी कभी जैसे आज मुझे बुरा भी लगा, ठीक है बहुत सारी चीज़ें उसने बोली ठीक है, पर मेरे को मानना कि यार वो सब चीज़ें साइड में करो, अपने को जो जो मेन चीज़ है वो करो, तो कभी कोई दिन भर कटाक्ष करता रहे तो आपके ऊपर कोई दिक्कत नहीं है, मतलब वही सही इंसान है। मैं फिर बता रहा हूँ यही चीज़ है, आप मतलब यही बोलते हैं किसी के पास टाइम नहीं है तुम्हें तंज कसने का, ये चीज़ याद रखो, नहीं नहीं है तो मतलब जिसके पास है तो फिर वो अच्छा इंसान है, मतलब समझो कबीर की भाषा में ये बात सही है, और मैं फिर मैं बता रहा हूँ ये चीजें सही है, उतनी तो कॉमन सेंस भी यूज करना होता ना कि क्या ज्यादा आती नहीं, जैसे मैं मेरे बता रहा हूँ जैसे नहीं चाहिए किसी हाँ, भी चीज में कभी कभी ऐसा होता है कि मेरे जीवन में बहुत सारे लोग ऐसे रहे कि जो हमेशा मेरे नेगेटिव बात करेंगे, परंतु जब मैं मान लो जब मैं पढ़ता नहीं हूँ ना, मैं सही बात मैं बता रहा ना, जैसे मेरे एक बार 2018 वाले टाइम की बात है, तो मैं घर पे गया था तो ऐसा था कि मैं गीता वीता पढ़ता था, तो वो मेरे को बोला था कि वो भी आईएएस की तैयारी कर रहा था, तो वो मेरे को बोला था तो ज़िंदगी में आईएएस नहीं बन पाएगा, तो मैं फिर वही बता रहा हूँ कि देखो उसको ऐसा लगा कि धार्मिक है ये, मेरे देखो मेरी धार्मिकता कभी किसी के लिए हानिकारक नहीं हो सकती, इतना मुझे पता है बस, जैसे मैं आज गांधी का एक कोट पढ़ रहा था, तो गांधी उसमें बोलते हैं कि देखो जैसे गांधी बोल रहा था कि मतलब कि जैसे मैं चाहता हूँ कि मेरा घर ऐसा हो कि चारों तरफ दीवारें रहे कोई दिक्कत है, पर खिड़कियाँ खुली रहनी चाहिए, खिड़कियाँ कभी बंद नहीं रहनी चाहिए, मतलब ये है कि हमें कभी भी दूसरे धर्म के बारे में जानना चाहिए, समझना चाहिए, अच्छी चीज़ें उसे अपनानी चाहिए, परंतु ऐसी भी कोई आंधी नहीं आनी चाहिए जो मेरे को उखाड़ दे, ठीक है, तो मतलब वही है कि भाई मेरे जो धर्म मान लो कि जो भी मेरी नैतिकता है जो भी है वो मेरे लिए है, ठीक, पर मेरी जो धर्म नैतिकता किसी नुकसानदायक नहीं होनी चाहिए, पहली बात दूसरों के लिए, और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि मैं कोई दूसरे धर्म से इतने इन्फ्लुएंस हो जाऊँ कि मैं अपने धर्म को ही छोड़ दूँ, वो चीज़ भी सही नहीं है, तो मेरा मानना है कि जब उसने ये चीज़ बोला जो भी है ठीक है, पर मुझे इतना पूर्ण भरोसा है कि आज ठीक है मैं सफल नहीं हुआ हूँ ये तो मैं मानता भी हूँ, परंतु तो इतना मैं गारंटी के साथ बता रहा हूँ वो यूपीएससी की तैयारी जरूर छोड़ के भाग चुका होगा। अच्छा, आप कभी एनालाइज किए हैं कि आप सफल क्यों नहीं हुए? देखो बहुत सारे कारण तो मैं तुम्हें लोगों को बता दी, जैसे मैंने आते विजन के 35 टेस्ट मैंने शायद 35 टेस्ट कभी दिए भी नहीं, ठीक है, तो मैं बता रहा हूँ ना, अब मैंने कल क्या बोला था, अगर आपकी बार मैं सफल होंगे तो यही रीज़न है कि मैं विजन के 40 टेस्ट दे लूँगा ईमानदारी से, यूपीएससी के जो 2011 से लेकर 2023 तक पेपर भी अगर मैंने ईमानदारी से सोल्व कर लिए, एनसीईआरटी ईमानदारी से मैंने पढ़ ली, ठीक है, और उसके बाद भी मैंने करंट अफेयर के अगर मैगजीन पढ़ ली तो हो जाएगा मेरा, अगर नहीं करूँगा तो नहीं होगा, मैं तो आप लोगों को भी यही बोलता हूँ, तुम लोग भी नहीं करोगे तुम लोगों को नहीं होगा, मैं अकेले बता रहा हूँ ये चीज़ याद रख लें, नहीं होगा, ये इतना मेरा एक्सपीरियंस है, तो गलतियाँ तो है ही ना, देखो मेरा मानना उसके अलावा देखो कुछ चीज़ें पर्सनल लेवल पे रहती है, पर पर्सनल लेवल पे मैं मानता हूँ कि शायद वो इतनी बड़ी दुविधा भी नहीं, अब देखो यार अब देखो लगभग मैं सोचूँ मैं यूपीएससी जर्नी में 23 साल से लेकर आज 29 साल तक का सफ़र कर चुका हूँ, तो बहुत सारी एक एज की उठापटक भी रहती है आचार विचार, वो देखो ये स्वाभाविक सी बात है, मैं नहीं मानता कि वो देखो यार वो जीवन का पड़ाव होता है, आज मैं जीवन में स्थिरता आ चुकी है, पर तो वो जीवन में नहीं थी, जोश भी था सब कुछ रहता है, भटकाव रहता है, तो कहीं ना कहीं मेरा मानना कि वो ठीक है जीवन में अगर ऐसी उसी कारण भी फेलियर झेलने पड़े तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरा मानना देखो फेलियर झेलना कोई बड़ी बात नहीं है, फेलियर झेलने से उल्टा ना मजबूती बनोगे,
अब बहुत सारी चीज़ें मैं खुद बता रहा हूँ, मैं शायद मैं अगर फर्स्ट एक आध दो अटे में बन के निकल जाता है इसमें, अच्छा है ऐसे अधिकारी नहीं बनता, मैं पूर्ण रूप से कह रहा हूँ ये मुझे पूर्ण दावे के साथ, पर मैं अब बनूंगा तो बहुत संतुलित दृष्टिकोण वाले इंसान में बनूंगा, और ये हो सकता तो बहुत अच्छा ऐसे अधिकारी बनूँ, मैं इतना मैं मानता हूँ। पर मैं इतना जरूर मानता हूँ कि मैं पहले दो अटे में बन के निकल जाता तो नहीं, एक अच्छा ऐसे अधिकारी तो कभी नहीं बन पाता, इतना मैं गारंटी साथ बता रहा हूँ। और जो आप लोग ना देखते हो ना कि जो फर्स्ट अटे में IAS बन गए हैं, अरे भाई बनना बात नहीं है, कभी है ना उन लोगों को आप जिंदगी भर फॉलो करके देखना, वो पक्का मैं बता रहा हूँ जिंदगी में बहुत बड़ी गलतियाँ करेंगे। आप है ना इन लोगों को बस बनने तक के सफर तक ही देखते हो, IAS बनने के सफर तक ही, IAS बनने के सफर के बाद में उन लोगों की जिंदगी देखो, कहे तो करप्शन में लिप्त पाए जाएंगे, या आपने जो कार्य है उसके प्रति ईमानदारी नहीं रहेंगे, करप्शन देखो एक चीज़ याद रखना, मतलब आप लोग मान लो जो करप्शन करा वो गलत है, भाई जो अपने दायित्व को भी निर्वहन अच्छे से नहीं कर रहा ना वो भी गलत है, हाँ क्योंकि आप पोस्ट को ऑक्यूपाई किए हो, और जो आपको पोस्ट को जो पावर है उसको अगर आप नहीं यूज कर रहे हो, आप लोगों को जस्टिस नहीं दिला पा रहे हो, आप चुपचाप अपने रूम में बैठे हो झूठ मार के सैलरी ले रहे हो, तो वो भी तो गलत है ना। तो मैं हकीकत बता रहा हूँ, आज आप लोग देखते हो जो लोग सफल लोग, मैं पक्का बता रहा हूँ ना, विश्वास नहीं होना जाके देख लेना, वही आज के दौर में ईमानदारी से सेवा कर रहे हैं जिन्होंने भाई अपने जुझारू अपने जूझे हैं अपनी ज़िंदगी में सफलता पाने के लिए जूझे हैं भाई, उन्होंने जो बहुत संघर्ष काली रातें सही है, वही लोग हैं जो समझते हैं दूसरों का दुख दर्द, नहीं समझते भाई लोग जो पहले अटे में इनमें बन के निकल जाते हैं। मेरा तो नहीं विश्वास हो ना, आप लोग जाके उठा के देख लो, जो अभी फर्स्ट अटेम में बन के निकल रहे हैं, सेकंड अटेम में बन के निकल, उनकी लाइफ देखो ना बाद में जाके। वही मैं बता रहा था कि 2015-16 का टॉपर जो 15वीं रैंक आई थी सुसाइड कर लिया, यही होता है। अब सोचो मैं इस दौर में 6 साल फेलियर के बाद में एटलीस्ट मैंने सुसाइड का भी, मेरा रियलिटी बता रहा हूँ, इतने 6 साल का टाइम हो गया मेरे, इतनी सारी चीज़ें सही, पर नेवर आई थिंक सुसाइडल अटेम, तो एटलीस्ट मैं इस लेवल पर तो पहुँच चुका हूँ कि यार मतलब लाइफ का इंपॉर्टेंस समझ चुका हूँ, फेलियर ही सब कुछ होना सही होता है। तो मतलब मेरा मानना है कि फेलियर से एक्सपीरियंस आता है, मन में आता है। हाँ? मेरे मन में आता है सुसाइड का सर कल ही आना तो मैं डंडे मारूंगा तुम्हें तो ऐसा देखो ऐसा नहीं होना चाहिए ना, सच में आता है, मजाक नहीं कर रही हूं, थॉमस एल्वा एडिसन का जब कभी नहीं आना चाहिए, जिंदगी कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो कुछ ना कुछ करने को ऑप्शन हमेशा रहता है। देखो मैं सही बता रहा हूं, जब देखो बात वही है मैच्योरिटी और सेटिस्फेक्शन लेवल की, अगर वो आ गया तो फिर हर चीज में खुशी है। हां जैसे मैं बता रहा हूं ना, जैसे कभी कभी ऐसा मान लो विचार, और मैं अगर मरूंगा ना सर, तो ये जो दो चार लोग मुझे डिप्रेस करने के पीछे लगे रहते हैं ना, कौन लगा रहता था पहले उनकी मैं पहले उनकी जिंदगी खराब करूंगा, वो मुझे अगले जन्म में भी मरने के बाद भी वो मुझे याद करता रहे, फिर मैं सुसाइड करूंगा, ऐसा नहीं करूंगा मैं पागल हो सही बात है, जो डिप्रेशन का कारण बने उनका कल्याण करके जाना है ना, तो ऐसा क्यों? अरे आप यकीन नहीं करेंगे, कल क्या वो मैं एक साड़ी लेके आई ना, बहुत अच्छी साड़ी थी, उसमें तिलक में पहनने के लिए फोटो डाला था तुमने, वो फोटो वाली तो दूसरी, वो तो दिवाली के लिए थी, शादी के लिए बुला रहे थे, तो मतलब वो वहां पे बहुत अच्छी लग रही थी, बहुत लाइट कलर था, अब घर पे ले आए, 2-3 दिन को भेज के उसे मतलब पूछे हम, तो बहुत लाइट कलर था उसमें, फोटो में समझ में नहीं थी, मतलब आधे घंटे हम लिटरली डिप्रेशन में थे, साड़ी कैसी 2600 की साड़ी ले आ ली है, वो अच्छी नहीं लग रही, उसमें फोटो अच्छी नहीं है, फिर आधे घंटे बाद जाके हम कहीं अपना दिमाग सही करें कि नहीं नहीं ठीक है, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे तो अच्छी लगने लगेगी, तब जाके मेरा दिमाग से नहीं, आधे घंटे वो लिटरली पूरी तरह डिप्रेशन में चली गई थी साड़ी के चलते, वो ऐसे में दिख रहा है आपके कभी कभी देखो ना जीवन में ऐसा नहीं है, देखो जब UPSC की तैयारी करते हो, और मैंने तो जैसे जीवन का एक ही ऑप्शन बना के रखा कि कहते UPSC होगा या फिर देखा जाएगा, मेरे को आज बोला कि तुम UPSC तैयारी छोड़ दो, पर 6 साल बोला है भैया आपको इतना कुछ, अरे मेंटर सोचो, मेंटर जो मेंटर उल्टा बच्चों को पॉजिटिव मोटिवेट करना चाहिए, बहुत गलत मेंटरिंग है, एक बार बायजूस, अरे ठीक है कोई दिक्कत नहीं, अरे कोई दिक्कत नहीं है ठीक है, तो मैं बता रहा हूँ कि जब उसने बोला कि तो फिर उसने बोला कि तुम जीवन में कोई ऑप्शन चूज कर लो, आजकल मेरे घर वाले भी बोलते हैं यार तुम क्या बात करो, मेरे घर वाले बोलते हैं उसमें क्या बड़ी बात है, ठीक है
तो फिर मैं उसको बोला कि वो बच्चों का वो देखना चाहते हैं अंदर से कि वो कितना मजबूत है ऐसे बोल के। तो मैं बोला कि नहीं, मेरा लास्ट एंड फाइनल यही ऑप्शन है। तो कभी कभी देखो ना जीवन में यार, मेरे को भी तो लगता है ना संकट, तो देखो यार ठीक है मैं भी इतना नॉर्मल रहता हूँ, ठीक है अपन ऐसा नहीं गंभीर भी तो रहता ही हूँ कभी। इतना नॉर्मल रहता हूँ तो मतलब गंभीर भी रहता ही हूँ, ठीक है। तो कभी कभी जब कभी टेंशन होता, हाँ होता ही है, वो स्वाभाविक सी बात है, नॉर्मल यार। अभी संजय भैया आए थे ना मिलने, संजय भैया हम लोग गए थे ना, बोल रहे थे बोल रहे थे कि मतलब अभी ठीक है छोटी, अभी तुम्हारे भैया की शादी हो जाएगी, तुम्हारा ये 29 क्रॉस होगा, तब तुमको लगेगा कि सारी चीजें कैसे बैलेंस करनी, फिर आगे बहुत मुश्किल होगा अकेले ना, वो समझा रहे थे। इतना इजी नहीं रहता ना लाइफ में, मैं बता रहा हूँ सुनो। तो मतलब मेरा कहना मतलब कि जब मुझे भी कभी विचार आता है ऐसे यार मैं क्या करूँगा, कभी कभी मैं भी सोचता हूँ कि यार चलो ठीक है यूपीएससी देखो होगा नहीं होगा कोई नहीं जानता, ठीक है। मैं मान लो कि मैंने ये कंडीशन सोचा नहीं हुआ चलो ठीक है भाई, दूसरा ऑप्शन क्या है, इस मार्केट में मैंने करके देख लिया, अब ये काम में तुम्हें उतरना नहीं है कि भाई दृष्टि में मैं जाके एम्प्लॉय बन जाऊँ, वो तो मैं करूँगा नहीं। अब इतना समझ में आ गया क्यों ये काम, मैं जिंदगी में एक बार जहाँ से आगे बढ़ जाता हूँ वहाँ में नहीं जाना, ठीक है उसको तो अपनाना नहीं चाहिए, वो सही पे मजबूरी में पे जिंदगी जीना वो हल हो जाता है। तो मैं सोचता हूँ कि चलो ठीक है कभी कोचिंग चला लेंगे, तो वो लग रहा है आशा तो दिख भी नहीं रहा कि ठीक है कोई मजबूती। फिर मैं सोचता हूँ कि चलो ठीक है इससे भी बुरी स्थिति, मान लो कोचिंग भी नहीं चला फिर क्या करेंगे, फिर मैं सोचता हूँ कि ठीक है कोई बात नहीं अपन पढ़ाई वढ़ाई छोड़ के फिर कुछ और देखेंगे, खेती वेती गांव में कुछ खेती वेती है नहीं वो भी नहीं कर सकते, ठीक है। अब बचा क्या ऑप्शन, फिर मैं सोचता हूँ चलो ठीक है कोई बात नहीं, साधु संन्यासी वाली ज़िंदगी भी जिए हैं भाई, मैंने प्रैक्टिस किया है तो मैं जी भी सकता हूँ, ठीक है। एक तो वो स्थिति मान लो चलो ठीक है मैं उधर भी सक्सेसफुल नहीं हुआ, मतलब ठीक है यार अपनी डिजायर रहती है, मान लो वहाँ पे भी मान लो कि मैं उस लायक ही नहीं हूँ इन्वायरमेंट में रहने लायक, तो चलो ठीक है वो ऑप्शन भी खत्म हो गया। फिर मैं सोचता हूँ कि यार मैं क्या कर सकता हूँ, तो फिर मैं सोचता हूँ कि चलो ठीक है मैं भीख मांग के भी तो पेट भर सकता हूँ ना, मतलब मैं अपने आप को मतलब एक होता है ना लोवेस्ट लेवल पे भाई ये काम तो हो सकता है। ये काम हो सकता है फिर क्या टेंशन, मतलब मेरा कहना मतलब कि जब आप अपने आप को एक एडवर्स से एडवर्स सिचुएशन में देख लेते हो और वहाँ पे भी पाके आप अपने आप को खुश पाते हो तो फिर सोच लो फिर टेंशन नहीं है। मैं बताऊँ जो लोग सुसाइड करते हैं या मान लो जिन लोगों की ज़िंदगी में परेशान रहते हैं वो लोग कहते हैं थोड़ा सा भी अपने जैसे मान लो आज है और इस स्थिति से थोड़ा सा भी बिलो जाने की सोचते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि यार मैं ये जीवन कैसे जीऊँगा, तो वो लोग सुसाइड करते हैं। तो मैं जैसे मैं अपने जीवन को मैं सोच के रखा हूँ एकदम, मान लो कि अगर मेरे जीवन खराब से खराब भी हुआ तो आखिर में क्या ही होगा, मुझे कोई कपड़ा पहनने को ज़्यादा शौक है नहीं, मान लो कि मुझे ज़्यादा ऐसा कोई पैसों का कोई शौक है नहीं, क्या ये नॉर्मल इंसान लेकर रह के ज़िंदगी जी लेंगे। तो मेरा कहना मतलब कि जब इस लेवल की थिंकिंग रहेगी तब कभी दिक्कत नहीं होगी लाइफ में। अगर आपके भाई बहुत ज़्यादा सपने हैं कि नहीं मैं तो फरारी में घूमूं, ये मेरा सपना था मैं आईएएस नहीं बनती, ये हो गया ये हो गया, तो ये लोग ऐसे लोग जो रहते हैं वो परेशान रहते हैं, जिनके ड्रीम्स बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं, एक्सेप्टेशन लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है, रियल लाइफ से बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेशन हो जाती है। और मैं हमेशा डाउनवर्ड सोचता हूँ कि मैं डाउन कितना से कितना जा सकता हूँ, मैं आखिर में सोचता हूँ कि मैं नॉर्मल मतलब भिखारी बन के भी मैं जीवन जी सकता हूँ, तो फिर क्या ही घबराना। तो फिर क्या ही टेंशन। हाँ पर मैं इसमें फिर कभी कभी ये मन में आता है कि भाई अपने जब मान लो शादी करोगे तो फिर कैसे करोगे, वो तो नहीं कर पाओगे ना, तो फिर मैंने सोचा कि शादी नहीं करेंगे। देखो मेरा मानना क्या है, जब तक स्टेबल नहीं होना चाहिए शादी नहीं करना चाहिए, सीधी सिंपल सी बात है, क्योंकि आप अपनी लाइफ के कारण दूसरों की लाइफ खतरे में नहीं डाल सकते। या ही कहता है भाई सबाई सी बात है कि कैसे, तो आप उस लाइक कैपेबल बनो कि भाई सबाई सी बात है, जैसे मान लो होता ना भाई जैसे बाइक चला रहे हो आप, मारो फोर व्हीलर चला रहे हो, तो भाई उस कुर्सी पे तभी बैठो जब आपको चलाना आता हो, नहीं तो जो उसमें जो बैठे हैं ना वो तीन चार लोग फैमिली के मेम्बर, उसको भी लाइफ खतरे में डालोगे। तो वही है कि भाई शादी करो ही मत अगर उस अकॉर्डिंग कैपेबल नहीं होता। मेरा तो सीधा सिंपल सा फॉर्मूला, अभी जैसे घर वाले दबाव डालने लगे पर मैं सिंपल सा बोलता हूँ कि भाई शादी करना ही नहीं, जब कैपेबल ही नहीं है तो क्या करेंगे। इसलिए मेरा मतलब यही मैं बता रहा हूँ, जीवन में अगर इस तरीके की विचारधारा रखो कि भाई भाई सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, तो जीवन में कभी दिक्कत नहीं होगी। अगर तुम्हारी तुम लोगों की थिंकिंग ही बहुत बड़ी है, ये है फलाना ढिकाना, तो वही परेशानी रहोगे फिर। सपनों में जीने से अच्छा है वास्तविकता के हर पहलू को टटोल लिया जाए। हाँ वो वही मैं बता, लोवेस्ट लोवेस्ट सोचो, मैं तो सोचता हूँ मैं भिखारी, और मैं हकीकत बता रहा हूँ, तुम लोगों ऐसे मजाक लगता होगा कि सर भीख मांग, मैं हकीकत बता रहा हूँ मैं रह सकता हूँ। मतलब देखो इगोइस्टिक रहोगे ना तो जीवन में कुछ कर नहीं पाओगे, मतलब पहली बात ऐसी स्थिति आएगी नहीं, बाय द गॉड लक। देखो एक चीज़ याद रखना, रात कितनी भी लंबी हो कितनी भी गहरी हो पर सुबह ज़रूर होती है, तो ऐसा नहीं यार साला ज़िंदगी भर ऐसा पल रहेंगे, कुछ ना कुछ तो होगा, इतना तो होगा कि जीवन सम्मानजनक तरीके से जिया जाएगा, ये याद रखना। अरे मेरा माना है पर्सनली है ना, ज़िंदगी सबको एक बार मौका देती है, बस यही है कि उस मौके का तुम तब तक इंतज़ार कर सकते हो नहीं कर सकते, पेशेंस है या नहीं है, तो वो सारी चीज़ें हैं, ठीक है। चलो सब सो जाओ फिर, अब बाय बाय, गुड नाइट, मिलते हैं फिर कल, ठीक है।
कल लिख के लाओ, मैं फिर बार बता रहा हूँ, ऐसे लिखोगे तभी तो ने विजन के लिए पूछा है, क्या विजन के लिए कुछ था ना मैसेज? देखो मैसेज कैसे देखते हैं मुझे तो ये भी नहीं पता। अरे इनकॉल वाले में जो तीन डॉट है ना उसमें जाके इनकॉल मैसेज। कौन सा पेपर है? सीसीएट का सना, क्लास की बुक है नगीना। ओके सना, मैं माइक बंद हो रहा है, क्या ले रहा है क्या नहीं खुद पर, उनके घर सच में ज़्यादा खुला है। विजन टेस्ट का एनालाइज कैसे करें? अच्छा, हाँ ये पूछ भी रही थी, मैं इतनी बार बताया था तुम लोगों को। चलो ठीक है, बता देता हूँ दोबारा। उस दिन बताया तो अच्छा, ऐसे ऐसे चेक कब तक होगा वैसे? जनवरी वगैरह बंद हो जाएगा चेक होना? ऐसा कुछ नहीं, मैं तो चेक करूंगा ना, मैं किस लिए बैठा। पर मेरा मानना कि लिखोगे तो अभी ज्यादा लिख लोगे ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, अब एक हफ्ते तो उधर टाइम है, कोशिश करते हैं। कल परसों छुट्टी है 17 को, फिर तो 17 को देखते हैं, इलेक्शन है तो। पीटी वाला टेस्ट सीरीज मैंने किधर भेजा था? अच्छा मुझे भी पूछना था, आप कह रहे थे ना कि डायमेंशनल अप्रोच आने से सर की कॉपी में भी थी, रवि सिया वाली में, वो लाई कैसे जाएगी? मतलब कि वो सोचने से तुम्हारा जो ब्रेनस्टॉर्मिंग का जो तरीका है ना, मैंने बोला था ना उस दिन, जैसे मान लो कि तुम ऐसे जब मान लो लिखने सोच रहे हो तो पहले सोचो कि एंशेंट में कैसा क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं, मेडिवल में, मॉडर्न में, पोस्ट में, फिर इंडियन सोसाइटी में हो, सोसाइटी में वुमेन। जैसे एक जैसे इन्होंने लिखा ना नम्रता जी ने, तो मुझे ठीक लगा कि भाई सब सारी चीजों को तो लिया ही है इन्होंने, छोड़ा तो कुछ भी नहीं है ना। हाँ मतलब ठीक है, मेरा थोड़ा इनका ये क्या थोड़ा ऊपरी स्तर पे करके चली गई, ऐसा नहीं होता। जब एनालाइज करो थोड़ा डीप पहुंचो, डीप में मैंने उस दिन भी बोला था, एक तो एक चीज रखना, एक हॉरिजॉन्टल होता है ठीक है, एक हॉरिजॉन्टल डिवीजन होता है, एक वर्टिकल होता है ठीक है। ये क्या वर्टिकल वर्टिकल करते जा रहे थे आप, उस जैसे मान लो कि इकोनॉमी में जा रहे हो या बालो वुमेन के बारे में लिख रहे हो, तो भाई हॉरिजॉन्टल जाओ। वुमेन में भी तो बहुत सारी वुमेन होती है ना, एजेड होती है, बच्चे छोटे बच्चे होते हैं, गर्भवती जो महिला मतलब गर्भ में महिला को मार दिया जाता है, वो महिलाएं भी तो होती है ना। तो मेरा कहना मतलब कि ये चीज़ मैंने ना देवेंद्र सर उसने उन्होंने बताया ये चीज़ कि भाई आप एक तो वर्टिकल तरीके। कौन है ये देवेंद्र सर? अरे मैंने बताया था सेशन हुआ था। अरे नहीं, मैंने बोला था ना कि शायद मैं उनका सेशन करवाऊंगा आगे, उन्होंने चार बार यूपीएससी का मेंस लिखा है। अच्छा हाँ, हिंदी मीडियम वाले हैं ना जो पीसीएस के, धर्मेंद्र जाकर सर? अरे धर्मेंद्र जाकर नहीं, देवेंद्र सर मेरे दोस्त है, वो मेरे दोनों दृष्टि में काम कर रहे थे, तो उनके ऐसे में ऐसे नंबर 144 के 140 तक भी आए हुए हैं ठीक है। तो वो बहुत अच्छा लिखे, तो उन्होंने ये चीज़ बताई थी कि आप मतलब कि एक तो वर्टिकल होता है, जैसे अभी जो इसने किया नर्मदा ने किया वो वर्टिकल डिवीजन है, पर आपको हॉरिजॉन्टल भी जाना होता है अगर जा सकते हो, वो आपके एबिलिटी पे है। अरे सीखना है, एबिलिटी तो लानी होती है ना, योग्यता तो जब पता चलेगा कमी फिर धीरे धीरे सीखेंगे ना, अभी तो कोई वही नहीं है, कोई गाइडेंस ही नहीं है ना मेन, मतलब अभी तक नहीं था, आपके आने के बाद से है बदलाव का पहले दिन से। ठीक है मतलब करो प्रयास करो, मैं फिर बता रहा हूँ मैंने क्या बोला था, 50 ऐसे लिखोगे तब जाके उस लेवल पर मतलब पहुँच जाओगे, उससे पहले भी, पर मैं बता रहा हूँ कि मिनिमम क्राइटेरिया मान के चलो। ठीक है तो ये चीज़ है अपने। हाँ सुनो, देखो रिदीता देखो, तो मान लो जैसे मान लो ये क्वेश्चन है, ऑफिस में कितनी महिला नेतृत्व भारतीय संविधान सभा की सदस्य थी ठीक है, तो एक चीज़ याद रखना, मैं पहला क्वेश्चन लेता हूँ, फिर उधर बहुत पीछे जाना पड़ेगा। ठीक है अब जैसे मान लो कि आपने पहले क्या करना, चुपचाप बैठ के 2 घंटे इस पेपर को देना है ठीक है, और ओएमआर विथ ओएमआर शीट में, फिर बता रहा हूँ आप लोग गलतियाँ करते होंगे, ओएमआर शीट से नहीं देते होंगे, ये गलती नहीं करनी है, तो विथ ओएमआर शीट करना है पहली बात, क्योंकि है ना तुम लोग ऐसे करोगे 2 घंटे बैठ के दे रहे हो ओएमआर शीट, भाई 15 मिनट लगते हैं। 2019 वाले देखो, मैं एक एक अटैम्प का बता रहा हूँ, 2019 वाले अटैम्प में ऐसा हुआ था कि 2018 वाला अटैम्प तो ऐसे निकल गया ठीक है, उस टाइम मेरे 100 क्वेश्चन भी नहीं हुए थे। 2019 वाले अटैम्प में जब मैं देने गया तो जीएस का पेपर था, गर्मी का माहौल उस टाइम 2 जून में हुआ था एग्जाम, तो क्या हुआ कि मुझे उस टाइम मैंने क्या किया, करते गया क्वेश्चन, मैं सोच के गया था 100 क्वेश्चन करूँगा, 100 क्वेश्चन मैंने कर लिए, मतलब मेरा ऐसा था कि मैं शायद एक दो अटैम्प मतलब एक दो बार पेपर घूम चुका था, फिर आखिरी में गोला बने आखिरी में बचा था आधा घंटा, और मेरे हाथ धूझने लग गए थे कि अब मैं तो गोला भरा ही नहीं, तो फिर मेरे इसी कारण सोचो उसी टाइम 3-4 क्वेश्चन गलत हुए, क्योंकि घबराहट हो गई थी, अब समझ में आ रहा है क्वेश्चन करूं या पहले घोला भरूं,
तो फिर मैंने गुना बोला शुरू किया, तो ऐसे गलतियाँ होती है, मैं फिर बता रहा हूँ। दूसरी बात, एक मेरे सीनियर है, अच्छा दोस्त, तो कभी कभी उनका सेशन करवाऊँगा अपन, तो पता नहीं कहाँ भी रहते हैं आजकल, ठीक है सुनो। तो उनके मैं बता रहा हूँ उनके अटैम्प का, क्यों मैं बोल रहा हूँ कि ओमर के साथ गोला बनना, ठीक है। तो उन्होंने उन्होंने यूपीएससी की जर्नी शुरू की थी 2013 के पास आउट है मेरे कॉलेज से, तो 2014 या 2015 में शायद पहला अटैम्प दिया था, पहला अटैम्प में ऐसा हुआ कि पीटी नहीं हुआ, ठीक है। फिर 2016 में पीटी हो गया, मेंस लिखा, क्वेश्चन छूट गए। 2017 में फिर से पीटी नहीं हुआ, ठीक है। 2018 वाले में हुआ पीटी, ठीक है। 2019 में फिर से पीटी नहीं हुआ, रीज़न पीटी नहीं होने का, 2019 वाले ध्यान से समझना, पीटी नहीं होने का कारण था इसमें, इन्होंने क्या किया, जब गोला भर रहे थे तो गोला भरते वक्त ऐसा हुआ कि जैसे 93 मान लीजिए क्वेश्चन 94 है, तो 93 गोला 94 में भर दी, तो ये गलतियाँ होती है। तो ये गलतियाँ ना हो, सोचो इन्हीं कारण, इसके कारण पीटी नहीं हुआ। फिर ऐसा हुआ आखिरी के तीन अटैम्प में, फिर 2019 वाले में इस कारण से जीएस अटक गया, 2020 और 21 इसी कारणों से नहीं हुआ, सीसीएट के कारण से। सोचो अरेन क्या ना, जब 2016-17 में जब दे रहे थे सीसीएट में, इनके 150 नंबर आते थे, सोचो आखिरी में ऐसा हुआ कि फिर 2022 वाला जब आईएफएस के लिए दिए इंडियन उसके फॉरेस्ट सर्विस के लिए, तब भी सीसीएट नहीं हुआ, लगातार 3-4 साल सीसीएट नहीं हुआ, इसके जीएस निकल रहा था हर बार, सीसीएट नहीं हुआ, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। तो एक जब 2019 वाले अटैम्प में जब ये गोला भरने की मिस्टेक के कारण इन्हें सोचो उस टाइम नहीं हुआ था, नहीं तो शायद प्रॉपर आईएएस भी बन जाते, मतलब उन बंदे के अंदर एबिलिटी थी, सब कुछ था। तो मैं कहना बता रहा हूँ, देखो बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें जीवन में है ना, शायद आज जैसे कोई मेरे से डिस्कस भी कर रहा था कि ये छोटी छोटी चीज़ें होती है आपका ना राजयोग, आपको भाई ये छोटी छोटी चीज़ें ना काम करना पड़ेगा, नहीं तो आप हो सकते हैं कि उस पोस्ट के लिए लायक हो, सब कुछ हो, परंतु ये छोटी छोटी चीज़ें, गलतियाँ आपके पूरे करियर को बर्बाद कर सकती हैं। तो याद रखना, उतना ही सचेत रहना चाहिए, ठीक है। अब सुनो इधर, जैसे मान लो ये पहला क्वेश्चन है, ठीक है, आपने अटेम्प्ट किया, मान लो कि अनुच्छेद 1 में इंडिया को भारत के राज्य के रूप में उपबंधित किया गया, जो राज्य और संघ का राज्य, ठीक है। तो ये पहला भी स्टेटमेंट गलत है, दूसरा भी गलत है, ठीक है। तो मतलब आंसर तो इसका ऐसे डी हो गया, ठीक है। अब यहीं नहीं छोड़ना, अब इसका सॉल्यूशन पढ़ो कि ये दोनों स्टेटमेंट गलत क्यों है, और उसको सही करो यहीं पे काट पीट के, समझ में। तो ये एनालाइज करना है, फिर उसके बाद में मान लो ये क्वेश्चन है, अब मान लो कि 1942 में कौन कौन से दिए हैं, तो भाई इसमें ऐसा हो एक आध इधर उधर दिया हुआ है, तो उसके आगे लिखो भाई ये कौन से में है, ठीक है। तो वो ऐसे काम करना पड़ेगा आपको, तो ये कैसे करना पड़ेगा ध्यान देखो, आप सॉल्यूशन पढ़ोगे, ठीक है। अनुच्छेद देखो, अब ये पहला स्टेटमेंट गलत दिया हुआ था, तो अनुच्छेद 1 में इंडिया था, भारत राज्य संघ के रूप में उपबंधित किया गया, इसलिए 1 का, तो वहाँ पे जाके लिख लो भाई क्या लिखा गया और क्या वहाँ पे क्वेश्चन में दिया था, ठीक है। फिर ये पढ़ो इन्फॉर्मेशन, कि ये इन्फॉर्मेशन जो आपको दिया है, अगर नहीं पता तो भाई पहली बात तो सीखो, अगर आपको यही नहीं पता तो इसको सीखो, अच्छे से समझो इसको, अगर जहाँ जरूरत है लिख लो भाई क्या आर्टिकल, मतलब शॉर्ट में लिखना है, ऐसे पूरा कॉपी पेस्ट नहीं उतारना है, तो आर्टिकल 1 लिखो, डायरेक्ट लिखो राज्य का राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र, ऐसे नहीं रह सकते, बस शॉर्ट में जितना शॉर्ट में लिख सकते हो। पर मेरा मानना चाहिए, अगर अगर देखो एक चीज़ याद रखना, अगर आपने जैसे मान लो एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है, कोई क्लास नोट्स नहीं पढ़े हैं, तो फिर मेरा मानना है कि भाई पहले इनको रखो साइड में, पहले अपने जो बेसिक्स बुक हो उनको पढ़ो। अगर आपने मान लो बहुत बार लक्ष्मीकांत पढ़ लिया है, ठीक है, या आपने क्लास नोट्स पढ़ लिया है, एनसीईआरटी पढ़ लिया है, फिर उसके बाद में, क्योंकि फिर आपको क्या होगा ना, जैसे ये मान लो यही सॉल्यूशन है, इसमें बहुत सारी चीज़ें पता होगी, तो बहुत ज़्यादा चीज़ें लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि देखो जिनके साथ ये दिक्कत हो रहा है, जैसे सना तुम, सना तो शायद भाग गए ना, अब जिसको ये दिक्कत हो रहा है कि मैं इसमें सब कुछ चीज़ें लिखने का मेरा मन कर रहा है, इसका मतलब है आपका बेसिक बहुत कमज़ोर है, ये चीज़ याद रख लेना। तो इससे अच्छा है कि आप, मेरा सवाल है, मेरा सवाल है, हाँ बोलो, ये हार्ड कॉपी में जो पेपर दे रहे होते हैं ना, सॉल्यूशन पेपर दे रहे, पेपर देने की बात कर रही हूँ मैं, तब हमारा जब दिमाग एक्टिव होता है ना, तो वो ज्यादा काम का होता है, ठीक है। इसके अलावा पेपर चेक कर लिया हमने, हमें पता चल गई कि इतने मार्क्स आए हैं, इसके बाद हम इसका रिविजन कर रहे हैं, इसको आंसर में से देख देख के, ठीक है। अब जब हम दोबारा पेपर को वही सेम पेपर दोबारा पे लेकर बैठते हैं ना, तो मुझे तो क्वेश्चन तो नहीं पता नहीं समझ में आता है या नहीं, पर आंसर जरूर रट जाता है, तो दोबारा क्यों देना, फिर सीधे का आंसर होता है, तो दोबारा क्यों देना। और जब फोन से देते हो ना, मैं वापस से ठीक है बैठे, कहीं वैसे बाहर बैठे होते हैं, तो बोलते चलो देख लेते हैं पेपर,
कौन से देखती हूँ वही सेम क्वेश्चन, फिर वो नया लगता है कि यार इसमें क्या आंसर होगा, इसमें गलत नहीं हो जाए तो दोबारा क्यों देने की सोचते हो? समझ रिवाइज करने के लिए ठीक है, रिवाइज करने के लिए नहीं क्या? अरे हाँ समझ गया मैं, ठीक है वो दिक्कत आ रही है तो भाई स्वाभाविक बात है। मतलब पेन चला हुआ दिख जाता है ना मुझे, तो मुझे लगता है तसल्ली होती है और दिमाग को भी पता रहता है कि हाँ भाई पढ़ा है चलो ठीक है। और जहाँ पेन नहीं है ना बिल्कुल कोरा कागज है तो वहाँ तो ऐसा प्रेशर लगाना पड़ता है कि भाई यही है कि नहीं है। पर कहीं ना कहीं यूपीएससी एग्जाम यूपीएससी एग्जाम ऑफलाइन होने के कारण यही है, छप जाते हैं दिमाग में। और जो लास्ट में 150 के बाद के होते हैं ना उनमें असलियत पता चलती है, इतना पता चला है दिमाग को। होता है। इसका क्या सॉल्यूशन है? अरे उसे घबराओ तो मैं वो, मतलब बोलते हैं ना कि आपका छदम मानसिकता है वो, ऐसा कुछ नहीं, अपने जो दिमाग है बुद्धि उस पे भरोसा रखिए, ठीक है घबराओ। मैं 30 क्वेश्चन बनाता हूँ, पता है सर उसका आंसर की मिला लेता हूँ, फिर 30 क्वेश्चन बनाया उसका आंसर की मिला लिया। ये गलत तरीका है अमित, गलत तरीका है, बहुत गलत तरीका अपना रहे अपने हमारी मार्किंग कम थी तो फिर हम नहीं देखे थे पीछे, मतलब हम फिर ये था कि एक बार फिर पेपर देंगे तब उसका सॉल्यूशन अच्छे से पढ़ेंगे, जब तक मार्क्स नहीं मिल। 10 साल का प्लान बना रहे हो तुम लोग भाई, जो 10 समझो या खेल बता रहा हूँ भाई। एक तो अमित तुम्हें गलती छोड़ दो, ये क्या बहुत गलत तरीका है, मैं पक्का बता रहा हूँ तुम 2 घंटे बैठ के यूपीएससी पेपर सॉल्व नहीं कर पाओगे एग्जाम में, ये अपने पैरों पर खिलाड़ी मार रहे हो तुम लोग। मैं क्या बोला हूँ देखो, मैंने खुद के भाई साथ क्वेश्चन देख के साथ के साथ उसका आंसर देख के हाँ क्या क्या कह रहे हैं अमित भाई? अरे अमित ये करता है 30 क्वेश्चन देता है फिर 30 क्वेश्चन का आंसर देखता है। अब सोचो अपने पैरों पे खिलाड़ी नहीं मारे ये लोग, ये तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस जैसे हो गया। गलत है भाई ये, बहुत गलत है। उसमें 30-40 क्वेश्चन तो होते हैं, जैसे मैंने उसको किया था ज्योग्राफी का किया था मैंने ईयर वाइज 2013-14 का, तो उसमें इतने क्वेश्चन निकल रहे थे 40-42-32 क्वेश्चन दोनों ये 2 ईयर का निकाल के, तो उसमें हो जाता है कि तो 2 ईयर का करके कर लो, पूरा पेपर देना पड़ेगा यहाँ तो विजन वाला दृष्टि वाला। अरे 2 घंटे बैठ के दो ईमानदारी से, ठीक चलो रिद्धि समझ में आ गया। अगर तुम्हें दिक्कत ये आ रही है कि तुम सारा लिखने का मन कर रहा है तो इसे मतलब तुम्हारे जो बेसिक्स है वो कहते, तो इससे अच्छा कि एक बार लक्ष्मीकांत पढ़ो, 1-2-3 बार पढ़ो, 3 बार तो पढ़ना चाहिए किसी बुक को तभी थोड़ी यूटिलाइजेशन, तब जाके फिर इस पर आओ। नहीं तो ऐसे तो अगर तुम सोच रहे हो कि मुझे ये भी नहीं पता ये भी नहीं पता तो फिर दिक्कत हो जाएगी, तो ये चीज़ याद रखना। ऐसा तो नहीं है तो फिर एनालाइज मैंने बता ही दिया कि जो मान लो जो स्टेटमेंट गलत रहता है उसको सही करो बस, और कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिल रही है आपको, सीखने को मिल रहा है जो आपको नहीं पता है तो लिख लो। अब जैसे मान लो मैंने ये क्वेश्चन किया ना, अब मुझे इतना पता था कि सुचेता कृपलानी है, उषा मेहता तो नहीं है, ये नहीं है, ठीक है, अब मुझे इन दोनों के बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं है। अब तो मैंने जब इसका सॉल्यूशन पढ़ा तो मैंने लिख लिया भाई, जैसे ये पहली ये एकमात्र मुस्लिम महिला थी जो उस टाइम थी, ये ऐसी थी जो शायद दलित थी जो पहली थी वहाँ पे, मतलब ठीक है। तो मतलब ये चीज़ समझो, ये मुझे पता था कि आज़ाद हिंद फौज से जुड़ी हुई थी, तो इसके लिख लो भाई आए ने समझ में, तो ऐसे लिख लेना चाहिए थोड़ा थोड़ा बारे में। मैं बताऊँ पेपर हुए सर आपके? 4 कर लिए इन लोगों के कारण, नहीं तो अब तक तो आज कितने हो जाते, 6 हो जाते हैं, 4 ही हुए हैं, अभी लोग इधर उधर भाग गए, क्या ही करोगे सर आप तो ब्लड ट्रेन से भी तेज भाग रहे हैं। अरे देखो मेरा देखो बात ये ना कि मैं देखो जैसे देखो मैं फिर बता रहा हूँ, डिटर्मिनेशन लाना चाहिए, अगर डिटर्मिनेशन नहीं लाओगे तो नहीं होगा। जैसे तुम क्या लगता है, मेरे को भी मन में विचार आते हैं यार छोड़ो बाद में कर लेंगे, मतलब जब लगता है कि यार 6 साल फेलियर पीछे देखो मुड़ के तो रिजल्ट फिर वही रहेगा, अगर नहीं करोगे तो फिर करने का मन करता है कि यार कर लो। तो बात यही है, मैं फिर बता रहा हूँ यही रीज़न है, बड़ी बात। हार्ड कॉपी कितनी कितनी आ गई है भैया इसकी मार्केट में, हार्ड कॉपी मंगानी, हार्ड कॉपी नहीं है तो उससे टैबलेट से करना पड़ता है। 16 टेस्ट आ गए, 16 दृष्टि है। आपने सर जो पार्सल भेजा है ना, मेरे को फोटो भेजा है उसमें मेरा नंबर ही गलत लिखा है, नंबर गलत लिख दिया उसने। बोल दूंगा मैं उसको, 32 कर दिया उसने। अरे 82 आखिर में कितना है, बीच में मिस कर दिया है, मतलब चेंज कर दिया है, 5 का 3 बना दिया है। और ये ऐसे राइटिंग वाली कॉपियां कितने की पड़ती हैं?
यूपीएससी की कॉपी फॉर्मेट जो आता है उसका फॉर्मेट चाहिए क्या? हाँ यूपीएससी का जिसमें आप लोग जैसे लिखते हैं वो तो पड़ेगी, कॉपी क्या है वो तो फोटो कॉपी करके भेजना पड़ेगा, उसमें क्या है वो मेरे पास पड़ी उसको मैं फोटो कॉपी करवा दूंगा उसको लिख लेना सर। हाँ मैंने एक ग्रुप में, अरे मैंने ग्रुप में भेजा तो था फॉर्मेट कॉपी वाली, हाँ फॉर्मेट कॉपी भेजा था वो जीएस के लिए। कहाँ पे? अरे फाउंडेशन वाले ग्रुप में भेजा था किसी के पास हो तो बता देना। अरे मैंने भेजा पीएससी वाली जिसपे लिखा रहता है ना बड़ा बड़ा उसे कोई मंगा लो। हाँ मैं भेज दिया था वो तुम्हारे लिए, वो कॉपी मार्केट में मिल गई है। हाँ वो सबसे बढ़िया है। अरे हाँ मतलब फालतू में वो करे वो कॉपी मंगा लो ज्यादा बढ़िया है। हाँ वही बोल रहे जिसमें आप लोग लिखते हो सब लोग, साइड में लिखने के लिए मिल भी जाता है कि अगर कोई दिक्कत है कहीं कुछ गलत लिखा तो साइड में लिख लो। हाँ वो बढ़िया 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 वैसी चाहिए। हाँ तो वो 140 रुपए में आ जाएगी 500 पेज की। हाँ एक तो भेज दीजिए।